أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق अला किन्ना सलाजीरफ़ा समावत ब़ैर अमद इन तरउन सुमतवा अर्श वसर शमसा वलकमर कुल्लुई यजरील अजलिम मुसम्बा तिल का किताब ये आयतें हैं किताब की वलसी इलैका जो नाजिल की गई है का आप आपकी तरफ मेरे रब्बे का तेरे रब की तरफ से हक को सच्ची अल्लाजी ला शक्का फ़ी है तफसर खाजन ये किताब ये ऐतें हैं किताब की कौन सी किताब वो किताब जो तेरी तरफ़ नाजिल की गई है कहाँ से आई है तेरे रब की तरफ से कैसी किताब है अल हक बिल्कुल सच्ची है जिसमें शक का नाम और निशान भी मौजूद नहीं है वाला किन्ना अक्सर अन्ना से लेकिन अक्सर लोग ला यनून वो ईमान नहीं लाते क्यों ईमान नहीं लाते इसको समझते नहीं हैं शक करते हैं इनाद करते हैं उनमें निफाक है मुनाफ़त की वजह से ईमान नहीं ले आते अल्लाजी अल्लाह वात है रफ़ा समावत जिसने बुलंद किया आसमानों को ब़ैर आमादिन बग़ैर सतूनुके तराव नहा तुम देखते हो उसको कोई सतून तुम्हें नज़र नहीं आता सुमा अलल अर्श फिर मुस्तवी हुआ अर्श पर आर्श पर मुस्तवी हुआ माना मलूम उन कैफियत मजहूल उन बस सवाल बिदा माना मलूम हो कैफियत मजहूल हो तो उसके बारे में सवाल करना ही ठीक नहीं है विदा है तो यहाँ ये तो पता चल गया कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ लेकिन कोई इसमें घुस जाए कैसे चढ़ा चढ़ने वाली चीज़ तो वजूद वाली होती है अल्लाह तो वजूद से पाक है सीढ़ी लगाई, इस किस्म के करने की ज़रूरत ही नहीं है मा य को बेशान ही अपनी शान के लायक जिस तरह भी उसकी शांति ऊपर गया ईमान लाए आना ज़रूरी है ईमान रखना ज़रूरी है अगर कोई चीज़ में घुस जाएगा तो फिर गुमराह हो जाएगा व शखार शमसा वाल कमरा। काम में लगाया उसने सूरज को और चांद को कुल्लू यजरी हार एक चाल रहा है ले आ जा मुसम्मा मुकर वक्त तक हर एक अपने मुकर वक्त तक चलता रहेगा जब तक अल्लाह ने इसके वक्त मुकर किए हैं यु दब्बे रोलाम यह बार बार समझा चुका हूँ मैं और इन इसको जल्दी अ ख़त्म ही करना है जो दब्बे रोलाम खुद आप ही कामों की तदबीरें करता रहता है यू फसल लो खोल खोल कर बयान करता है वो निशानियाँ तकवीनी भी तशरी भी क्यों ला अल्लाम बिल रब गुम तो कि नय के शायद के तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन रख लो जो दबाम खुद तदवीरों के काम करता आप तदवीरें करता रहता है यानी किसी के हाथ में कुछ नहीं देता आप ही करता है जो कुछ करना हो बहो वल्ला असल बड़े काम वोल्लि वही वो ज़ात है मद्दल आरज़ा जिसने बिछा दिया ज़मीन को व जाल फ़ीहा रवासियाँ और बना दी उस ज़मीन में पहाड़ व अनहार अनहारा और नहरें व मिनकुल और हर किस्म के फल जला फ़ीहा बनाए उसमें जैन इस नैन जोड़े दो दो जो जैन ये मुबदल मेनो आए इस नए ये बदल है बनाए दो यानी नहीं दो जोड़े बनाए जोड़े यानी दो जोड़े एक के दो दो जोड़े बनाए योगशिलहारा ढांप दिया रात को दिन ने या ढांप लिया रात ने दिन को इन फ़ीज़ाल का बेशक इसमें ला हैं न कौमी और फिक्र करने वाली कौम के लिए वफ़ी आर्ज़ और आर ज़मीन में कहता हूँ मतजावरा मुख्तलिफ टुकड़े हैं मुख्तलिफ टुकड़े हैं ज़मीन में भी आप देखते हैं किसी ज़मीन कितने टुकड़े मुख्तलफ़ हैं कोई ज़मीन नरम है कोई रेतली है कोई सख्त है कोई सड़ूली है और कोई सुर्ख है इसी तरह ज़मीन की तहाव इसी तरह अगर नीचे चले जाएँ मुख्तलफ ताह आते हैं ज़मीन के अंदर तो अल्लाह ने मुख्तलिफ टुकड़े टुकड़े बना दिए एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं व जन्ना तुम आ बागात हैं अंगूरों से वर् खेतियाँ व नख़ील और खंजूरें शनवान जड़ मिली हुई व वैैर शनवान बग़ैर जड़ मिली के कुछ वो हैं जिनके नीचे से जड़ एक है लेकिन ऊपर इस तरह फूल जाती हैं लेकिन कुछ वो हैं जो सिर्फ़ एक एक है ऊपर जड़ उनकी नीचे नहीं युसा बे मान वाह जिसका पिलाया जाता है बीम बीमा वाहिद एक पानी से एक पानी से पिलाए जाते हैं पानी एक है लेकिन देख अंगूर अनार खजूरें हर एक वक् वक् है और जेका भी अपना रंगत भी अपनी ये है उसके कुदरत के दलाल ज़रा इनको देख और पहचान के अल्लाह कौन है वो फजिलोब बाज़हला बान और इसके बावजूद फिर भी हमने फजीलात दी उसके बास को बास पर फिल ओ खाने में एक चीज़ खाएगा दूसरी खाएगा तुझे वो ज़्यादा मज़ा करेगा फिर तो आखिर पर नतीजा करेगा लोग सच कहते हैं आम सब फलों का सरदार है आम सब फलों का सरदार है ये बाज़ बाज़ को खाने में हमने फजीला दी है इना फ़ीज़ आशक इसमें भी लायातिन निशानियाँ तो की ले कौमी या किलून अक्कर रखने वाली कौम के लिए मुस्तफ़ दिन फ़ायदा हासिल करने वाली कौम के व इन तजब फाजब अगर तो तजब करे वो क्या मत का इनकार करते हैं यहाँ से शिकवाए साथ तखवीफ उखरत से डरा भी जा रहा है इन तजब अगर तू तजुब करे उनके क्यामत के इनकार पर के ये क्यामत का क्यों इनकार करते हैं अगर तू तजुब करे तो ये तजुब वाली बात नहीं है ताजुब वाली बात यह है कि जब वो कहते हैं ये हड्डियाँ हड्डियाँ रेजे रेजे हो गए हैं जरा जरा हो गए तो ये दोबारा जिंदगी कैसे होगी ये तजु वाली बात है जब ये मौजूद नहीं थे तो हम उस वक़्त इनको पैदा कर सकते थे क्या इनके जरु ज़रू को जमा करके हम दोबारा पैदा नहीं कर सकते व इनताजब अगर तू तजुब करे फो होम जरा तजुब तो उनकी बात का है आईजा को न तो जब हम मर कर मट्टी हो जाएंगे आ इन लफी खल कदीद आया बेशम पैदा किए जाएंगे नए सिरे से उलाए का उलाए का समरा दो यवी यही वो लोग हैं जिन्होंने काफरू बे रब एम अपने रब के साथ इनकार किया रब का इनकार किया आज तक तो कोई ऐसा नहीं काफिर गुजरा इल्ला कलील दाहरी दारी भी दो किस्म एक दाहि दोरी एक दारी, दो दारी गैर दोरी रही किस्म के लोग उन्होंने रब की ज़ात का इनकार किया था अक्सर काफिर तो कायल थे अल्लाह की जात के फिर अल्लाह की जात यानी कुदरत तुहीद। उन्होंने इनकार किया अपने रब का अपने रब की तुहीद का इनकार किया फिर अल्लाह तुहीद के बजाय अपनी ज़ात को क्यों ले आता है अल्लाह कहता है जिस तरह मेरी जात में शक नहीं इसी तरह तुहीद के अंदर भी शक नहीं बदी होने में शक नहीं है जी सूरज निकला खड़ा है अच्छा जी लाजमी गल दिन ज़रूर है सूरज निकला है तो दिन जरूर है क्योंकि सूरज बगैर दिन के निकल नहीं सकता अल्लाह ज़ात है तो हीद वैसे बदी है जैसे अल्लाह की ज़ात बदी है बदी वो होते हैं जिसके ऊपर दलील देने की ज़रूरत भी ना पड़े इतनी वाज तो हीद व उलायक लजीरा ना व उलायका यही लोग है। हैं उलाकल अल फ़ीआ ना के हिम तो डालेगा इनकी गर्दनों में बड़े बड़े जहन्नम के तोक बना के इनकी गर्दनों के अंदर डाल दिए जाएंगे व उलायका और यही लोग असाबनार साथी होंगे आग के होम फिया वो इसमें खालदून हमेशा रहने वाले होंगे भाई वा, जी का और जल्दी करते हैं वह तुझसे इससे बेसइ आते बुरई का काबल अल हासात अच्छाई से पहले बुराई का जल्दी करते हैं अच्छाई ही से पहले बुराई अच्छी चीज़ नहीं है अजाब बुरा चीज़ है जल्दी करते हैं बुराई यानी अजाब का काबल अलसनते हासना से मुराद है आफियत अल्लाह की पनाह ये अच्छी चीज़ है पनाह को हसना से तबीर किया गया और आजाब को सैया से तबीर किया गया जल्दी मांगते हैं तो इसे अजाब माफिया से पहले पहले बद खलत में नबले ताकि गुजर चुके हैं इनसे पहले भी मासूलात कई नमूने अजाब के कई मिसालें अजाब की, की।, की, मिसाले की। वना रबा का तखफीफे दोनों यवी और बेशरब तेरा लू मगफ्रतन सैब बख्शिश वाला है लोगों के लिए इतने गुनाह कर भी जाए लोग तब भी वो सैब मफरत है माफ़ कर देता अला उनके जुल्म करने पर <coughs> 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 <laughs> वह इन्ना रब्बा का और बेशा का लदीदुल खाफ सख्त सजा देने वाला वकोल वा शिकवा और कहते हैं वो लोग जिन्होंने काफ़र व काफिर हैं काफिर लोग कहते हैं लौ ला उन जिला लयत उ मबी क्यों नहीं उतारी गई इस पर आयत उ मब्बी आयत इसके रब की तरफ से या आयत ब माना निशानी और निशानी फरमाइशी मौजा जो हम इसको कहते हैं वो हमारा मुंह मांगा मौजा क्यों नहीं ले आता हम जो इसको कहते हैं काल की मंडी के नर्ख बताओ आसमान पर चढ़ जा ये हमारे मुंह मांगे मुझे क्यों नहीं लिया था इन्ना माँ जवाब दे मेरा पैगम्बर इन्ना माँ अंत मुंजे रोन बेशक तू तो डराने वाला है तू तो, तो डराने वाला है क्या मकसद और ये बात तो तुम तब करते जब मौजू का मैं मालिक होता मैं मौजू का मालिक नहीं हूं तो तुम्हारा ये बात करना ही बेफायदा और फजूल है बेशक तू तो डराने वाला है ना कि तू मालिक है मौजात का ले कुल्ले कौमिन आ हाँ दिन हर एक कौम के लिए रास्ता दिखाने वाला तो ज़रूर था राह बताने वाला अल्लाह हो या अलामो अल्लाह जानता है माता मिलकुल्ल उन जो कुछ उठाती है कोई मुआनस व मा अरहाम जो कम होते हैं रहम अल्लाह जानता है जो कोई मादा उठाती है पेट में कि मुजक्र है या मुनस सईद है या शकी कितनी ज़िंदगी गुजारेगा उसको लई जानता है मा तगीज़ उम जो कम होते हैं रहम बच्चे में या मुद्दत में रहम कम होते हैं अब जब बच्चा बढ़ता गया उस वक़्त रहम भी बढ़ता गया बच्चा पैदा हो गया घटता गया मातज़दादुल्लिन इन द दे मकदारन मात अजदादो और जो बढ़ता है कुल्लो व शन हर चीज़ इन उसी अल्लाह के पास है यानी हर चीज़ का इलम अल्लाह के पास है बे मकदार बेकदार के साथ दाजे के साथ आलमुल ग़ैब जानने वाला है ग़ैब का छुपी चीज़ों का ग़ायब कहते हैं जो इंसानों से हिवानों से इंसानों जनु से मखलूक से छुपी हो वर अल्लाह से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है जानने वाला है छुपी चीज़ों का व शहादत और जहरी चीज़ों का अल कबीर जो सबसे बड़ा है अल मुताल बड़ी शान वाला सवा मिन कुम बराबर है ये है तखसीस बाद अज तमीम तमीम के बाद तखसीस सवा उमिन को बराबर है तुम में से मन असर अल कौला जो छुपाए बात को ममन जहर भी और जो बुलंद करे अपनी आवाज़ को मन और वो शख्स व मुस्तफ़िम बिल ले जो छुपने वाला हो रात में सारे बुन बिन बिन नहारे कोचू में फिरने वाला हो दिन को उसको भी अल्लाह जानता है लहू मौके बातुम तुम बैन ब यदय उस इंसान के लिए हिफाजत करने वाले हैं उसके आगे से भी अमिन खलफे उसके पीछे से भी या फजू न हो वो बहुत सारी बलाओं से हिफाजत करते हैं उसकी मेन न अल्लाह ला के हुक्म से हिफाजत करने वाले हैं इंसान के फरिश्ते जिनकी डिप्टियाँ होती बदलती रहती हैं असर के वक़्त ये फरिश्ते इंसान के आगे पीछे रहते हैं और बहुत सारी तकलीफ़ों से बहुत सारी मुसीबतों से इंसान की हिफाज़त करते हैं वो बहुत सारी बलाओं से महफूज करते हैं वो उसको मना मरीला के हुम से इन बे ला बेषकल्ला ला युगर नहीं बदलता बे कौमिन बेशकल्ला नहीं बदलता किसी कौम को हती यहाँ तक कि युग़रो वो बदल दें माँ बेानफों से अपनी जानों के साथ बेश नहीं बदलता माँ उस चीज़ को बे कौमिन जो कौम के साथ है यानी जो नमत अल्लाह कौम को देता है उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक ये अपनी शैतानिया ना बदलें अच्छाइयों को शैतानिया में ना बदल दें यानी उस वक्त तक वो उस कौम से वो चीज़ नहीं बदलता अल्लाह जब तक वो अपने आप को ना बदल दें जब वो बदलते हैं इंसान तो अल्लाह भी उनको दी हुई चीज़ बदल देता है हा क्यों क्यों बदल देता है इसलिए कि उनके अंदर वो अब लियाकत नहीं रहती उस चीज़ की सलाहियत नहीं रहती <laughs> कहते हैं नम्बाज़ कि यार पहले तो तू चीज़ ये मुझे देता था अब तू चीज़ देता नहीं है तो आगे से क्या जवाब दें अब तेरे अंदर लियाकत नहीं है वो सलाहियत नहीं है यही देख लो पहले तो जी हमारे पीछे तो नमाज़ पढ़ता था मसल पर अब क्या हो गया कितने दिन महीने हो गए तो नमाज में कहते हैं अब तेरे अंदर लियाकत नहीं अब तेरे अंदर लियाकत नहीं वो सलाहियत तो बाकी रख तो फिर नमाज भी हो जाएगी तेरे पीछे ए पहले या तो हमें पता नहीं था हमें तो पता था लेकिन तू ठीक था लेकिन जब से तूने दो नंबरी शुरू कर दी उस दिन से हमें इलम हो गया कि अब ये नमाज़ का माल नहीं रहा इसलिए ये भी यही है कि हम कौम को जो नमत देते हैं वो नमत उस वक़त तक नहीं वापस लेते जब तक ये अपनी सलाहियत ख़ुद बदल नहीं देता जब ये अपनी सलाहियत अपनी खसूसियत अपनी खसीयत अपनी अदाज से जब बाहर निकलता है तो हम दी हुई नेमत वाला खींच लेते हैं इस अब कहे ना कोई कि बादशाह पहले जो इतने गुजर चुके हैं रियाया और सरदार वो ऐसे बादशाह सरदार तो नहीं होते थे तो अब वो ऐसे नहीं थे तो नीचे रियाया भी तो ऐसी नहीं थी ना अब रियाया ऐसी तखिरों पर सरदार भी ऐसे होंगे बेशक नहीं बदलते माँ उस चीज को बे जो बेम के पास है यहां तक वो बदल दे माँ उस चीज को बेफुसेम जो उनके जीवों में है यानी ईमान से हट जाए वाइजन अरादल ये आम भी हो सकता है जो चीज भी नुनिया के लिहाज से हो या दीन के लिहाज से वाइजा वाइज़ा इज़ा अल्लाह बे सुअन जब इरादा करता है अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का तो फ़ला मरद लहु उसकी बुराई को अल्लाह से वापस कोई नहीं कर सकता व हो मंदून ही यहाँ से नफ़ी शफात कारी नहीं है वास्ते उनके उस वक़्त मंदून ही अल्लाह के सिवा में वाल कोई मददगार अल्लाह के अलावा कोई उनका मददगार नहीं होगा वोल्लाजी वही ज़ात तो है युरी को जो दिखाती है तुम्हें चमक खौफन घिरने का भी डर होता है व तमा और बारिश की भी उम्मीद होती है बारिश की भी उम्मीद होती है व ऊन से उसब और उड़ाता है बड़े बड़े भारी बादलों को पैदा करता है बड़े बड़े भारी बादलों को व यु सभ्य हो रो तस्बी करता है राद फरिश्ता ये आवाज़ जो आती है ना बादल से कहते हैं यह राद फरिश्ते की होती है ये उसकी आवाज़ है जो हाँ करहा होता है बादलों को बेहमदे उसकी तारीफ़ के साथ वल वलमलाए कतो और फरिश्ते भी मनखी फत ही अल्लाह के डर से वयुर्सुस्वाय का और भेजता है बिजलियाँ फयुसी बुचाता है इसके साथ मैं ये शो जिसे चाहे बहो वयुजा वहोम युजा, युजा दिलूना और वो झगड़े करते हैं फिल्लाए है। ऐफी तुहद अल्लाह की तुहद में हो व शीदल अल्लाह के वो बहुत सख्त क़त वाला है हक ये सब पीछे जितनी भी दलाल ज़िक्र हो चुके हैं सब काम करने वाला अल्लाह है चमक बादल हैं ये हवाओं का भेजना बिजलियों का ये जिस जो जो भी काम हैं ये सब कुछ करने वाला अल्लाह तो खुलासा निकला लहू दावा तो हक उस अल्लाह ही के लिए पुकार खालस यही दावा है उस अल्लाह के लिए पुकार है खालस उसी को पुकारो तो ऐसे समझो ये पूरे कलम का ख़ुलासा है पूरे कलम का ख़ुलासा है लहू दावा तो हक उसी के लिए पुकार सच्ची <सच्छाँ> खालस पुकार उसकी है दलील दलील ये वल्ल यदून मिन मंदू नहीं वो अस्थियाँ जिनको वो पुकारते अल्लाह के सिवा मसैब हवाज में ला यजीबू नल होम नहीं वो जवाब दे सकते उनके लिए बेशयी ने जरा बराबर भी अल्लाह कबा से कफ़ा है मगर मिसल बिछाना कफ़ा है अपनी हथेलियों को इलल माए पानी की तरफ ले यब ताकि पहुँच जाए फा हो उड़ कर उसके मुँह में वाह हुआ और नहीं है वो बेबाल ही पहुँचने वाला उसके मुँह में अच्छा ये दलील है अल्लाह के अलावा कोई और किसी की सुन सकता नहीं उसकी मुरादें पूरी कर सकता नहीं अच्छा फिर अगर अल्लाह के सिवा कोई और किसी को पुकारे खालस पुकार अल्लाह की दलील दलील यह है कि अल्लाह के सिवा और कोई किसी की सुनने वाला ही नहीं अच्छा जो फिर पुकारे उसी को जो सुनता ही नहीं है तो फिर उसका हुक्म क्या लगाएंगे मा काफिर ये हुक्म है उल काफिरी ना अल्लाह फ़ी जलाल नहीं है पुकार काफरू की जो मबूदा ने बातल को पुकारते हैं इल्ला फी जलाल मगर बेअसर सरफ बकवास से और कुछ भी नहीं है <laughs> तो अब हाँ पानी की तरफ ये पैगम्बरों के वजूद समझ लो पानी की तरह तरोताज़ा हमारा ईमान है कि पैगम्बरों के वजूद तरोताज़ा हैं पड़े हैं जिस तरह रखे गए थे साहेब हृदय ने भी ये कहा है और पानी जैसे तरोताज़ा पानी के किनारे के ऊपर दरिया के किनारे या टूटी के समा सामने तो वेल के सामने या नहर के किनारे पर या नलके के सामने खड़ा हो के प्यासा बंदा अपनी हथेलियाँ बिछा दे और पानी को कहे आ पानी ले यब लोग फाओ आ जा पानी आ जा मेरे मुंह में उड़ के आ जा सारी ज़िंदगी बुलाता रहे लेकिन कभी पानी उसके मुंह में नहीं आएगा प्यासा मर जाएगा पानी नहीं आएगा इतनी बेवफाई पानी में इतनी बेवफ़ाई, बेवफ़ाई नहीं है बेवफ़ा तू है बेवफ़ा तू है क्योंकि तू पुकार उसको रहा है जो तेरी सुनता नहीं है, तो तू ही बेवका बेवकूफ़ है जब तुझे एक पता ही है कि वो नहीं सुनता तो फिर तू क्यों पुकारता है उसको प्यासा तो मर जाएगा लेकिन कभी पानी इसकी सुन के इसके मुंह में नहीं आएगा अल्लाह ने कहा पागल इंसान पैगम्बरों के वजूदों को पुकारने वाले आ पुकार 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 के तो पुकारता पुकारता मर तो जाएगा लेकिन कभी वो तेरी पुकार को सुनेंगे नहीं जैसे पानी 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 करता करता प्यासा मर जाएगा तो फिर जाएगा कहाँ काफिर रो के मरेगा क्यों काफिर रो के मरेगा इसलिए कि जिस बंदे को ज़रूरत है उसको वजूद ज्यान करने की ज़रूरत नहीं है वो उतना खा ले ये ना समझे कि मैं प्यासा मार जाऊंगा तो बेच में चला जाऊंगा काफ़िर हो के मरेगा क्योंकि मजबूरी के वक्त तो अल्लाह ने खनज़ीर का गोश्त भी हलाल कर दिया उसके आँख में है असल में आराम लेकिन उसके लिए बतौर जान बचाना ज़रूरी है तो वो मरेगा तो प्यासा हो के मरेगा असबाब बावजूद असबाबों के तब मार गया अगर तो प्यासा हो के असबाब के होते हुए मार गया तो ये काफे रोके मरेगा इस तरह जिंदा खुदा को छोड़ के गैरों को पुकारने वाले आओ नबी वली अल्लाह को पुकारने वाला अगर तू मरेगा तो तू भी हो के मर जाएगा आप जब नबी नहीं सुनते तो नीचे तबका तो बाद में है। वो तो बदर जाओला नहीं सुन सकते ज़रूरतों को नहीं पहुँच सकते तो आप यहाँ क्या कहा कुरान ने कौन सा हुक्म लगाया कि जो शख्स अल्लाह को छोड़ के गैरों को पुकारे उसको मुसलमान का ना उसका हुकुम दिया माँ दुआ उल काफिर वो काफिर हो गया उसका हुक्म खुद कुरान बयान कर लोग हमें बदराम करते हैं ये फतवे के ऊपर फतवा ये फ़तवे हम मैं तो फ़तवे का कायल ही नहीं हूँ लेकिन जो कुरान के फतवे को ना माने उसके काफिर होने में भी शक नहीं करता मैं उसको भी मैं मुसलमान नहीं समझता फतवा जब कुरान दे दे और फिर ये कहना जी ज़रा ये लफज नहीं बोलने चाहिए कुरान के धीमी इख्तियार ढिल्ला पन इख्तियार करना चाहिए हम इस चीज़ के मैं कायल नहीं हूँ कतन भी कायल नहीं हों या अय्यो अल काफिरून अ काफ्रो यहाँ क्या कहेंगे लोग कहते हैं जी बादशो काफिर को काफिर ना कहो ना जी मैं मसला नहीं सुन अब उसको क्या कहूँ तेरा बांझा कहूँ उसको फुप्पा तेरा बोल के बुलाऊँ क्या बुलाऊँ उसको है बिनोई तेरा बुलाऊँ उसको क्या नाम बुला के दूँ उल्लू के पट्ठे जो बेदीन है उसको बेदीन ही बुलाने कुरान जो बुला रहे यालका फिर यहाँ कह रहे माँ मा दुआ उल फिर पीछे का नुरद्दो, मुरतद्दो, कहीं कहे माना जल्लो बड़े गुमराहो कहीं कह रहे है, मुश्रको अब उसको क्या बुलाएं हम मन यशुदु मनफी समावत वल्ल ही के लिए सजदे करते हैं जो कुछ आसमान में और ज़मीन में ताओ व करा ख़ुशी से और ना ख़ुशी से वाजी ला लो बिल गल आसाल और सब भी उनके सुबह और शाम देखते हो ना अल्लाह के लिए सजद करते हैं जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है चाहे कोई ख़ुशी से करता है या ना खुशी से करता है और शाय जो हैं उनके सुबह शाम वो भी सजदे करते हैं आगे एक इन एक आयत और भी वहाँ कुछ बास करेंगे ये जो मुल्ला उठाया हुआ है ना मसला के रसूल का साया नहीं था जी साया नहीं था जी साया नहीं था मलूम हुआ नूर है ये बकवास करता है झूठ बोलता है अल्लाह कहता है जो कुछ आसमान में आए और ज़मीन में हर चीज़ अल्लाह के लिए सजदे करते हैं व जिला उनके सय भी सुबह शाम सजदे करते हैं सूरज मशरक़ से निकला मगरब की तरफ साय झुक गए मगरब की तरफ सूरज आया मशर की तरफ झुक गए जो जो सूरज घूमता है सय भी घूम रहे होते हैं अल्लाह तो कहते हैं हर चीज़ जो ज़मीन आसमान में सजदे करते हैं उनके सय भी करते हैं फिर कौल आ फरमा दे मेरा पैगम्बर तो ये कहना कि पैगम्बर का साया नहीं था ये चिट्टा झूठ है सब नबी अलैहिस्सलाम का साया था कुरान कह रहा है कि हर चीज़ का साया है एक रिवायत आती है बिल्कुल मज़ो मन घड़त रिवायत को ला फरमा दें मबो समावत वाला कौन है रब आसमानों कौ और जमीन का कोल्ल इनसे से पूछ तो सही ना मेरा पैगंबर जरा मशरक़ी मक्का से भी पूछ किसी किसी टाइम मुशरिक से तंग करने के लिए मशरक़ से सवाल करना चाहिए मुशर्क़ो क्योंकि तंग करना ही सवाब है ना पीछे सूरत तोबा में गुजर चुका है जो भी तुम करोगे सवाब मिलेगा तुम्हें कौल पूछ जरा अबू जैल साहब से लानतल से उतब शेबा बाकी जो अब जैल खड़े इंसान मुशर खड़े हैं मुशऱी ने मक्का से पूछ ज़मीन आसमान का रब कौन आए यह दलील अला सबी इतरासम जो मद मुकबिल भी इतराफ़ कर ले पूछ इनसे ज़मीन आसमान का रब कौन है ओ बताओ मूजा बूजा ये इस ज़मीन आसमान का रब कौन है फिर कहेंगे अल्लाह अल्लाह मुशरक मक्का भी मानता है अल्लाह लेकिन आज का मुशरक नहीं मानता ये कहते है ना ये धरती बाबे के साय के नीचे चल रही है कुलिल्ला तू कह दे मेरा पैगम्बर अल्लाह ये भी समझा चुका हूं कि जिस मसले में ए तफा माला कहते तो दे मेरा पैगम्बर अल्लाह क्योंकि उन्होंने यही जवाब देना है कौल मेरा पैगम्बर कैद पूछ जरा आप कहें आप आफत तखस तो मैं तुम पकड़ रहे हो मिंदू नहीं अल्लाह के सिवा को औलिया कार सा बिगड़ी बनाने वाले ला यम लेफो सेम नहीं है मालिक वो अपनी जानों के नफ़ा नफ़े देने का भी नफे देने के भी मालिक नहीं हैं वाला जरा और न तकलीफ़ को हटाने के मालिक है <प्थाँगा> तुम तो उनको अल्लाह के सिवा पूछते हो जो अपनी जान के नफ़े नुकसान के मालिक नहीं आप देखो कोई मोए को पूजे कोई कब्बर वाले को पूजे कोई दरबार को पूजे वो अपने नफे नुकसान का मालिक नहीं है वो नफ़े का मालिक होता आप अप, अपने नुकसान का मालिक होता तो उसकी ट्रंगड़ियों को तुम ताले क्यों लगा के रखते हो उनके रास्ते के दरवाजे के ऊपर तुम क्यों डंडे उठा के बैठते हो वो जो अपने नफे नुकसान का मालिक नहीं है तुम्हें बेटियाँ बेटे तुम्हारी इस्ते और तुम्हारे तंग जिंदगी के हालात कैसे आसान कर देंगे कौल मेरा पैमर कह दे आप हल आमा वल बसीर क्या बराबर हो सकते हैं क्या बराबर है नबीना और देखने वाला नहीं अल्लाह बराबर नहीं है आमा कौन है मुशर बसीर, मवैद जिस तरह अंधा और बीना दोनों बराबर नहीं हो सकते इसी तरह मशर और मवैद बराबर नहीं हो सकते जिस तरह रात और दिन बराबर नहीं हो सकते इसी तरह मवैद और मशरक़ बराबर नहीं हो सकते जिस तरह सूरज चांद बराबर नहीं नहीं इनके साथ इन चांद के साथ, साथ मुशर को तशबी देना है तो ही ये बेहमान को अंधे के साथ भी ठीक है रात के साथ ठीक है हाँ ये कहो जिस तरह शेर और गद्दा बराबर नहीं इमें मुशरक़ और मवैद बराबर नहीं क्योंकि मवैद शेर है और मुशरक गद्दा है ये बराबर नहीं हो सकते अम हल तस्तवी जुल्मा तो व नूर हल्का आया क्या बराबर हो सकते हैं अंधेरे और नूर नहीं लमात जमा का सीगा है। नूर वैद का ये भी कई दफ़ा गुजर चुका है क्योंकि शरक कुफर अंधेरिया ये लमात ढेर हैं नूर तुहद सिर्फ एक रास्ता क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं देर और रोशनी नहीं बराबर हो सकते इसी तरह तुहद और शर्क बराबर नहीं हो सकते अमज शौरा का जजर क्या बनाते हैं वो अल्लाह के लिए शरािका शरीक उसकी इबादत में खलाकू का खल की ही पैदा किया उन्होंने किसी शहर को का ख़ल की ही मिसल अल्लाह की पैदा करने के फतशा बाल खल को पसमत भी हो गई है पिदाश उनके ऊपर क्या इनके महबूदू ने कोई चीज़ पैदा की है जैसे अल्लाह ने पैदा किया है और आप इनके ऊपर खलत मलत हो गई है पहचान नहीं हो सकी <coughs> कुल्ला दे मेरा पैमवार अल्ला खाल शन अल्लाह पैदा करने वाला है हर चीज़ का हो वलवा वही अल्लाह अकेला है अपनी ताफात ओलूहत के अंदर कहार बड़ा ही दबाव वाला है अनजल उतारा उतार उतारता वो आसमान से मान पानी फसालाउदी त बह हैं वादियाँ बेकादा रेह अंदाजे के साथ देखो अल्लाह की ये भी शान देखो जितना नाला होगा जितनी वादी होगी पानी भी उतना जा रहा होता है फातमला सह पस उठाती है सैलाब सैलाब उठाता है जाबादन झग को जाबादन राबिया झग राबिया फूली हुई फूल हुई जग को उठाता है व मिम्मा यू के दूना अलय और उस चीज से जो तुम तपाते हो यू के दूना तपाते हैं वो वाले उस पर फिनारे आग में इबिगा आ तलाश कर लिया जेवार को औ मता इन समान मिसलो जग मिसल उसके का। इसी तरह यजरेबुल्ला खुलका बयान करता है अल्लाह हक को वल बातिल और बातिल को हक है तुद बात है शिर्क अब जब बारिश बरसती है तो नीचे जब नदियाँ बह रही होती हैं कोई नाले छोटे कोई बड़े उन नालों के ऊपर फूली हुई झग होती है नीचे पानी होता है थोड़ी देर के बाद वो जो पानी के ऊपर झग होती है थोड़ी देर के बाद पानी जमीन में ठहर जाता है झाग खत्म हो जाती है ये पानी हक है झग बाते लाए क्या मतलब टाइम नहीं है बड़ा वरना मिसालें बड़ी आला दी है अल्लाह ने हारे के जब बारिश बरसती है आसमान से पानी नीचे आता है उस वक़्त हर चीज़ निकल पड़ती है इस तरह जब कुरान की बारिश हुई आसमान से नीचे शिरक कुफर था बड़ा लड़ाई हक के साथ बड़ी मुखालफत की कुरान के साथ एक दफ़ा तो हक वालों को दबा दिया जैसे मक्का वालों को मक्का वालों ने वो चांद मक्का वालों को जिनको हिरा करने पर मजबूर कर दिया दबा दिया था फिर कुछ वर्ष वर्षा ये काम रहा फिर अल्लाह ने हक वालों को गालिब किया वही मक्का वाले फिर मगलूब हो गए वो चांद गए कुरान की बारिश जब बरसती है बरसी थी नीचे कुल शिरक कुफर था और जब आयतें कुरान की आई हक आया उस वक़्त बातिल बड़ा लड़ा था के साथ लेकिन हक हाँ के पाँव हैं बातल के पाँव नहीं हैं बारिश पानी जैसे ज़मीन में टिका जाए तो फिर झाग खत्म हो जाती है साफ शफाफ हो जाता है ये बातिल भी इस तरह है पानी कायम रह गया बातिल ख़त्म हो गया और कभी कभी आप बातल झाग के अंदर देखते होंगे आपने झाग के अंदर देखे होंगे बड़े बड़े झाग के इतने इतने बूंबे नुमा होते हैं बड़े बड़े तो फिर उन जगों के अंदर सांप होते हैं और बिच्छू होते हैं तो फिर जब जट जमीन को पानी लगाता है वो सांप निकलते हैं कभी तो फिर क्या करता है जाट वो जो कई होती है ना उसके हाथ में हथियार उसकी उल्टी सट मारता है उसको पीछे से इतनी सख्त सट मारता है इसलिए कहते हैं सांप को या कमर में सट मारो या सर में मारो ये दो चीजें जहां सांप नहीं जा सकता कमर में लगे हड्डी टूट जाएगी वहां खड़ा रहेगा जाएगा नहीं सर पर सट लगेगी इसकी जान ले जाएगा कुछ को जट सट सोटे के साथ मार देते हैं कुछ सांप बिच्छू वो होते हैं जल्दी जल्दी खुड्डू में घुस जाते हैं जल्दी जल्दी खुड्डू में घुस जाते हैं और फिर वो बाद में क्या करते रहते हैं किसी को डांग लेते हैं थोड़ी थोड़ी नसर अल्लाह ने कहा जब कुरान के आते हैं ना पीछे नीचे था छिरक मुशरक हमने सट मारी इसको कुरान की जब कुरान की सट्टे लगी ना इसको फिर कोई तो खत्म हो गए जंगे लगवा, लगवा के हमने इनकी खत्म की और कुछ वो थे जो बेचारे बाद छुप गए जो आज तक शेर को फैलाए जा रहे हैं। तो हक और बातिल पानी हक है और ये जो जग है ये बातिल है तुद तो हक है शिरक बातिल है शिरक हो गई जग पानी हो गया हक इसी तरह अल्लाह ने सुनार को मिसाल दिया सोने ले सोआ सोनारा तो जब सोना ले आता है कोई खाल सोना नहीं होता आग की भट्टियों में तपाता है तो उसको फिर वो जग खत्म होती है बाद में सोना बनता है बाद में जब सोना बन जाए फिर वो लखों के हिसाब से जाता है पहले उसको नाक में डालने के लिए कोई तैयार नहीं होता जब सोना बन जाए नाक से निकालने के लिए कोई तैयार नहीं होता पहले कोई उसको गर्दन में डालने के लिए तैयार नहीं होता लेकिन जब सोना बन जाए तो उसको हर कोई अपने सीने के ऊपर सजा रहा होता है कोई बाजू में सजाता है बाया के पहले तो हाक को कबूल करने वाला कोई नहीं था जब हाक छा गया फिर हाक ही था जो सोने लग रहे थे हैं जिनके ऊपर रमते बरस रही थी पर मैं ये जाग शिरक है और तुहीद जो है ये असल सोना है ये निरी धात है धात सोने की <laughs> फम्मज़ाबो ततिबा फम्मज़बो बरल जो झग होती है फ़ैज़ आबो चली जाती है जुफ़ा अन सूख कर खुश को कर वम्मा मन फोन्नास बारल जो नफ़ा देती है चीज़ लोगों को फैम को सफेल अर्जे बस वो ठहर जाती है ज़मीन में कजाल का इसी तरह यजरेबल्लामसाल बयान करता है मिसालें कई अल्लाई लजीन सजाबल रब ये सफ़ात मोमिन भी है बशारत भी है वो लोग जिन्होंने कबूल किया अपने रब के हुक्म को अलहसन उनके लिए अच्छा ही होगी यानी जन्नत होगी व लजीना और वो लोग लमयजीबू लो जो कबूल नहीं करते अल्लाह लाओ के हुक्म को लोअलोम अगर दिन के आमद के बेशवा उनके माफिलर्दे जो कुछ ज़मीन में अ जमीन सब का सब हम मा मिसलऊ माओ बल्कि और भी इसके साथ मिला लो लफ भी फिदिया देना चाहे उसको और जान छुड़ाना चाहे तो तब भी जान नहीं छूटेगी उलायक यही लोग हैं सम्रेवल यही लोग हैं लाओ लूल हिसाब उनके लिए बुरा हिसाब मावाहम और ठिकाना उनका जानना वो जानना मैं मे असलमिह और बुरी है आराम की जगह यहाँ तो पलंगों पर सोता था ना यहाँ तो रोज़ा रख के बादशाह जी सोते हैं लगा देते हैं ऐसे सारा दिन पड़े रहते हैं नज़ोर न जोर की निमा ना की शैतान सोया पड़ा अब आलम हो मा ये रोज़ा रखी है हमारी तरफ कहते हैं लंगड़ा रोज़ा जो नमाज ही नहीं पढ़ता तरावी नहीं पड़ता वो रोजा क्या रखे आफा मैलमो अन्ना माँ उन जिला का मे रबे का आया जो जानता है बेशक नाजिल किया गया तेरी तरफ तेरे रब की तरफ से हक एक शख्स वो है जिसको इलम है कि जो कुछ नाजिल किया गया रब की तरफ से यह हाक है और एक वो शख्स है जो आमा अंदा यानी इस चीज़ को जानता नहीं है क्या दोनों बराबर हो सकते हैं नहीं हो सकते कमान मिसल उसके हो आमा वो जो नबीना हैसीहत तो हासिल करते हैं अक्ल वाले लुबाब। जिसके अंदर अक्ल सहब अक्ल वाले अल्लाजीन ब्यादिल्ला और वो लोग जो अल्लाह के साथ किए हुए वादे को पूरा करते हैं ये वादा कौन सा मुराद है तो वाला वादा जो ला लाला पाड़ चुका है इस वादे को पूरा निभाता है वलामिस नहीं तोड़ते वो वादों को यानी शिरक नहीं करते वल्लना और वो लोग ये दूसरा इसिला है हकूक लिबात पहला था हकुकल्ला हाँ हक़ लिबात वल्लिन वो लोग यासलोन ममा अमर अल्लाउ जोड़ते हैं उस चीज़ को जो हुक्म किया अल्लाह ने भी साथ उसके जोड़ने का यू सला के जोड़ा जाए अल्लाह हुकम करता है ना जिन चीज़ों को जोड़ने का कि इनके साथ रिश्ते जोड़ो मुवैद उन्हीं के साथ रिश्ते जोड़ता है अल्लाह ने हुकम किया मुवैदो आपस में तो रिश्ते जोड़ो इसने ठीक है मुवैदों के साथ रिश्ते करेंगे अल्लाह ने मना किया मुश्रक से रिश्ता नहीं इसने कहा नहीं है रिश्ता नहीं जोड़ता अल्लाह ने कहा मियाँ बीवी आपस में तुम्हारे रिश्ते जुड़े रहें और कोई शरारा नहीं करनी इन्होंने कहा बिल्कुल आपस में फिदा रहेंगे और कोई ऐसी अरक़ात नहीं करेंगे हैं, ये मुसलमानों की सिफात है जिन काम के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म किया है उनको जोड़ते हैं और जिन के तोड़ने का अल्लाह ने हुक्म किया उनको तोड़ते हैं अल्लाह ने कहा मुसलमानों आपस में जुड़े रहो जनाजे एक दूसरे के खुशी गमी आपस में करो इन्होंने कहा ठीक है जुड़े रहेंगे ये जुड़ते हैं व यक्ष न रबा और डरते रहते हैं वह अपने रब से अल हिसाब और डरते हैं बुरे ही सॉफ से वब ही पंचवीं सिफत मवैदों की पहली सिफत आई यू ये यूफ़ोना बे आदिला एक पहली सिफत अल्लाह के वादे पूरे निभाते दूसरे आपस में जोड़ के रखते हैं तीसरा यकशु न रब अपने रब से डरते हैं चौथा यकाफ़ु नसू वाले साब बुरे हिसाब से डरते हैं और पाँचवा वल्लना सबरबा अवज रब वल्लना वो लोग जो मजबूत रहते हैं दीन हक पर तलाश करते हैं अपने रब की ऱा को तलाश करते इबतगा तलाश करना सलात छट्टी की कौन सी सिफात है वायद की कैम करते हैं नमाजों को जहाँ भी मवाद की सिफत है या पहले नंबर पर अल्लाह नमाज को ले आया या दूसरे तीसरे नंबर पर अल्लाह नमाज को ले आया नमाज को ले ज़रूर के आया है कि मोमन की सिफत है नमाज छोड़ता नहीं आकाम कैम करते हैं वो नमाजों को व अन सातवीं सिफत उनकी है खर्च करते हैं मे से रजक जो हमने रिजक दिया उनको सिर विया छुप कर भी और जैरन भी जिस तरह भी उनको मौका मिल जाए उसी तरह खर्च कर लेते हैं व यदरा बल्हानात सयाह और अठवीं सिफ़ात उनकी अकाम उ सलात इबादत बदनिया अनफकू इबादत मालिया यदरा अख्लाक उनके अंदर अखलाक भी हैं बदाखलाक नहीं हैं इसलिए मुवाद के अंदर अख्लाक होता है जो बेईमान होता है उसके अंदर अख्लाक नहीं होता लेकिन बात यह है लोग अखलाक वाले समझते हैं। उसको हैं जो ख़ास बात बदज़बान हो जो ठीक हो उसको कहते हैं ये है नहीं मुड़े ये अखलाक लोगों पर मौकूफ़ नहीं होगा अखलाक कुरान की रूह से देखा जाएगा कि अखलाक क्या चीज़ होती है <laughs> कहो न या यूल काफिरून तो फिर वो क्या कहेगा ये बद अखलाक है हालांकि सबसे बड़ा अखलाक यही है जन्ना यदराब लन सया दूर करते हैं छइयों के जरिए बुराइयों को अल्लाह जिनके अंदर ये आठ सिफते उनका समरा क्या निकलेगा नतीजा क्या जाहिर होगा क्या चीज मिलेगी उलाए उलायक यही लोग लोम उनके उकबदार अच्छा घर है आखरत का नेक अंजाम है दार घर है आखरत का क्या यानी जन्नत यानी जन्नत है हमेशा रहने वाली यद ना दाखिल होंगे वो उसमें ब मन सला मिन आबा जो कोई सलाहियत रखेगा मिन आबाएम उनके बापों से बजवा जम और उनकी बीवियों से व जर्रिशातेम और उनकी औलादों से वलमला तो और मलाइका दाखिल होंगे उन पर मिनकुल बाबिन हर दरवाजे से हर दरवाजे से आकर रोकेंगे भाई इस दरवाजे से नहीं गुजरना ना ये काम नहीं होगा हर दरवाजे से आकर आकर क्या कहेंगे सलामुन यकुल सलाम सलामुन अलई कोम सलामती हो तुम पर आज तो हर आफत तो खतरे से महफूज हो बिमा सबर तुम बस हब उसके जो तुम सबर करते रहे किस पर यानी दीन हक के ऊपर मजबूत रहे लोगों लोगों ने तुम्हें हटाने की कोशिश बड़ी की थी सबर करते रहे फने मकबत दार बस वाह वाह या घर है अच्छा अंजाम का वाह वाह घर है वाह वाह वा। नेमा मद्दा है मद्दा वाह वाह है आखरत का वाह वाह ग है जो सलाहियत रखेगा उनके बाबू से और वाई से और से <coughs> तो यह पहले भी इस किस्म के आते गुजर चुकी हैं कि अगर बाप है बेटा भी मुहैद है बीवी भी मवाद है खामद भी है लेकिन हर जन्नत में दर्जे होंगे हर एक के जितना गुड़ उतना मिठ्ठा किसी के दर्जे ऊँचे होंगे किसी के दर्जे नीचे हैं बेटा ऊपर है बाप नीचे है आप खामद ऊँचा है बीवी नीचे जन्नत में है तो अल्लाह इस तरह नहीं करेगा कि ऊपर वाले दर्जे को नीचे लेके आए ना इन नीचों वालों को ऊपर ले के जाएगा ऊपर ले, ले के जाएगा ये वल्दीनकल्ला वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के वादों को यानी वादा तो ईद अलग कर लेते हैं फिर हट के शिरक भी करने लग जाते हैं बाद उसके हैं बाद उसके मिसा के ही पुख्ता वादा करने के बाद वही तो अमर अल्लाह और काटते हैं उसको जुकुम के अल्लाह ने उसके साथ आई यू के जोड़ आ जाए यानी फसाद आमाल अमली भी फसाद करते हैं भाई से दो नफिलर्द फसाद करते हैं ज़मीन में ये फसाद अखलाक उनके अखलाक भी बड़े बुरे हैं बद अखलाक हैं <स्थाथ> यही लोग इनका समरा क्या निकलेगा उलाए का यही लोग हैं लौमल्लात वस उनके लानत है वाला लोम उनके लिए बुरा घर है अल्लाह को यब सुतरजा अल्लाह वसी करता है करता रहेगा यब सुतो करता है करता रहेगा आलो इस्तबाल अल्लाह करता है रिजक वसी करता रहेगा शाह जिसके लिए चाहेगा मैक देर और माफ़ के देगा और तंग कर दे तंग भी कर सकता है माफ़ कर देता है व फ़ार जजर खुश होते हैं वे हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी के साथ व मल हयात दुनिया और नहीं है दुनिया की ज़िंदगी फिल आख़िरत आख़रत के बदले में ला मताउन मगर चंद दिन की मताउन ये तनवीन ले किल्लत ये मताउन के ऊपर जो तनवीन है ना ये क़िल्लत के लिए मगर कलील सी ममूली सी थोड़ी सी भकुल्लाधी काफ़र हो कहते हैं वो लोग जो काफ्र हैं लो ला उन क्यों नहीं उतारी गई इसके ऊपर आ या तुम मेरा, मेरा बे फरमेशी मोजा इसके राब की तरफ से कोल मेरा पैगम्बर जा जवाब देन को इन ला बे शक्ल युजिलो गुमराह करे मैशा हो जिसे चाहे भयादे हृदय दे, दे उसकी तरह मन आनाबा जो मुरीब हो हिदय देते दे दे उसकी तरह उसको जो इनाबत रखे अब सवाल तो है इनके ऊपर मोजा क्यों नहीं उतारा गया जवाब अल्लाह की मर्जी जिसको गुमराह करे अल्लाह की मर्जी जिसको गुमराह करे हालांकि इसका जवाब तो नहीं बनता था जहरा लेकिन है जवाब यही है कहते हैं ना ऐसे को तैसा मिले तब पता चलता है ये जवाब ही उन्होंने इसतजा ना कहते हैं कि अगर रसूल है तो हमारा मुंह मांगा मोइजा लेकर क्यों नहीं आता अल्लाह ने कहा कह मेरा पैम्बर इतने मोजे पहले जो जहर हुए हैं उन पर तुम ईमान नहीं ले अल्लाह जिसे गुमराह करे एक मोजे के साथ क्या हिदायत दे उसको गुमराह करे अल्लाह कौन उसको हिदायत दे देजीन अमनु वतम खुलूबूम वो लोग ये सिफ़त एवल बयान हो रही है मुनीबीन लोगों की वो लोग जो इमान मतमिन हुए दिल उनके मतम रहते हैं दिल उनके अल्लाह है अल्लाह के ज़िक्र के साथ ज़िक्र तो और भी हैं लेकिन सबसे बड़ा ज़िक्र कुरान है ज़िक्र तो और भी है सबसे बड़ा जिक्र क़ुरान ख़बरदार लोग खा लही है ख़बरदार लोगो बेजिक अल्लाह के जिक्र के साथ ततमूब मतम रहते हैं दिल अल्लजीन आमनु वो लोग जो ईमान वमिल अमल साल करते रहे तो बल उम खुश है वैसे उनके बहुसनुमा अच्छा ठिकाना है आखरत में कजाल कर्सल ना का इसी तरह हमने फ़ी उमत उम्मत में कद खलत में आ जो ताकि गुजर चुके इससे पहले उमम उनका ही उमते ले ताकि पढ़े उनके, उनके जी वो जो मौजे तो देकर भेजे थे लेकिन उन उमतों ने भी इनकार किए थे उन मोजों के और रसूलों को ठुकरा दिया था उनका भी आखिर इंजाम यही बुरा निकला था कोल मेरा पैगंबर कह दे ओ अरबी वही मेरा रब है लाला नहीं है कोई ला इला मगर अल्लाह अलह ही तवक्ल तो उसी के ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ तमाम अपने कामों में विले मताप उसी की तरह मैं रजू करता हूँ व लोअ कुरआन ये जजर है और शिक्वा भी है शिकवे के मुतलक है लौअ कुर आनन बेश क़ुरआन सुरत चलाए जाए इसके साथ पहाड़ अपनी जगह से औो कुत्ते ही लार जो या चलाई या चले जाए जाएं इसके साथ ज़मीन टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए इसके साथ ज़मीन को औ कुल्ले मही मोता या कलाम करने लगे इनके साथ मोता तो ला फिर नतीजा ला यो मनू नहीं ईमान लाएंगे ये मुकदर है अगर इन कुरान के जरिए पहाड़ ही चला देना हम ज़मीन भी टुकड़े टुकड़े कर दे मुर्दे भी कलाम करने लग जाएँ इनके साथ तब भी ईमान नहीं ले आएंगे अब देखो ये बात इस बात ले, ले, मुर्दे पहले कलाम नहीं करते कलाम नहीं करते इस कुरान के मोजे जितना बड़ा है इसके जरिए हम मुर्दों को भी बुलवाने लग जाए तब भी ईमान नहीं लेंगे बल बल्ला बल्कि मेरा पे कह लमर जो मिया सारे हुक्म जो अल्लाह के हैं अम लजीना या लमो आया नहीं जानते वो लोग आ मनु जो इमाल है। यशा अगर चाहता हृदय दे देता तमाम लोगों को भला यजाल का फरुह हमेशा वो लोग जो काफर है तो सी हो पहुंचेगा उनको बिमासा न हो जो कुछ वो करते रहते हैं कार्य या तो जो को भी वो काम अपने करतूत किए करते हैं उनका जरूर पहुंचेगा बदला आओ तहुल्लु करीब अमिंदार एम या उतर पड़ेगा करीब उनके घरों से अत यहाँ तक या यहाँ तक जाए अल्लाह का वादा अल्लाह ला युखलिफुल मियाद अपने हुए वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता वाला का दस्तोजिया बेरोसोल तसली नबीम के लिए वो मज़ाक करते थे आसल परेशान होते कहते मेरा पगमर परेशान ना हो ये कोई नई बात थोड़ी है वाला का या तक एक मज़ाक किए गए बेरोसूल नुसात कई रसूलों के, के मेन कबल कहा आपसे पहले फामलाई लई तो लजीना काफ़र हो बस मैंने मौला दी उन काफ़रों को मौला दी उन लोगों के लिए जो काफिर है फिर पकड़ा मैंने उनको फकएँ फकाना नाई काबी बस कैसी थी मेरी सजा देना उनको अफाम हो वक़ाए मुन आया एक शख्स वो है जो वक़ाए मुन जो कायम एक ज़ात वो है जो कायम अलाकल नफसे

नाम लो जरा तुम उनके संभव बयान करो उनको यानी जरा कमाल तो बयान करो इनके तुम जो कहते हो बाबा हिजवेरी हैं बाबा दोले शाह कामाली सरकार सपे शाह शबा ज़रा इनकी सिफ्ते तो बयान करो इन्होंने क्या पैदा किया है क्या जो आ रहा है इनके क्या कल इनके कमाल है ये क्या चीज़ पैदा करते हैं क्या चीज़ बनाई है जरा बयान तो करो समूह ज़रा नाम तो तुम लो उनके यानी कमाल तो बयान करो जरा उनके आम तो नब्बे बेउू न हो आया तुम खबर देते हो उसकी बीमार साथ उस चीज़ के ला या लबो जो नहीं जानता फिलहाल जमीन में मबूदा ने बातला के बारे में तुम अल्लाह को बताते हो कि उसको पता नहीं है उसको पता नहीं है जो ज़मीन में हैं अल्लाह तुझे पता नहीं है तुम अल्लाह को ख़बर देना चाहते हो आम ब ज़ैर मिनल कौल या जैरि उसकी कोई जिसकी हकीकत कोई नहीं है बातन बालजुन लजैन का फ़रू बल्कि मुझे ये मुजै सबबलत बल्कि मुजन किया गया उन लोगों के लिए जो काफिर हैं मकर उनके गलत बातें मगलतें की बातें बसद्दू अन सबील। और रोका गया उनको सीधे रास्ते से हाँ गलत बातें मुजिन की गई तो उसका समरा क्या निकला पर न आ सके रोक दिया गया उनको सीधे रास्ते से जिसे गुमराह करे अल्लाह लहू मस नहीं है कोई उसको रास्ता दिखाने वाला लहुं आजाबौन। लहुं आजाबौन। उनके लिए अजाब है फ़िलहिया दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में वाला अजाब ल आख़रत और आखरत का अशुक को बहुत ही सख़्त है बड़ा ही सख़्त है आखरत अमालम और नहीं होगा वास्ते उनके अल्लाह से मिम वाकन कोई बचाने वाला मसलुलजन्नत बशारत मिसाल जन्नत की अल्ली वमुतों जो वादा दिया गया मुतकी को मुतकीन कौन लोग जो शिरक कुफ्र बचने वाले हैं तजरी चल रही हैं मिनता नीचे उनके नहरें समझा चुका हूँ नीचे से क्या मुराद है वो को लो आ खाना उनका हमेशा है फल उनके हमेशा रहेंगे वजी और उनके सायी दिल का उ लजीन अतः का ये अंजाम है उन लोगों का इता का शिर को जो शिरक से बचते रहते हैं वाहकबल काफिर तकफीफरवी और बुरा अंजाम है काफरों का यानी आग काफरों का जो अंजाम है वो आग है वल्लिन आता नकली दलील आज कुतुब का वल्लना और वो लोग आता को मल किताब जिनको दी हमने किताब कुतुब यानी तुरात इंजील यफरू खुश होते हैं बेमाँ साथ उस चीज़ के उन जिले का जो नाजिल की गई तेरी तरफ बे माँ माँ से मुराद कुरान है जिनको हमने किताब दी तुरात इंजील वो खुश होते हैं कुरान के साथ भी खुश होते हैं उसके साथ भी जो नज़ल किया गया तेरी तरफ़ ममिन आजाब और जमातों से मैं यून बाजो बास तो वो है जो इनकार करते हैं कौन मेरा कह दे इन्ना मर तो बेशक मैं तो हुक्म किया गया हूँ अन अल्लाह के मैं इबादत करूँ अल्लाह की वला उशरे का भी और नहीं मैं शरीक करता अल्लाह के साथ किसी एक को उसी की तरफ अदो मैं बुलाता हूँ वही ले उसी की तरफ ठिकाना है ये सोम क्या मत वक़ा लेका और इसी तरह ना नाओ उतारा हमने उसको ओकुमन अरबिया ख़ास हु अरबी जबान में। वाला तबा आता अगर तू मेरा प्यार मर तबाह करें आ वाह उन लोगों के ख़्वाशा की यानी अकाम मनसूखा के और आक ने खाश क्यों कही क्योंकि वो अक्सर ख़्हिश का दिन बना चुके थे अपनी मर्दी पीछे कुरान के नहीं चलते थे अपनी ख़्हिश के पीछे चल के तुरत जील की तबाह करने वाले थे बाद उसके मा जा का में जो आ चुका है तेरे पास इलम से यानी तुहद माँ का मिनल नहीं होगा तेरे लिए अल्लाह से मल कोई छुड़ाने वाला वाला वला कोई दिल्ली दोस्त वाला वाक ना कोई बचाने वाला अब देखें के कुरान आ गई है अब इसके इसको छोड़ के आप तुरा उनकी ख़्श के पीछे किताबों के लाग जाएँ तुरात तंजिर के तो फिर तुम्हें सजा देंगे और कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा मसला समझा दिया कुरान की मौजूदगी में किसी और की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना बुजुर्ग ना पीर ना गुरु किसी के किताब के पहले सबसे कुरान मुकदम है वाला कद अरसल नाम ये एक सवाल का जवाब है सवाल ये है कि ये रसूल बशर क्यों है बशर क्यों बान के हैं वाला कद अल्लाह ने जवाब दे पक्की बात है अरसल रसूल इन कबले का तगी भेजे हमने कई रसूल आपसे पहले वजाल नो मजवाजन बनाया हमने उनके लिए बीवियाँ मज़ुरियतन औलाद भी माँ का अनल नहीं है रसूल के लिए अच्छा दूसरा सवाल अल्लाह ने उसका तो जवाब दिया ना जितने रसूल हैं सब बशरत बीवियाँ भी थी उनके बच्चे भी थे औलाद भी थे तो फिर ये भी तो रसूल है दूसरा सवाल है अगर ये रसूल आए तो हमें मौजदा क्यों नहीं दिखाता हम जो मुंह मांगा मौजदा मांगते क्यों नहीं दिखाता अल्लाह ने कहा माकानल रसूल नहीं है किसी रसूल के इख्तीार में यात या बे आयतिन के ले आए को निशानी अल्लाह बेज़न ला मगर अल्लाह की इजाज़त के साथ ये आयत देखो इस बात की दलील है कि मौजदा पैगम्बर का फ़ेल नहीं है फेल अल्लाह का होता है जैर पैगम्बर के हाथ के ऊपर होता है किसी पैगंबर की बात की बात नहीं है कि अपनी मर्जी से मोजा ले मगर अल्लाह के हुक्म सिकुल अजलिन किताब हार एक के लिए वक़्त अच्छा तीसरा सवाल फिर हम नहीं मानते तो अजाब क्यों नहीं आता हमारे ऊपर हम जो इसको रसूल नहीं तस्लीम कर दे अजाब क्यों नहीं आता अल्लाह ने कहा बात यह इस अजब जो आएगा ना वो वक्त पर आएगा वक्त मुकरार है लेकुल अजलिन हार एक के लिए किताब उन्होंने लिखाता है वक्त मुकर है या या ला। मा शाव <coughs> या ला। मिटाता रहेगा लामायशाओ जो चाहे व युस साबित करेगा फिर सवाल अच्छा जब अजाब लिखा हुआ है तो ईमान लाना बराबर हुआ अजाब तो आएगा आएगा देख उल्टी हिसाब जब अजाब लिखा हुआ है अजाब आएगा फिर ईमान ले आए या ना ले आए ये तो बराबर अजाब आएगा आएगा अल्लाह ने कहा बात ये अल्लाह मिटाता भी है, साबित भी रखता है तुम ईमान ले आओ वो काम मिट जाएगा तुम वैसे अड़े रहोगे जिद पर अजाब सलामत लिखा हुआ रहेगा यम्ला मिटाता है अल्लाह मा यशाओ जो चाहे वाहबित और साबित रखता है जो चाहे वह इन उसी के पास है उमुल किताब पूरी किताबों की माँ यानि लाओ महफूज ब इमां नखवीफ कितने मकाम कुरे आ चुके ये आयत इस किस्म की और आयतें भी हैं ये आप वसल्लम की वफ़ात के ऊपर कती दलील हैं? अल्लाह के रसूल परेशान हो जाते हैं अल्लाह मेरे सहाबा को तकलीफ़ देते हैं ालम लेकिन कभी इनकी दाड़ में भी दर्द नहीं पड़ा कोई तो सट मारता ना अल्लाह तू भी इनको ए कोई तो तू भी सट मारता हो ना जब बच्चे लड़ रहे हो आपस में एक मार वो रो रहा हो तो दूसरा कह तू ही मार इसको मार मार जरा इसको पता चले कि किवें दूसरे को मारा वंदर आ दे अल्लाह इनको कोई सट तू ही मारे हाँ ताकि इनको पता चलता कैसे तत्ते अंगारों के ऊपर लिटाया जाता है कैसे सीने के ऊपर पत्थर रखे जाते हैं इनको ना अल्लाह आजाब तू ने कहा नहीं अजाब दूंगा इनको अल्लाह ने कहा मेरा पैगाम जाना ना हो परेशान ना हो या तो तेरी जिंदगी में देंगे तुझे आंखों से दिखा देंगे या तो वफात पा जाएगा फिर इनको देंगे तू देखेगा नहीं या फिर भी ना सही तो दिन क्या मत के तो जरूर ही देंगे ना जिंदा होगा तो देख लेगा तेरी जिंदगी में अगर वप, इनको देंगे अजाब तू आंखों से देख लेगा तू मेरा पैम्बर वफात पा गया फिर अजाब देंगे तो फिर तू देख नहीं सकेगा अजाब जरूर आएगा अगर फिर भी ना सही तो आखरत के दिन तो अजाब देंगे तो देख जिंदा होगा तो देख लेगा जिंदा ना होगा तो फिर तू देख नहीं सकता कमाल है आज के मुश्रे का जो आज भी कहते हैं देख रहे हैं हर एक के हालात को फिर इसको बोलो तो साहब ही क्यों नहीं बनता जरा बन के दिखा ना हम देखे तो कितने दर्जे का साफ ही बनता है व इमन का बरल दिखाएंगे हम आपको बाज़ लजी बाज़ वो जो नाद हो हम वादा देते हैं उनको तो दिखाएंगे हम आपको ओ न तो फ़ैन का यह हम आपको वफ़ा देंगे मेरा पैम्बर तो फिक्र ना कर फ़ैन न मई कल बला बेशक तेरे ऊपर सिर्फ मसला पूछा देना है वाले नल हिसाब हो हमारे जिमे हिसाब लेना है तू मसला पूछा पूछाते हम हिसाब लेता देख फिर हम पूछेंगे इसे अवालम या राो आया देखते नहीं है तकफीफ नन यो आया देखते नहीं है वो अन बेश ले कर रहे हैं जमीन को नन खुश हो हम उसको काम कर रहे हैं क्या मकसद इस्लाम गलबा पा रहा है शेर काली ज़मीनें काम हो रही हैं इस्लाम फैलते जा रहा है कुफर काम हो जा रहा है इसके हक होने की इतनी दलील काफ़ी मेन अतराफ या उसके अतराफ़ से या वाहकमो अल्लाह फैसला करेगा अल्लाह मौक़ाल हुक्म उसके फैसले की मौक़ करने वाला कोई नहीं है घेरा करने वाला कोई नहीं साहब वो जल्द हिसाब लेने वाला है वो किसी को मोला नहीं देगा फिर वक़ाद मकर अल्ला दीन मेरे कबल तक एक मकर क्या हो लोगों ने जो इनसे पहले थे फल्लाम मकर वियाँ बस सारे इख्तियार अल्लाह के लिए सारे मकर अल्लाह तो ये मकर ना सरेकी का लफाज़ है और ना पंजाबी का लफाज़ है यहाँ मकर वैसे तो हमारी जबान में मशहूर है ना मकर कहते हैं फ्राड को धोखे को बेमानी को मुशरक़ तो ठीक है धोखा बाईमानी करते हैं लेकिन अल्लाह मकर तो या मकर बमान तदबीर इसको असली अपने जिस जबान का लफाज अरबी का उसी के अंदर खड़े होने दो उसी में माना करोगे तो फिर कोई इश्काल नहीं आएगा वा इश्काल पैदा होता है अच्छा वो तो मकर करते हैं वो तो बेमान अल्लाह भी फ्राट करता है ना उस बिल् मजालिक नहीं इसका माना यह नहीं या अल्लाह उनको उनके मकर की सजा देगा या मोजान माँ तक से बल कुल्लो नफ्सिन जो कुछ कसब करता है यार नफ्स व सयामकुफ़ार अन अनकरीब जान ले गए काफ़िर किस के लिए है घर आखरत का उनके लिए है या मुसलमानों के लिए भाई कोल्ल न काफ़र हो और कहते हैं वो लोग जो काफिर लस मुरसला तो नहीं है भेजा हुआ यानी तू रसूल नहीं है तो कह मेरा पैम तुम मानो या ना मानो अल्लाह दो मेरा गवाह है कह दे कफ़ा है काफ़ी अल्लाह शहीद अम बनी कौम गवाह मेरे दरमियान तुम्हारे दर ममान इन दो और जो कुछ उसी के पास है इल्म ममान और जो इन दो उसके पास है इल्म किताब किताब का इलम यानी अहल किताब वो भी जानते हैं कि वाकई मैं अल्लाह का रसूल हूँ या जब्राइल अमीन वो भी जानता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो मानो या ना मानो जिसमिल्लाम अलीफलाम राम किताब उन अमज़ल नाई का किताब उन ये किताब है उतारा मन ने इसको का तेरी तरफ़ ल तुखरे जन्नास क्यों उतारा है किस लिए ख़त्म पढ़ने के लिए कुल खानियाँ पढ़नी हैं इनके साथ तवीज़ धागे लिखने हैं क्या करना है नहीं ये गर्ज किताब है क्यों उतारा है इसलिए उतारा है ताकि निकाल तो लोगों को ये मकसद है कुरान के नजूल का असल मकसद ये है कुरान के ज़रिए अंधेरु से निकाल के शरात मस्तकीम पर लाया जाए ये कुरान के आने का मकसद है लेकिन आज मकसद जरा कौम ने उल्टा समझा हुआ है ये मकसद मान चुका है माँ रमज़ान में ख़त्म पढ़ के खाने का यह मकसद बन चुका है आज है। गर्दन में डालने का मकसद बन चुका है लिख लिख के लोगों को बेचने का ये कुरान का मकसद नहीं है कुरान अपना मकसद खुद आप बयान कर है कि मैं आया हूँ तो कौन सा मकसद ले के आया हूँ ले तो खुर जन्नास तके तू निकाले लोगों को मेन ुमात को कुफ़र बिदात के अंदर उसे अला नूर तुहीद और ईमान की तरफ बेज़न रब इम बे तोफ़ी के रब अपने रब के तफ़ी के साथ अला सरात यानी यनी रब सीधे नूर नूर क्या यानी सिरात सीधे रास्ते की तरफ कौन सा रास्ता सिरात लजीना नाम ताले लजीज़ ज़बरदस्त कलमी जो त्रफ़ किया है अल्लाह कि लज दलील तो ही देखिए वाह अल्लाह वो ज़ात है उसी के लिए है, जो कुछ आसमानों में है वह माफिला जो कुछ ज़मीन में बबाई ललकाफरी ना तख़फीफ़ तकफीफ़ उखरबी बड़ी बर्बादी है काफरों के लिए क्या बर्बादी है काफरों के लिए मेन अजाब निश ये मेन बयानी आई यानी अजाब है बड़ा साख्त अल्लाजी यस्तब्बनल हयात दुनिया वो लोग जो पसंद करते हैं दुनिया की ज़िंदगी को अल आखरत आख़रत के मुकाबले भैयादून आन सभी ला बस रोकते हैं वो अल्लाह के रास्ते से भैया भगन एव जा पहले ही पसंद करते हैं दुनिया की ज़िंदगी को आख़रत करते हैं। खुद गुमराह है और यदून यहाँ से दूसरों को भी गुमराह करते हैं सीधे रास्ते से रोकते हैं भैया भगन आए एवजा और तलाश करते रहते हैं उसमें खुंडियाँ ہیں کہانی कहानी کیا क्या ٹیڑا टेढ़ा تلاش کرتے کوئی कोई کوئی कोई نکالے ہم اس کے اندر नुस निकालें ताकि बदनाम करें हम इसको उलाए कसम रहें दुनिया यही लोग हैं फिजला लम्बई दूर की गुमराह में मा अरस नाम दावा सूरत नहीं बेजाम मेर रसूल इनको ही रसूल मिल्ला बिल्सान कौम मगर कौम की ज़बान में ले लेजु भैया नलोम ताकि अच्छी करके ताकि अच्छी तरह आ काम बयान करें उन्हें फैजुज़ल बस गुमराह करते मैं ये शाजिश है चाहे वह याद दे देता है मैं ये शजिश चाहे वह वालीज़ वो अल्ला ज़बरदस्त है सब कोई हिदायत दे, दे सकता है अल्किम हकमत वाला है लेकिन देता उन्हीं को है जो इनाबत रखते हूँ वाला कदरसलमूस मतल के दावा सूरत और तकीक बेजाम ने मूसल को भी आयातना आएते हैं मुख्तियार कुल सिर्फ़ अल्लाह और कोई नहीं आलम ग़ैब सिर्फ अल्लाह और कोई नहीं हमने ने सलाम को अपने आते हैं अन आखिरज कौमा का के निकाल तो अपनी कौम को मैंने म तेल नूर अंधेरों से नूर की तरह बजिर बे्यामिल्ला और याद करा उनको अल्लाह के अयाम ये कौन से अयाम मुराद हैं ये अयाम वो हैं जिनमें सबका कौमों को अज़ाब आए थे और जिन अयाम में मानने वालों के ऊपर इनाम हुआ था वो दिन मुराद याद करा इनको अल्लाह के याम इन नफ़ीज़ाल का बेशक ला या तेन निशान सब्बारन हर सबर करने वाले शिकूर शिक्र करने वाले के लिए बेज़ का ला जब का मुल्ला अपने कॉम के लिए उज करो नमत अल्लाह याद करो अल्लाह की नमत को तुम पार्क हिज़न जाम जब ने जा दिया तुमको तो मैं नाल फिरऊँ नाल फ़िरऊँ से यसु मोना कुम चखाते थे वो तुमको तो को सो अजा बुरे अज़ा वह युज़ब्ब व यु़ब्ब हू ना अपनाक जिंदा छोड़ देते तुम्हारे बेटों को व यस्ता नसाक और ज़िंदा छोड़ देते थे वो तुम्हारी औरतों को समझा चुका था वो औरतों को जिंदा नहीं बचपन में तो बच्चियाँ होती हैं तिफिलात बच्चा छोड़ते अल्लाह कहता है औरतें छोड़ते हैं इसका जवाब दे चुका हूँ पीछे हफीज़म इसमें बलाऊँ मे रब को आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से अजीम उन बहुत बड़ी वाहताजाना रब्ब को जब ऐलान किया तुम्हारे रब ने लिन तुम बजरिया मेरे जब ऐलान किया तुम्हारे राम ने ल इन शक्कर तुम, तुम।, तुम अगर तुम शुक्र करोगे लाजीदना को मैं ज़्यादा दूंगे तुम वाल इन कफ़र तुम अगर तुम इनकार करोगे न शुक्र करोगे तो इन्ना जाबिल शदीद बेश मेरा आजाब बड़ा सख्त है का मूसा ऊसा का मुसा ने यह सब गुजर चुके पहले चलते आओ काला मूसा का मूसा ने इन तक फ्रो अगर तुम इनकार करो आन तुम, तुम 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 भी इनकार करो मन फिलार दे और जो कोई ज़मीन में जमी अन सब के सब इनकार करें <laughs> हुआ। क्या नहीं है तुम्हारे पास खबरें उन लोगों की जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं यानी कौम नू कौम औत कौम समूद वजीन वो लोग में बाद जो उनके बात है नहीं जानता उनको कोई मगर कौन सिर्फ ये नफ़ी हो गई नबी साम से गैब की मेरा रसूल भी नहीं कोई नहीं जानता सिर्फ मैं जानता हूँ और उनकी भी तरदीद हो गई जो नबी साम से ओ सिलसिला शुरू करते हैं फ़लाँ का बेटा फ़लाँ का बेटा बाबे आदम तक ले जाते हैं सिलसिला सुनाते सुनाते ये चिट्टा झूठ बोलते हैं बेबकू अल्लाह का कुरान कहता है इतनी कौमें गुजरी हैं लेकिन जिनको सिवाए मेरे और कोई जानता ही नहीं फिर इनको क्या पता लगा कि बा आदम तक फ़लाँ लड़ी से चला गया म ओम नहीं जानता उनको कोई ये सो लिख लेता फटका फला फलाना फलान का बेटा फला फला बेटा मारो बंदा यार अजीब कमाल घर छोड़या है इन बोलया कर झूठ दी कमाल छोड़िए इस बंदे क्यों जिते खुदा भी आख दी थे तू तो मेरे रसूलों कोई पता कौ है मेरा पैगंबर तू तो कोई पता कौ नहीं जिन्होंने मैं जानता लेकिन यदि नहीं मैं तू जानता अल्लाह मेरे को अलहदा दसा चुका है तो इंज बोला कर आ मौली साहबा चिट्टी दाढ़ी तेरी झूठ दे इतहा कर छोटी खुदा बेड़ा करी ला या नहीं जानता उनको कोई सिवाय अल्लाह के जा आ तुम रोसोलोम आए थे उनके पास भी रसूल उन्हीं में से बेल भैया नात वाज दलै लेकर कर फरदू दिया ओम बस लुटाया था उन्होंने उनके हाथों को फी अफवाए जरा दो तीन तो जियाए सुन लो एक करता जाऊं तो फिर भी ठीक है लुटाते थे वो अपने हाथों को पहले आए दिया हम अपने हाथों को वो सुनने वाले लुटाते थे आए दिया हम अपने हाथों को फी अफवा अपने मुंह में पैगंबर मसला बयान करते ना तो मुशरे को तो चिड़ लगती और तो कुछ करना समझते दिल कट्ट तेन की करा मैं पीस सट्टा लेकिन अपने आप को चक वड सी इन जरूरत तो न थी सी अगे अपने मुंह आप के कर देन हथ को वापस क्यों कालो कहते इन्ना कफर ना बीमार बिही, हम इनकार करते हैं उस चीज का जो तुम देकर भेजे भेजेगा हो आय दिया होम अपने हाथों को अपने मुंह में लुटाते हैं एक माना दूसरा माना आए होम व अफवाहिम अपने हाथों को उनके मुंहों पर लुटाते हैं रसूलों के मुंहों पर रसूल मसला बयान करते ये उनके मुंह पर हाथ दे देते दे बस 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 चुप कर जा चुप कर जा इतनी बेअदबी ना कर हमारे बुजुर्गों को कि ये कुछ नहीं सुनते देखते ये तीसरा होम फी पैगंबरों के हाथों को ले के पैगम्बरों के मुंह पर दे देते दे एथे पकड़ के ना उन्हीं को हाथ खून बस ए अपने हाथ दाई बस था बस कर जा बस कर जा बहुत हो गई है बहुत हो गई है बस कर बस कर सारे माँ बाबा को कुछ ना कहे ये काम था कौमो <laughs> कालू कहने लगे इन न कफर ना बेशक हम इनकार करते हैं बिमा और सिल तुम उस चीज का जो तुम दे कर भेजेगा तो चुका कि तुम्हारे गुमान के अगर वाकई तुम मसला दे के भेजे तब भी हम इनकार करते वह इन्ना लफी बेशक अमल बता। शक बलबत्ता शक में उससे उस मसला तुई से तदू न ना जो तुम हमको बुलाते हो ले उसके तरफ मुरीब तर में डाल देने वाला ऐसा शक बंदा सोया पड़ो भी आंखें तरी रहे हैं चलता रहे दिमाग में वही शक ए शक में पड़े ये तो सकून से नहीं रहना कालत जवाब है। कालत का रोसोलोम उनके रसोलो ने अफिल्ला है, आए फी तुद्ल आय अल्लाह की तुद में शकुन शक करते हो फ समावत वाला जो पैदा करने वाला जमीन का यदु कौम वो दावा देता है तुमको तो की तरफ ले याग फेरा ले याग फेरा लकौम ताकि माफ़ कर दे तुम्हारे लिए तो के बरक़ा से मिन बेकुम तुम्हारे गुना भय कौम और मौखर कर रहे तुमको तो की बरक़ा से ला आ जाने मुसमारे वक़ा तक का कहने लगे है नान तुम नहीं हो तुम्ला बशर मिसलो ना मगर बश शरू हमारी मिसन हम कैसे तुम्हें रसूल मान लें बार बार आ रहा है कि मुशरक नबुअत और बशरियत को एक दूसरे के मुनाफी समझते थे तुरद ना तुम इरादा करते हो अंत सुको रोक दो अम्मा उस चीज़ से कहा नो ना जिनके हमारे बाप बादा दादा इबादत करते थे फातुना ना बेसुल्तान मुबिन ले आओ कोई मौजूदा खुला कहालत लोम से उनके रसोलो मुन ने रसुल ने इ नानिया मिला बशर मिसलु को मगर बशर मिसल तुम्हारे वाला किन ला लेकिन वाला एहसान करता है उस पर मैशा जैसे चाहे मैं नहीं बात है अपने बंदों में से व माँ नाम और नहीं है हमारे लिए नातिया कौम ले तुम्हारे पास बेसुल्तान इनको ही दलील अल्ला बे मगर अल्लाह के कम साथ अपनी मर्ज़ी से मोया नहीं ले आ सकते वाहल्ल और अल्लाह परफल या तवकल लमोम चाहिए कि भरोसा रखे मोह में मालााना Okay. <laughs> क्या है हमारे लिए अल्लाह न तो तवक्कल, न तोल्ला है कि हम अल्लाह पर भरोसा ना रखें हमें क्या हो गया है यहीं ज़रूर हम अल्लाह पर भरोसा रखेंगे वाका दाना सो बुलाना ताकि एक उसने तो हमें सीधा रास्ता दिखा दिया दोनों जानों की कामयाबी का वाल नसबिर अनना ज़रूर हम सबर करेंगे उस पर माँ आजई तुमोना जो तुम जो तुम हमें अजीतें देते रहते हो है। ये बयान सबर है अल्लाह के ऊपर फल यह तो चाहिए कि तवक़लो रखे तो

आप परेशाना हो मैं ज़रूर इनको जालिम को हला करूँगा वाला नुस्खे न कम और इनकी हलाकत के बाह वाला नुस्खे न कम जरूर तुम्हें ठिकाना दूँगा जमीन में दी मैं इनके बाद जाल उसके लिए ये वादा उसके लिए होगा जो खाफा मकामी मेरे सामने खड़ा होने से डर गया वाफ और मेरी वहीदों से डरता रहा बस तफता बस अम्बिया ने दुआ के अल्लाह हमारे और इनके माँ बहन फैसला कर दे वास्तव तो फैसला तलब किया उन्होंने बखाबाकुल्लो जब बारे ना मुराद वर् सरकाश या नी ज़िद्दी मेमरा उसके पीछे से जन्ना मैं भाईसको पिलाया जाएगा उनको इन पानी पानी किस चीज़ का सदीद पीप का पीप से जो पानी बहता है ना दानु से वो पानी हो या तजर घूट घूट कर पिए उसको ला यकाद युसी हो नहीं है करीब के उनके गले से उतरे वो भाई आती मौत हो आ जाएगी मौत मिनकुल ने मकान हर जाने से माँ हूँ बेमये ते नाला के वो मरने वाले नहीं होंगे मौत आएगी तो मरेंगे नहीं दुनिया में तो ऐसा कभी नहीं हुआ मौत आए तो बंदा मरे नहीं फिर तो दलील साहब तो गए मोयत मौत आंदी है लेकिन मुर्दा मरदा हाँ देखो जी तुस आद मर जा मुर्दा मरदा नहीं एक आखिरत है जिस वक़्त मौत के ऊपर मौत आ जाएगी असबाब मौत आ जाएंगे आग के अंदर जलना ये भी मौत का एक असबाब है गर्म पानी पिए अंदर की सार तोटे तोटे के आते टोटे टोटे होकर निकल जाए ये भी मौत असबाब है असबाब मौत तो आ जाएंगे लेकिन मौत नहीं वाकई होगी क्योंकि मौत के ऊपर भी मौत आ चुकी होगी हम वाए इसके अलावा भी अज़ाब अज़ाबन गलीस बड़े बड़े अजाब होंगे ताज़ा तरीन मासल का फ़र मुशरक़े के अमाल अच्छा अच्छा ये तो समझ आ गई लेकिन जो मुशरक़ अमाल करते रहे इतने इनके अमाल कहाँ आ गए इतनी बड़ी मस्जिद बनवाई टैल लगवाई कलीन बिछवाई है लस्पीकरें ले, ले के दी दूर दूर तक अजान की आवाज़ जाती है मदरसा बनाया किताबें खरीद के देता था रोज़ाना बाश बकरा आके देता था राशन के ट्रक देता था इतने पैसे खर्च किए आखिर इनके पैसे अमाल तो है नहीं? ये बादशाह इसने दस नलके लगवाए गरीबों को घर टूटियाँ लगा के दी उनको टैंकियाँ खरीद के दे दी हैं लोगों के आसान रस्ते बना दिए पक्के आखिर नेकी तो किया है ना कुछ न कुछ तो बदला होगा ना अल्लाह कहता है खाक होगा खाक होगा कैसे अल्लाह ने फरमाया ऐसे हो ना खाक खाक समझते हो राख राखो ना सुआ रख सुख को चिटियल मैदान में बिल्कुल साफ कलेयर मैदान हो ग्राउंड हो सख्त तेज तोंद आंधी चले अब समझदार कहेंगे सब बच जाएगी क्योंकि समझदार कहते हैं ना मुर्दा मारी जाए तो सो नहीं रहा है यहां भी कहे ना भिस बच जाएगी कोई जर्रा भी रही का राख का बचेगा नहीं अल्लाह ने कहा आज जब ये शिरक करता है शिरक ये कहता है नमाज पढ़ रहा हूं नमाज नहीं ये राह खो रहा है ये उसकी सुआह बनती जा रही है शिरक की वजह से और ये कहता है हाज कर रहा हूँ हाज नहीं कर रहा ये अपनी बर्बादी कर रहा है ये कहता है मस्जिद बनवाई है मस्जिद नहीं बनवा रहा यह अपनी हर चीज सुआ कर रहा है ये कहता है मैं राशन दे रहा हूँ राशन गरीबों को नहीं दे रहा ये उनको सुहा कर रहा है सुहा कर रहा है खाक है, जैसे वो पक्का नहीं छोड़ देती हवा ऐसे शिरक वाली आंधी भी इसके अमाल का पक्का इसके पल्ले नहीं छोड़ देती इसलिए हाबे तथा मालूम इसके अमाल सब बर्बाद हो जाते हैं इसलिए किसी की नमाज सजदे नमाजें अजानें जक़ातें ये मजदें मदरसे ना देखो देखो ईमान है या नहीं है अगर ईमान है तो फिर तो ये काम आ जाएगा अगर ईमान नहीं है तो ऐसे समझे बस सिर्फ वैसे डाल खड़ा है इसने पैसे चलो भैया खड़े रहेंगे वरना कख का सवाब भी नहीं मिलेगा ये मुसलमानों के जहन में जो बात आ रही थी कि इतने अमाल करते हैं बादशाह इतनी तस्वीर है? सार दिन घाट अल्ला, अल्ला, अल्ला अब्दुल्ला मसूद गुजरा एक शख्स के पास तस्बी पढ़ रहा था ये और एक साथ पढ़ रहा था वो गक्के नहीं होते ये गुटली खजूर वाली पा रहे अब्दुल्ला बिने मसूद मारे उसको पाऊँ की ठोकर उल्लू का पट्टा अभी अभी रसूल अभी इतनी कर रहा है ये क्या तू इतनी इतनी निकाली हुई है तस्वीर बनाई हुई है मसूद ने उसको पऊ की ठोकर लगाई थी और तो मैं, मैं अल्लाह के रसूल तो दाएं हाथ के ऊपर पड़ा करते थे तू ने ये काब क्या कर रखा तो उनकी मिसाल है देखो मासलना का फारू इसलिए तो जक़ात का जो मसला है ज़कात मुसलमान को देना जरूरी है लजीना काफरू मिसाल उन लोगों की जो काफिर हैं बेरब जो अपने रब के साथ कोफ़र करते हैं अच्छा उनके मिसाल उन काफरों की काफरों के आमाल साले की मिसाल उन काफरों के आमाल साले की कौन काफिर जो अपने रब के साथ शरीक करते हैं मुशरिकों के नेक अमल साले की मिसाल करमाद आ बिहरियो मिसल करमाद मिसल राख के है रही बिहरियो पहुँचियो सख्त उसको अबा फी योमिन आसिफिन सख्त आंधी वाले दिन में ला यक दिर नहीं है वो कादिर मिम्मा उससे कसब सब वाला सैन जो कसब किया उन्होंने किसी चीज़ बाद जाले का ये सब कुछ ओ वज़ला वजलाबैद ये तो गुम रही है बड़ी दूर के अलम तारा ऐ नहीं देखा तो ने अन्ला बेश खाली कस्सा आते वाला पैदा करने वाला आसमान को ज़मीन को बेलहाक़ के ले इजहार लाक़ को जहर करने इसलिए याद रखो जिस तरह अमल करना ज़रूरी है ना इसी तरह अमल की हिफाजत करना भी ज़रूरी है अमल जिस तरह करना ज़रूरी अमल की हिफाजत भी ज़रूरी म तारा ऐनी देखा तो ने अन्ला बेशक अल्लाह खलक समावात वज पैदा करने वाला आसमान को और ज़मीन को बेलहाक़ के लजार लाक एशा युजैब को अगर चाहे तो ले जाए तुम्हें भया अतिब ख़ल ज़दीद चाहे तो ले आए और नई मखलूक ममाजाक ये बेज़ीज़ बे और नहीं है ये काम अल्लाह पर कुछ मुश्किल बाबा रजूल जमीआ जिस दिन ज़हिर होंगे बादशाह ये एक शुबे का जवाब भी है हमारे तो अकाबिर रहे जिनकी हम तकलीद करते हैं उनकी हर बात मानते हैं वो तो हमारे काम आ जाएंगे हमें दिन क्या मत के छुड़ा लेंगे चलो हमारे यही अमाल ज़ाहिर हो जाएंगे ना लेकिन हमारे बुज़ुर्ग तो है ना, हमें छुड़ा लेंगे ए बुजुर्ग भी वो बुज़ुर्ग जो बमिसले ग एक तो है ना बुजुर्ग सही माने अल्लाह वाला उस बुजुर्ग की बात नहीं है वो तो अल्लाह वाला है यहाँ मिसाल आ रही है उस बुजुर्ग की जो बमंजले मंजिल गुरग है भेड़िया जिसने लोगों के मान पर ढकेटी डाली वो तो हमें ले जाएंगे ना पहचाना जब दिन क्यामद के साहब ज़ाहिर हो जाएंगे अब इनकी लड़ाई भेड़ी होगी जन्ना में भी बड़े लड़े भिड़ेंगे एक दूसरे को बड़े करांटे मारेंगे टिशुआ एक दूसरे को बड़ी सट्टे मारेंगे बाबा रजूल जमिया जहर हो जाएंगे सब उस दिन अल्लाह के सामने फ़काल जुआवाफा ये उनकी कलाम होगी जब जन्ना में पहुँच चुके होंगे मुरीद जुआफा से मुराद मुरीद मुख्त रियाया कमज़ोर ये लोग हैं कहेंगे हैं कुल्लो मुशरक़ कहेंगे ये मुशरक़ मुरीद मुशरक़ मुक्तदी मुशरक़ रियाया कहेंगे कमज़ोर लजीना उन लोगों के लिए इस तकबर जो तकबर करते रहे कौन तकबर मुशरक़ पीर मुशरक़ मौलवी और मुशरक़ सरदार मुशरक़ नवाब मुशरक़ हज़रत उनके लिए कहेंगे इन्ना को लकुम तबा बेशक हम तुम्हारे ताबे थे तमीद बांध रहे हैं हम तुम्हारे ताबे थे जी कहाँ ताबे थे दुनिया में जी किसके ताबे दीन में जी एत में जी जो दीन आपका था हमारा वही आपने जो कह दिया हमने मान लिया जो अकीदा आपका वही हमारा अकैदा हम तुम्हारे ताबे थे अच्छा जी तो फिर आप क्या करें तुम जो ताबे थे आप क्या करें मुतालबा मुतालबा ये अजाब थोड़ा सा हटा दो जी है एक दिन के लिए नहीं थोड़ा सा अजाब ये थोड़ा सा अजाब हाल अंतुम तुम अंतुम क्या हो तो मगन होना दूर करने वाले अन्नाम से मिन का अजाब से मिनशीन थोड़ा सा सारा नहीं तो कुछ था सही थोड़ा सा अजाब दूर कर आगे से जवाब देंगे उनके मुशरक़ मुल्ला मुशरक़ पीर और मुशरक़ शाहरा साहब कालु कहेंगे लोहदन अगर अल्लाह में निजात की राह दिखाता लादही ना कोम हम भी तुम्हें जरूर हिदायत के रास्ता दिखा दैत करा हदायत की राह दिखाते सवाल फिर तो रोने लग जाएंगे ओह हो पीर साहबा बेड़ा गर्क थी वे तेरा क्यों भाई दुनिया तो भी साड़ी इज्जत लुट्टी आई माल भी लुट्टे अपने बच्चों को ना सिख वेंद पहले तेरे को लक वेंदे आसे भैदरा साहब लके सी कोई बरकत पोसी वत बच्चे के मुँह च दे है सारा बच्चा ही पैदा हो गया तो घुटी तय सूर को ली वेंदे आसे से हजरा साहब पीर पैदा हो सी हैजरा साहब सारा माल असा खाज गए हो पीर की था। लोट हो था, हो के से कुछ नहीं किया लुट गयो स मर गये पिटन लग पे सर उख आराम आराम से आराम या पिट्टो तो या फिर भावे रोवो पिटो या चुप करके राव आज कुछ नहीं बनेगा या बराबर है ला मारो पर अजे ना आया हम चीखें पुकारें चिलाएं हम सबर ना या हम सबर करें मा को ना माल ना नहीं हमारे लिए में से आज कोई भागने की जगह भी यहाँ से नहीं है बचने की भागने की जगह भी नहीं है यहाँ से वकाल शैतानो अब अब क्या करें कहते चलो बड़े शैतान के पास जाते हैं हो सकता है उसके पास कोई हर भाव दुनिया में तो उंगलें वो भी काम लेता रहता था ना सबक पढ़ा देता था चलो यहाँ से नहीं मार सकते तो उस साइड से आ जाओ इधर से नहीं तो उस साइड से ये तरीके चलो शैतान साहब के पास चलते हैं कहते हैं शैतान उस दिन जहन्नम के अंदर ये भी अपनी थत्थर जमा रहा होगा लेकिन इसको किसी ने जमाने नहीं देना सटेज लगाने की कोशिश करेगा लेकिन कोई इसको सटेज लगाने नहीं देगा ये खड़ा होगा चलो जी शैतान जी अच्छा जी हजरत साहब तुसा है मरी साहेब अपने बुजुर्गों को कहे तुम कैसे गुमराह हो जी हमारे शैतान ने हमें गुमराह किया था अच्छा जी ठीक है चलो व साहब शैतान साहब अब छोटे शैतान जाएंगे बड़े शैतान के जब जाएंगे तो फिर शैतान आगे जो बातें करेगा वो भी आ जाती हैं वकाल शैतान का शैतान ने लम्मा को जिया लमर हो जब फ़ैसले कर दिए जाएंगे तमाम मुकदमात इन ल बेशक अल्लाह वादा वाद कुम के वादा दिया था तुमको वादा सच्चा ओ जवाब सुनो शैतान शेता। शैतान कहेगा मलामत ना करो मुझे आज मैं तुम्हें सारी बात की हकीकत बता देता हूँ जो अल्लाह ने तुम्हें जितने वादे दिए थे ना वो वादे सारे सच्चे थे और वाद तो कोम जो मैंने तुम्हें वादे दिए थे फाख लफ्त कम आय का जब तो कम मैंने सब आज जुटला दिए मैंने खिलाफ कर दिए वादे मैं सब झूठे वादे देता था तुम्हें और तुम तुम्हें जो अल्लाह ने वादा दिए थे वो सच्चे थे क्या कहा तुमने शैतान साहब लाना तो लाल तू झूठे वादे करता रहा हमारे साथ अल्लाह ने सच कहा था जी हाँ सच कहा था तू ने हमें क्यों गुमराह किया था फिर शैतान के सिरे हो जाएंगे भाई माना तू क्यों कई सवाल करते हैं ना शैतान तो है आग का तो फिर इसको आग लगेगी कैसे जन्म में होगा ना ये भी आग लगेगी कैसे इंसान मट्टी का है ना तो उस जो तुम्हें कहे ना कि आग लगेगी कैसे उसको को ज़रा मुंह पर कर खर तुम्हें को कहे ना उसको बल थोड़ा दो तीन फुट छोड़ के ना थोड़ा मुंह पर कर मैं तुझे समझाता हूँ ऐसे तो पता नहीं तुझे समझ नहीं आएगा ए अच्छा भला जब खास कंकरी हो ना झील जैसी हाँ मट्टी का ढीला ओ जितना पुर बिस्मिल्लाह पढ़ के ना जोर आवर साथ पढ़ने क्यों, क्यों के लोग क्योंकि कुल्लू जी अमरिन जो भी काम हो ना बिस्मिल्लाह से शुरू ना के तो दुम इकट्ठा होता है ए बिस्मिल्लाह पढ़ के थे आह वेदा करो उसको इतने, खास पुष्टि चला के फिर इस पूछो फिर देखते हैं लड़ता है तुम्हारे से नहीं इसको कहना है तो तू भी मट्टी का वो भी मट्टी थी है? कोई फर्क तो नहीं हुआ इस तरह इसको समझ आ जाएगी कि उसको आग लगती कैसे है बहरहाल इसके साथ लड़ते लड़ते रहेंगे आखिर शैतान जवाब देगा मेरा तुम्हारे ऊपर जोर नहीं चलता था हाँ मैं तो सिर्फ दावा देता था आजा कुल खानी दी देगी आजा आ मैं तुम्हें ज़रा ले जाऊँ हज़रत के दरबार पर ले जाऊँ तुझे तमाशे दिखाऊँ कैसे जवान आते हैं कैसी औरतें होती हैं कैसे मेला होता है शगोल होता है हैं वहाँ ऊँट होते हैं पैसे लेते हैं चक्कर खिलाते हैं घोड़े होते हैं वहाँ घोड़े के ऊपर चढ़ेंगे कश्ती होती है हैं जी वहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें लगी हुई हैं आ जा आ जा आ जा सिर्फ मैं तुम्हें दावत देता था तू बिशमिल्ला पढ़ के कभी बिस्मिल्ला तुझे याद नहीं तू दौड़ पड़ता था मेरे पीछे ये है शैतान को किसी ने कहा था शैतान हारे को तू लड़ाता रहता है अल्लाह गर्क करे तुझे तू तु ना होता ना लड़ाई डालता सब लोगों को लड़ा शैतान ने कहा मैंने मैं नहीं लड़ाता मुझे बदनाम ना करो उसने कहा नहीं तू लड़ाता कहते मैं लड़ाता नहीं मैं रास्ता दिखाता हूँ कहते आ देख मैं तुझे दिखाता हूँ जलेबियों वाला बैठा था ना शैतान ने की कहते एक उंगल डबो के दीवार के ऊपर लगा दी जब दीवार के ऊपर लगे मक्खियाँ जमा हो गई फिर मक्खियाँ जमा होते होते फिर उधर से एक बिल्ली आ गई छपकली उधर आई हुई थी बिल्ली ने मारा बिल्ली जैसे आई ना उसने वो दूर से बैठा था उसने उसको हकाने के लिए एक मारा वहाँ से जूता वो जा के गिरा शीरे के अंदर वहाँ से वो शीरा उसका भी सारा ज़ाय हो गया फिर वापस दोनों में लड़ पड़े कहते हैं देख मैं तो रास्ता दिखाता हूँ लड़ाता तो नहीं हो इनको है तो ऐसा बैमान ना माँ रमज़ान में तो जकड़ा जाता है लेकिन असरा इसके इतने पूरे होते हैं मालूम होता है माँ रमज़ान में पहले से भी असर दो दाने ऊपर आ जाते हैं तो जकड़ ही दिया जाता है बैमान तो मेरा जोर नहीं था माँ कान लिया नहीं था मेरे लिए तुम्हारे ऊपर मेन सुल्तान कोई जोर अंत तो लेकिन मैं तुम्हें दावत देता था फर्स्ट जब तुम फस तुम कबूल कर लेते थे ली मेरी दावत को यही हम कहते हैं कि पैगाम शैतान का गलबा किसी के ऊपर नहीं है ज़ोर नहीं है सिर्फ दावत देता है मशवरा देता है बात नहीं मनवा सकता ये आप कह रहा है कि मेरा ज़ोर नहीं है फिर जादू तो शैतानी है असर फिर पैगम्बर के ऊपर शैतान का ज़ोर कैसे चल गया ये तो सिर्फ दावत देता रहता है अन तो कम मैंने दावा दी तुमको फसा जब तुम फस तुमने कबूल कर ली थी खुद मेरी दावत को फला तो लो मुनी आज मुझे लम तुम मलामत ना करो लो मुफोसकुम आज तुम अपने आप को मलामत करो आज मेरे मुँह तो पट्ठे बुझे ना रगड़ो अपने अपने मुँह दो तुम पट्ठे बुझे करके रगड़ दे रहा हो वो मलामत करेंगे ना बुरा भला कहने लग जाए मा ना बेमुस कहेंगे हो शैतान बान कोई आज मदद कर सकता है या नहीं छोड़ कहेगा मैं नहीं मदद कर सकता तुम्हारी माँ तुम भी मुशरखी या और ना तुम मेरी मदद कर सकते हो तुम भी ऐसा ना कहो कि हम कर लेंगे तुम मेरी मदद नहीं कर सकते इन्नी कफ़र तो बेशक मैं इनकार करता हूँ बे माशरा तुम ओ नहीं मैं कब लो जो तुम मुझे पहले शरीक करते रहे शैतान कह रहा है आज मैं इनकार करता हूँ जो तुम मुझे पहले अल्लाह के साथ शरीक करते रहे लेकिन आज तक कोई मुशरक़ ऐसा नहीं गुजरा जो शैतान को अल्लाह का शरीक बनाता रहो शैतान कहता है आज मैं इनका शेर कफार तो अशरक तो बिमा अशरखमुनी कबलो मैं इनकार करता हूँ जो तुम मुझे शरीक करते रहे हालांकि आज तक कोई बेदीन नहीं गुजरा ऐसा काफिर मुशरक जिसने शैतान को कहा कि ये मसले हमारे हाल करता है सब शैतान को गालियाँ देते हैं और शैतान कहता है जो तुम मुझे शरीक करते रहो मैं इनकार करता हूँ बात कोई राज किया है। असल बात यह है ये जो बुजुर्गों पीरों की कब्रें पूजी जा रही हैं, ये असल उनकी नहीं पूजी रही असल शैतान पूजा जा रहा है असल ये शैतान पूजा जा रहा है शैतान दावत दे रहा है गलत रस्ते की तरफ पैगंबर तो सारी जिंदगी दावत देते रहे ओ अबुल्ला लोगों सिर्फ कल एक अल्लाह की इबादत किया करो अल्लाह तो दावा देते रहे अल्लाह के रास्ते की तरफ ये शैतान ने इनको दावा दिया कि ये मुश्किल कुछ हाजत रवा दान नफे नुकसान के मालिक हैं इन्होंने शैतान की बात मानी और उनको पूजा तो हकीकता पूजा शैतान गया था ना कि अल्लाह पूजे गए थे इसलिए तो ये लोग कहते हैं ना नहीं मैंने तो अपनी आंखों से देखा है मैंने तो अपनी आंखों से पीर को मिला हूं मुसाफ़ा किया है मैंने तो ये शैतान बुज़ुर्ग बन जाता है बुज़ुर्गों की शक्ल सिर्फ़ सलाम की शक्ल नहीं बन सकता बाकी हारे की शक्ल बन जाता है बुज़ुर्गों की शक्ल इख्तियार करके लोगों के साथ मुसाफ़े करता है जहाँ से लोगों को पक् हो जाता है कि वाकई हमारा बाबा दुनिया पर आ जाता है वापस आ जाता है ये जिन्नू ने बड़े गुर गए हैं बड़े इन्होंने गुमराह किया को इनशाला ज़ोर के वक़्त आएगा सबक दिन क्यामत के अल्लाह जिन्हों से पूछेगा लोगों को क्यों गुमराह किया था तुमने तो आगे जवाब फिर जिन नहीं देता जिन के भिरा देते हैं कि हम क्यों गुमराह हो गए थे तो ये कब्रों के अंदर जो लोग कहते हैं हमें आवाज़ आई है बिल्कुल हमने सुनी है वो अपनी बात में सच्चे होते हैं क्योंकि असल कबर में घुस जाता है शैतान जिन घुस जाते हैं ये ऊपर से बाबा बाबा करता रहता है वो अंदर से जी 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 तेरा काम हो गया तेरा काम हो गया तेरा काम हो गया वो अंदर ये कहते हैं काम हो गया है असल ये जिन है वरना जो मर जाए वो क्या जवाब दे उसको तो पता ही नहीं दुनिया के हालात का इसलिए शिरक हकीकतन शैतान पूजा जा रहा है बुजुर्ग नहीं पूजे जा रहे <स्थियों> इन्नी कफ़र तो बेमार शरक तो मोनी मिन कबलो बेशक मैं इनका करता हूँ उस चीज़ का जो तुम शरीक करते रहे मुझे मिन कबलो पेलम इन्नमी ना बेशक झालिम लो मज़ाम बउद खिल्लीन बशरत दाखिल किया जाएगा उन लोगों को आमनुजुमाल वाह अमल साल करते रहे जन्नत जन्नत में तजरी तात ना रदीन फ़ियाबी रब ये सब माने ऐसी आते आएंगे तो अब मैं वैसे चलता जाऊँगा चल रही हैं नीचे उनके रह रहे रहने वाले होंगे उसमें अल्लाह के हुक्म के साथ तहैत तो, उनकी जो आपस में हम कलामी होगी फ़िया उसमें सलाम उन ये उनका तोहफा होगा असलई कौम ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है इसलिए तो ये बहिश्ती तोहफ़ा है मुसलमानों के पास मुशर को सलाम देना भी जायज़ नहीं अलम अब ए नहीं देखा तो किस तरह बयान करते मिसाल कलमा तयबात कलम तयब की शजरत तय्यबातिन मिसल दरा तय्यब के असल जड़ें उसकी साबित हैं वफ़ा मजबूत हैं वफर र और शाखें उसकी फिर आसमान में धोती कलाम देता है फल अपने लाता है फल अपना कुल्ल हर मौसम में अपने रब के के हुक्म साथ बेजिन रबरबुल्लामस और बयान करता रहता मिसाल लेना से लोगों के तज़ा करू ताकि वह नसीहत हाजिल करें दरख्त माक कलमा तैयब मिस दरख्त तैयब के है कलमा तैयब है ला और दरख्त तैयब पकीजा जिसकी जड़ें मजबूत और शाख़ आसमान में हों जो कलमा तैयब है इसकी जड़ मज़बूत है ज़मीन पर पुख्ता है और इसकी जड़ें शाख आसमान में है ये से समझो ये दरख्त तो मुहैद है मुहैद है इसकी जड़ें यहाँ मजबूत हैं और इसकी शाखें आसमान के साथ हैं जो भी मुसीबत है खुश गमी अल्लाह को पुकारता है गैरों को नहीं पुकारता हर वक़्त ये इसके वजूद से नेकी नेकी निकलती है बुरी नहीं निकलती मामा सल कल खबीस और मिसल कलम खबीस के कलमा खबीस कौन है शेरक वाला मिसल दरख्त खबीस के हंजला का एक दरख्त है उसको कहते हैं दरख्त खबीस ये जो खेड़ के वो खेड़ दिया जाता है मिन फोकला से ज़मीन के ऊपर है माला नहीं है उसके लिए मिनकरार इनको रहने की जगह वो ऐसे सह थोड़ा सा ही धक्का दे दो अपने आप चला जाता है या आप देखते होंगे कहीं दरिया के ऊपर आपका चक्कर लगे या कहीं झील खड़ी हो एक बूटी होती है ख़ूबसूरत फूल निकाल रही होती है पानी के ऊपर लेकिन उसकी जड़ कुछ नहीं होती थोड़ा सा पानी का झोंका हुआ का भी आए एक किनारे पर जमा हो जाती है फरमाए शिरक जो है ये कलमा खबीस है खबीस कलमा खबीस कलमा शिरक क्या अल्लाह भी मुश्किल कुशा हजरत है भी मुश्किल कुछ अल्लाह भी गैबदान हज़रत साहब अल्लाह भी हाज़र अल्ला नाजिर हज़रत साहब ये जो हज़रत साहब हाजिर ये कलमा शर मिसल दरख्त कबीस के इसकी कोई जाड़ नहीं है युसत जीना साबित रखेगा अल्लाह उन लोगों को जो इमान है बेल्कअल सबित साबित कलमे के साथ यानी तुहद के साथ कायम रहेंगे फ़िलहियात दुन या दुनिया की ज़िंदगी में भी वफिल आखरत तो आखरत में दुनिया पर भी इसी कलमे पर साबित रहता है आख़रत में भी साबित रहेगा भाई ज़ीलाउलम गुमराह करेगा अल्लाह गुमराह करता है हैल्ला ज़ाल भाई या फल्लाउ मायुषा करता रहेगा अल्लाह जो चाहे अलमता रह तूने देखा लल्ला जिन उन लोगों की तरह बदल उन्हें मतलब जिन्होंने बदल दिया अल्लाह के नम तो को खुफ़रा शुक्र में शिरक में व हल्लू कौम उतारा उन्होंने अपनी कौम को उतारा बवार अला के घर में जानना यानी जानना के अंदर या असलाऊना दाखिल होंगे उसमें अब बेसल कराबूर रही है ठहरने की जगह मजाला बनाते हैं अल्लाह ले के लिए लेजुल सभी लेता के गुमराह करें अल्लाह के रास्ते थे कल मेरा पेगा कहता कह तो न फोटा लो तुम फाइन न मसीरा को मिलन न आ बेशक तुम्हारा लौटना है आपकी तरफ कौल कह दे ले बात ही मेरे बंदों को अल्लाजना मनू वो मेरे बंदे जो ईमान ले यकीम ऊँ नमाज कायम करते हैं यूनफी को न और खर्च करते रहते हैं मिम्मां रजा कराऊँ

शखर अलकुमल फुल्का मुशर किया तुम्हारे नफ़े के लिए कश्तियों को ले तजरिया फिलहाल चल रही हैं समंदर में हम अल्लाह के साथ बखर को मनार और मुशर कर दिया तुम्हारे नहरें तक तुम उनसे पानी पियो और खेती बाड़ी करो अ शख़र आलक मिलशमसाह मुशर किया काम लगा दिया तुम्हारे सूरज और चांद को दाए बाएन हमेशा चलने वाले हैं ये अपने देरों के अंदर व को आलकमल वर किया तुम्हारे लिए रात को नारा दिन कु को वाह को बिनकुल और देता है वो तुमको बिनकुल हर वो चीज़ मासाल तुम वो जुम तुम से मांगते हो वो हर चीज़ तुम्हें देता है जो तुम उससे सवाल करते हो तो फिर यहाँ थोड़ा ये जहन में आता है काफ़ी चीज़ें हैं जो हम मांगते हैं लेकिन मिलती नहीं नहीं अल्लाह देता ज़रूर है कभी वो चीज़ देता है जो तुम मांगते हो लेकिन कभी उसका नेमल बदल दे देता है वो नहीं देता लेकिन उसके बदले में और चीज़ देता है व इन तो अगर तुम शुमार करना चाहने मतलब के नो ला तो सुमार कर सकते उनको लूम उन कफूर बेश इंसान बड़ा ाल है। है या मुशरक़ इंसान बड़ा ज़ालमकफ़ार्न शुक्रा बज़ का, का इब्राहिम जब का इब्राहिम दलील नकली तफ़ी आज़ इब्राहिम जब का इब्राहिम ने रब जाल ए मेरा दे हाजल पलादा इस शहर को आमिन अमन वाला व वा जुनुबनी मक्का शहर बना बच्चा रख मुझे भी वह बनिया और मेरी खास करोलाद को भी अन्ना बुदल्स नाम बुतों की इबादत करने से हम रब बे एम रब इन बेशक उन बुतों ने आज अज़ल न कसर बहुत सारे लोगों को गुमराह किया अमिनन्ना से लोगों से उन बुतों ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया हालांकि बुत ना सुनते ना चलते फिर लोगों को गुमराह क्या क्या यानी गुमराई का सबब बनने ना होते ना लोग गुमराह होते होते ना बो तोते ना गुमरा होते ये सबा बे गुमरा हैं, फा फमता भी आ नहीं, जिसने मेरी ताबेदारी की फैन बेशक वो तो मेरे से माना सा नहीं जिसने मेरी ना फरमानी की अल्लाह उसको भी दे 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 फैना का गफ़ूर रहीम बख्शने वाला रहीम बड़ा मेहरबान जिसने मेरी नाफरमानी की है तो सज़ा का मुस्तक बाकी तू गफूर रहीम है बख्श दे तो तेरी मर्जी है पूछ कौन सकता है रबा रब हमारा इन्नी असकन तो मैं ठहरा चुका हूँ मन जरूरियत औलाद को बेवादिन गैर जीजा रेन ऐसी वादी जिस में जिसमें खेती का नाम निशान भी नहीं है रेगिस्तान इन दबाए तो कल महरम तेरे इज़्ज़त वाले गार के अरे इब्राहिम को हुक्म आया था ना कि अपने बेटे इसमाइल को भी और उसकी माँ को भी ले जा जंगल में वादी गैर जी जर के अंदर ठहर के आ ये वो जगह थी जहाँ बैतुल्ला आई आप उस वक़्त बैतुल्ला की बुनियादें नीचे थी ऊपर दबी हुई थी कोई नामो निशान नहीं था ना इंसान का ना कोई परिंदा रहता था कोई पानी भी नहीं रहता था वहाँ उठ इनको ले लिया सवारी के ऊपर तो शदान भी ले ली कुछ खजूरें थी कुछ पानी साथ चलते चलते बीबी हाजरा रास्ते पर बोलती लेकिन अल्लाह ने मना किया था बोलना नहीं है चलते चलते जब पहुंच गए वहाँ दिखा दे अल्लाह ने हाँ यही जगह इनको छोड़ दे छोड़ के अल्लाह ने कहा बोलना नहीं है जब वापस मुड़े बीबी हाजरा पूछती इब रही इब्राहिम बता हमारा कसूर क्या है गलती क्या है मुझसे गलती हो गई तो माफ़ी मांगती हूँ मैं लेकिन चुप बोलने की इजाज़त नहीं थी तो उस वक़्त फिर उसने कहा था कि क्या अल्लाह ने तुझे मना किया कहते हाँ के अल्लाह ने मना किया फिर कहते ठीक है जा तो इब्राहिम इब्राहीम जब काफ़ी दूर निकल आए फिर किबले की तो दुआ की उसकी तरफ़ पैतुल्ला की तरफ़ जाओ नक्शा जहाँ छोड़ के आ रहा था अय अल्लाह मैं अपनी औलाद को छोड़ के जा रहा हूँ वाद गैरजीजार कर तो इनका मुहाफिज रहे और मैं छोड़ के जा रहा हूँ ताकि यहाँ नमाज़ें कायम करें ये माँ बेटा वहाँ रहते रहे पानी ख़त्म हो गया था फिर माँ जब बच्चे को देखे अपने को तड़पने लगे कभी इधर कभी उधर चक्कर लगाए सात सफा मरवा पर ये जो दौड़ा जाते आप ये जो चक्कर है ना सफा मरवा का मिसाल के तौर पर सफा से शुरू हुआ मरवा के ऊपर तो जब सफा से मरवा तक पहुँचेगा एक चक्कर बन जाएगा जब मरवा से फिर सफा पर आएगा फिर ये दूसरा चक्कर हो जाएगा बाल जाते हैं ना बेचारे जिनको इलम नहीं होता वो सफा से मरवा तक मरवा से सफा तक जब वापस आते फिर शुमार करते थक जाते हैं ये तो चौदह चक्कर बन जाते हैं सात चक्कर बनते हैं सफा से मरवा तक एक मरवा से सफा तक दो फिर सफा से मरवा तक तीन मरवा से सफा तक चार ये इस तरह एक चक्कर एक तक बनता है सात चक्कर लगाए देखती रही इनते उनते देखती कहीं नज़र ना आए फिर आखिर जब रईल अमीन ने आकर वहाँ पर मारा था जहाँ इसमा पड़े थे मासूम वहाँ पानी निकला दौड़ के आई फिर भरती रही जो बर्तन था उसमें भी लेकिन पानी जोश के साथ चश्मा निकलता रहा उस वक्त कहा था ज़म जम ठहर जा ठहर जा अल्लाह के रसूल ने कहा अगर उमई मई ज़म जम, जम ना कहती तो सारे लोग जम जम ही पीते पानी फैल जाता इसलिए तो आप जितनी हदूद हैं हराम की उनसे पानी ये बाहर नहीं जाता उधर ही हदूदों के अंदर ही रह जाता ये वही वाक्य आ रहा है सर सम्मानता भी यहाँ नहीं जिसने मैं हाँ अल्लाह मैं वादी गैर जी जर के अंदर अपने घर वालों को छोड़ के जा रहा हूँ रबा रब हमारा ले यकीम सला के नमाज को वो कैम करें फजाल अल अफत नास और बना दे दिल लोगों के तावील एम फेर दे उनकी तरफ कर दे दिल लोगों से भी कुछ तावील इलेम फेर दे उनकी तरफ वर और रिजक दे उनको मिनत समरात फलों से लुम यश ताकि वो शुक्र अदा करें आज भी देखो बात

तमाम तरीफ़ अल्लाह के लिए अल्लाजिबा बली जिसने हिब्बा किया मुझे अल के के बारे बुढ़ापे पार इसमाइल और इसाक इन्ना रबी बेशक मेरा रब ली दुआ पुकार दुआ सुनने वाला है रब जाल ने ऐ मेरा रब बना दे मुझे कार मुकमत सलात नमाज कायम करने वाला ए मेरा रब ये रख मुझे नमाज कहम करने वाला वह मैन जरूरी मेरी औला से रबाना अरब अमारा माता कब्बल दुआ तू कबूल कर मेरी दुआ को रब्बाना अकफिर ली ए मेरा हमारा माफ़ कर दे तू मेरे लिए <गस> तो, वाले वाले वालदैया मेरे वाले वालदान के लिए वाले वालीना और मोनू के लिए वाले बाबी इब्राहिम का वाले तो काफिर था तो फिर वाले वालेन के लिए क्या दुआ तो वाले वालदेन बाबा आदमी तो है माँ हवा भी तो है ये भी तो वालदेन है ना जैसे एक हकीकी वाले दहन एक रूहानी वाल दिन होते हैं उस्ताद रूहानी वाल दिन है देखा जाए तो जितने मकाम हो, उस्ताद का है रूहानी वालद का इतना तो बाप का भी नहीं बनता कैसे बाप सिर्फ़ जिसम की परवरिश करता है लेकिन जो उस्ताद होता है वो तेरे रूह की परवरिश करता है जिससे दुनिया भी बनती है आख़रत भी पड़ती है लेकिन उसताद उस्ताद हो कहीं मुशरक़ गद्दा ना हो वाले वालद ही वालदन के लिए वाल्मिलमु के लिए योम यकोमसाफ जिस दिन कैम हो गया हिसाब का दिन वाला सब्ला ना तो गुमान कर मुखातब अल्लाह को गाफ़िलन बेख़बर हम माँ यमालम उससे जो ओ करते रहे जो अमल करते हैं ालम इन न माँ यूर उमलियोमन बेशक वम अखर का है उनको उस दिन के लिए तश्ख सफ़ीलाबसार खुली रह जाएंगे उसमें आँखें मोती न दौड़ने वाले होंगे मुकनी रोसेम ऊँचा उठाए हुएंगे अपने अरसरों को ला

व नत्ता बे रोसोल और हम इताबा करते रसूल के अवलम तक उन अकसम तुम आया ये रद्द है दरख्वास का जब अल्लाह को कार है आया नहीं थे तुम कसमें उठाते मैंने कबल हो पहले से मालकुम उम मेन जवाल तुम्हारे लिए तो कोई जवाल नहीं है अज़ाब नहीं है वफ़ात नहीं आएगी तुम्हें बस कन तुम फी मसक और तुम ठहरते रहे उम फी मसा के नज़ीन ओ उन लोगों के घरों में जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया था व तबैया नकौम जहर हो गया तुम्हारे लिए कैफ फालना बे ज़ाहिर हो गया मतलब भैया न लको ज़ाहिर कर दे गया तुम्हारे लिए कई फल ना बे कैसा फ़ैल किया था हमने उनके साथ मुलाम साल और बयान किया हमने तुम बयान करते हम तुम्हारे तुम लिए कई मिसाल वकाद मकर तक एक उन्होंने मकर किया था मकर उनका वन और अल्लाह क्या है उनका मकर यानी उनके इलम अल्लाह के पास है उनके मकर का वाहन कान मकर नहीं था मकर उनका लजोल अमिन जबाल के जैल हो जाते उससे पहाड़ तो ईद वसन्नत के खिलाफ जो मकर करते थे उनके इतने बड़े मकर नहीं थे कि पहाड़

और जमीन हो जाएगी बस समावत और आसमान सिर्फ एक ना तो देखेगा मुजरम लोगों को मशरफ काफरों को जिन उस दिन मुक्रन फिलसवाद जखड़े हुए होंगे जंजीरों में शराबी कमीज उनकी तिर गंदगी कमीजें उनकी गंदक को गंदा वो है जिसको आग दूर से झपट लेती है खींच लेती है गंदक के वत वजू है वो मुन्ना टाँप लेगी उनके चेहरे को आग ले जजी अल्लाह ताकि बदला दे नफसिन का वजू उसने कमाया इन अल्लाह बेशक अल्लाह सर साहब जल्द साहब लेने वाला हाजा बल्हा से ये पूछा ये तमाम सूरत के मुत है ये आयत ये देना है लोगों के लिए सारी बातें तस्दी के रिसालत भी है वाले यून जरूबी ताकि ड्राए जाए उनको साथ इस क्या मत के भी वाले यामू ताकि जान लें वो लोग तहीद को कि किन्ना बेशक हो वाह इला हो वायद ये भी पता चल जाए लोगों को बेशक इला तुम्हारा एक है था था वाले जज करा उलुल अलबाब तक नसीहत था सरकार करवा लिया सूरत इब्राहिम में माकबल के साथ रबा थोड़ा सा लगा लो सूरत इब्राहिम में था मसला तुहद मान लो जिसका ऐलान बाबा इब्राहिम ने किया था और अब फरमाया कि अगर मसला तुहद नहीं मानोगे तो कौम हिजर की तरफ तुम भी मार दिए जाओगे ख़त्म कर दिए जाओगे बसमिल्ल के फ़ल रिलका या तो ये ऐते हैं किताब की व कुरान मुबी और कुरान वाजे की ये कहते हैं किताब की किताब जिक्र करके इशारा कर दिया अल्लाह ने माजी अमम यानी जो पहली उमतें गुजर गई हैं ना उनके हालात इसमें ज़िक्र होंगे किताब से इशारा उनकी तरफ़ है वह क़ुरान मुबीन और क़ुरान वाज़े की क़ुरान वाज़े ये कुरान का लफ्ज़ जिक्र कर इशारा कर दिया कि इस उम्मत की उम्मत की के हालात भी इसमें गुजरेंगे किताब ज़िक्र करके इशारा कर दिया कि सबका उमतों के हालात आएंगे इस सूरत में और मुबीन क़ुरान ज़िक्र करके लफ्ज़ कुरान जिक्र करके कर इशारा कर दे इस तरफ कि इसके अंदर इस उम्मत का भी हालात का तजकर आएगा तेल तेलका यातुल्किब ये या आते हैं किताब के केवल कुरान मुबीन और कुरान वाज रोबा माँ यवुलजी और कोई चीज़ नहीं ऐसी कहीं आएगी बात सुखार दूंगा वरना आप देखते हैं ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं रोबा माँ बार बार यवुल्ज़ीना तमन्ना करेंगे चाहत करेंगे वो लोग जो काफिर हैं किस चीज़ की चाह करेंगे ये करेंगे लोकानू मुसलम काश के वो मुसलमान होते ये चाहत करेंगे तमन काश के हम मुसलमान होते काश के मुसलमान होते इसलिए हम कहते हैं लोगों को लोगों पहले मुसलमान बन जाओ बाद में अमल करो तब कल ऐसे ना हो कि काश हम मुसलमान बार बार तमन्ना हो गए जारोम छोड़ मेरा पेम्बर इनको गम न कर या कोलू खाएँ वो वाह मताओ और मजे उड़ाए चैन उड़ा ले मजे उड़ा ले दुनिया के अंदर जो उड़ाने व यूल हे गफलत में डाल दें इनको उम्मीद ने दरवाजा चेक करो यूल आमा लो गफलत में डाल दें इनको इनकी उम्मीदों ने फसाऊँ फमोन फ़सन करीब जान लेंगे वो अम्मा करम इनका नहीं अल्लाह के हमने किसी बस्ती को उनके कुफर की वजह से इल्ला मगर वाला उसके लिए किताब मिलूम वक़्त मुकर था माँ तस्वी को बिनुमां नही सबका ले गई कोई माता जला अपने वक्ा से अमांस तखिर उन मिनट उनको मोखर किया गया वाहकालू <coughs> कहने लग या अयो आए वो शख्स नबी नबीसलाम को कहने लगे आए ओ शख्स जिस नाजिल किया गया जिसके ऊपर कुरान जिक्र ब कुरान आए ओ शख्स जिसके ऊपर कुरान उतारा गया इन्ना न कला मजनून बेश तो मजनून है नाउज बिल् में जालक देखो मजनून किस को कहते हैं जो अक्ल से फारे हो जिसका दिमाग ठीक ना हो ना उसको कहते हैं मजनू अय शख्स तेरे ऊपर जिसके ऊपर कुरान नाजर के ये तो अक्ल से फारे गए नबी को कह रहे हैं इनको मेरा सा देखे अगर सच्चा है तो मलये लिया है न सा हमारे सामने बातें करे मा नजिलय था अल्लाह ने कहा मेरा प्याम नहीं हम उतारते मलाया को जवाब दे बेवकूफ कहते मलय क्यूँ न हम जब मलया उतारते हैं तो फ़ैसले के लिए उतारते हैं वैसे मलका नहीं उतारते हैं। नहीं हम उतारते मल्क को अला बल्हा के मगर सा के फ़ैसले के माँ कानूँ और नहीं थे वो हज़म वन उस वक़्त मोल्दी हुए हो नहीं होते हम फरे फरिश्ते वैसे नहीं उतारते या फरिश्ता जबराल अमीन आया था क़ुरान लेकर या आते हैं फैसले या अजाब का फैसला होता है या मौत के वक्त उस फैसला वैसे मलय नहीं आने देते ये तलीमों इसलिए आते हैं इन नजल निक्रा बेशक हमने उतारा जिक्र कुरान को भाई नलहूल्हा हाफिज़ून बेशक हम ही हैं उसके लिए हिफाजत करने वाले कुरान को उतारने वाले हम आए तो इस बात की दलील बेशक हम उसके लिए हिफाजत यानी हिफाजत करने वाले कुरान के हम हैं तो बात दलील है इस बात की कि, कि कुरान नाज़ करने वाले भी हम हैं कुरान भी हमारी किताब वाला का दार मिन कबले का तकीक भेजा हमने बिन कबले आपसे पहले फ़ीश जयलिन पेलेम तो मैं हमयातीम नहीं आए उनके पास में रसूल इनको रसूल अल्ला कानू अस्ता दे मगर थे उसके साथ मजाक करते क़ाले का नस्ल को इसी तरह हमने चलाए रखा उस रास्ते को मजाक वाले को कोफ़ी बिल बुजरमेन मुजरमों के दिल में आ जैसे उमते चला मजाक करती रही ना यही मजाक चलाते चलाते काफरों के पेटू में भी हमले आए मुजरमों <स्थथथ> के दिल में लाइ उ नहीं ईमान लाएंगे साथ इसके वक़ाद ख़लत सुन्नत लवल इंत के गुजर चुके तरीके पहले लोगों के जो ईमान नहीं ले आते थे हम उनको अजाब देते थे वाला फता हम खोल देते उनके ऊपर बाबन दरवाज़े मिनत समाए आसमान से फजल्लुफ़ीए पर चढ़ जाओ तुम उसमें फजल्लू शुरू हो जाए उसमें यारों जौन चढ़ने फजल्लु सारा दिन हो जाए उसमें यारों चढ़ने हम आसमान के दरवाज़े खोल देना मुशरकू को कहो चढ़ जाओ ऊपर चढ़ो चढ़ के दलील ले आओ जब ये चढ़ भी जाए ना तो फिर भी ये कहेंगे चढ़ सकते तो है नहीं ना फिर भी ये कहेंगे हमारी आंखों पर इन्होंने जादू कर दिया नज़रबंदी कर दिया है हम चढ़े नहीं लेकिन महसूस ऐसा होता है जैसे आसमान के ऊपर चढ़ गए लकालो फिर भी वो कहेंगे इन्ना मास बेशक बंद कर दी गई अब सारो ना हमारी आँखें बल नहीं हो नहीं आँखें हमारी बंद नहीं की गई असल बात है जादू कर दिए गए हमारा दिमाग आवाज ख़त्म हो चुके हैं ये बात है बल नानो बल्कि हम तो कौम हूं हम तो जादू की हुई कौम है जो अक्लो फाम में कख बाकी नहीं है कुछ भी नहीं वाला का ना फिर समाए तक एक यनाया हमने आसमान को आसमान में बुरुजन यानी सितारे बड़े बड़े वजयन समा वजयन हाल नाजरे हमने मुजैन किया उसको देखने वालों के लिए वाफिज़ आम ने हिफाजत की उसकी मिलकुल्ल रज़ीम हर शैतान मरदों से इलामन का मगर जो चोरी छपके समा सुन ले शैतानु को ऊपर नहीं जाने देते ना चोरी चोरी ये बातें सुन लें फू पीछे लगा दिए जाते हैं उसके शयाब मुबीन एक सितारा वाज बड़े बड़े शोले वाले चिंगारे फरिश्ते ले खड़ते हैं जब शैतान वहाँ पर लगाते हैं उसके पीछे जाल के लगा देते हैं कभी कभी आप रात को देखते होंगे एक सितारा गोया कि वो आग गिर रही है ये शैतान के पीछे मलय लग जाता है पीछे लगाता है न उसको जला के रख के देता है या उसको दिमाग ख़राब कर करके रखते थे लगाते सुथरी जगह पर है शयाबे सितारा है चमकता हुआ सितारे क्या हो चमकते हुए शोले आके बाल अर्ज और ज़मीन मदद नागा बिछाया हमने उसको व अलका नफिया डाल दिया हमने उस जमीन में रवासिया सिया पहाड़ वम बतनाफिया उगाया हमने उसमें मिनकुल शैन शयन हर चीज़ से न अंदाजे से व जाल बनाया हमने तुम्हारे लिए उसमें मायशा और रोज़ियाँ जिंदगी गुजरान के मूँ हाँ खाने वाली चीज़ें पीने वाली चीज़ें व वा मल लस तुम नहीं हो तुम लोग उसके लिए बेराज की न रिस्क देने वाले भाई वा इमिन नहीं है कोई चीज़ अला इन दना मगर हमारे पास जो है ख़ज़ाए नहू उस चीज़ के ख़जाने हैं मानुनों नहीं उतारते हम उसको चीज़ को अल्लाह बेकादर मलोम मगर मलूमा दादे के साथ वर सलना और भेजा मेरे रिया हवाओं को लवा किया जलना जो रस भरी होती हैं उतारते हैं मेरा समायासुमान से मान पानी अब देखते हैं बारिश से पहले ठंडी ठंडी हवाएँ आ जाती हैं रस भरी <स्थ> मैं रस भरी रस भरी आए आसमान से मान पानी फास का इनाकुमो हम पिलाते हैं उनको हमने पिलाया उनको मान तुम और नहीं हो तुम लो उसके लिए बेखाज नींद जमा करने वाले व वा इन्ना लो इन्ना और हम लना नो नो ये हम ही जान डालते हैं व नुमी तो जान निकालते हैं व वा नानुल वार सोन हम ही वारे, वारे हैं वाला तकी जानते हम अलमुस्तक मीन अमिन कौम जो तुम में से आगे गुजर गए वाला का दौर तक ही ना हम जानते हैं जो पीछे रह गए वा इन्ना रब्बा का बेशक रब तेरा हो वही याशरूम जमा करेगा उनको फिर मसल तुद की वजह से सजा ज़रूर देगा इन्ना बेशक वकीम वा हकमत वाला हैलीम जानने वाला है मुनकीम मुनासिब सजा देगा जानने वाला है सारे अमाल का वाला का दखल कल्सान तक एक पैदा किया हमने इंसान को मिनसलसा इन बजने वाली मट्टी मिन हमा इन मट्टी से मसनून इन हमा गारा मसनून इन बदबूदार जान और जिन खलक ना हो हमने पैदा किया उसको मिन कब लो पेले मिन नारोम आतिश सोजान यानि आ कि लो से वाला रबो का ये इकराम आदम जब कहा तेरे रब ने ले मलायक थे मलायका के लिए इन्नी खाल बेशक मैं पैदा करने वाला हूँ बशरम एक बशर मिन सलसाल एक खन खनाटी मट्टी से मिन हम मसनून बदबूदार गारे से फैजा सब वाई तो जब मैं बराबर करूं उसके अजाऊँ को व नफ़ तो फिर और मैं फूँक दूं उसमें मैं रोई अपने रो फो लो साजिन घिर पड़ना उसके लिए सजदा करने वाले फसा जदल मलाय का तो सजदा किया मलाय ने कुल्लोम सारों ने अजमाइन इकट्ठे ने एक सवालों के जवाब है मलाय का ने सजदा किया जी हाँ जी कुल्लोम साहब ने किया अच्छा जी इकट्ठे किया या जुदा जुदा किया नहीं अजमाओं सब ने इकट्ठे किया था अच्छा देखो अल्लाह ने कहा जब मैं उसके अंदर फूक मार दू तब तुमने सजदा करना है वरना सईदा यह तजीमी सजदा था अल्लाह ने भी जिस समय में रूह फूकी तब मलका से सजदा किया कमाल तो आज मुशरे का है रू नहीं है तब सदे कर रहा है वाह जी वाह कमाल देख इसके अक्ल की कैसे फिरी हुई है है चकरी इसकी अकल की अकुल्लो <स्याग> मजमोन इला इबलीस मगर इबलीस ने ना किया अबा अकड़ कर गया है मैं अच्छा आई ये को ना माल साजिदीन क्या वो सही दे करने वालों में से काला काला ने या इबलीस ओ इबलीस माल का क्या है तेरे लिए अल्लाह तक मा मास तो नहीं था सजदे करने वालों से काला अलम कौन मैं नहीं हूँ ले आज था कि सजदा करूँ ले बशरिन किसी बशर के लिए वो खलकता हो तो उन्हें उसको पैदा किया मिन सलसाल बजने वाली मिट्टी से मिन हम मसनून बदबूदार गारे से कहते हैं बदबूदार जैसे वो गारा बना के रख दो ना मिट्टी को भूसे को पानी छोड़ दो मिला के रख दो हफ्ते के बाद बड़ी बदबू ही आती है ये बदबूदार गारे से काला काला ने जो दफा हो जा निकल जा पलीता दफा हो तो निकल जा मिना से फना का अजीम बेशक तू मरदूद फ इन्ना लई कलानता बेशक तेरे पर ला नो मे देन क्या मत के दिन तक काला का रब्बे दुआ करने लगा रब्बे है मेरे रब फिर नी बस मुझे मौला दे बान क्या मत तक उठाए जाने वाले दिन तक काला काला ने फिन न कहा बेशक मैं नोन तू मौला दिया हुआ है लेकिन बासूनिला योमूम वक़्त मालूम तक तुझे मौलत है जब दुनिया ख़त्म होगी उस वक़्त तेरे ऊपर मौत आएगी लेकिन शैतान ने मौलत मांगी थी दोबारा दिन क्या के उठने तक ताकि मेरे ऊपर मौत ना आए अल्लाह तो जानता था अल्लाह ने ना उला तक तुझे है मौलत जब दुनिया खत्म होगी तेरे ऊपर मौत आएगी अब देखो शैतान के अल्लाह सुनता है फिर तेरी क्यों नहीं सुनता तू क्यों गैरों के आगे झुकता है शैतान आप अल्लाह से मांगता है तुझे गैरों से मंगवाता है काला का रबे अच्छा रब मेरा उन मेरी बात सुन बड़ा नाम मुरादा दिमाग बस अब उसके जो जुतों ने मुझे गुमराह किया इसकी वजह से गुमराह किया ना आदम की वजह से लाओ ना लोम मैं ज़रूर मुजैन करूँगा बुरइयों को इनके लिए फिलार से ज़मीन में बुरीई को सोना करके दिखाऊँगा जिना को सोना करके दिखाऊँगा वाह जी वाह बड़ा नेक काम कर का रहा है तू बड़ा अच्छा काम है मुता करेगा मुता मैं कहूँगा ये तेरा निकाह बड़ा तो अच्छा काम कर बुरे काम खूबसूरत करके दिखाऊँगा वाला उन्ना हो ये समरा है तजीन का खूबसूरत करके दिखाऊँगा तो फिर कैसे समरा क्या निकलेगा को अपने इलाके में ले लूँगा ला उगवी अन्ना होम अजमायमरा करूंगा उन सबको अला इबाद का मिनोलमुखी मगर जो मुखलस मगर बंदे तेरे उनमें से जो मुखलसन मुखलस होंगे उन पर मेरा जोर नहीं चलेगा जिनको तू मुखलस कर लेगा मुखलस कर लेगा उन पर मेरा जोर नहीं चलेगा हाँ इसमें बसीरा इसमें फैल भी आता है हाँ अल्लाह जो अपने आप को मुखलस करने वाले होंगे तेरे अकाम मान के उन पर भी मेरा जोर नहीं चलेगा जिनको तू मुखलस करेगा उन पर भी जोर नहीं चलेगा अगर बसीरा इसमें फैल हो तो माना बनेगा जो अपने आप को तेरे आ काम के ऊपर अमल करके अपने आप को मुखलस कर लेंगे उन पर भी मेरा जोर नहीं चलेगा खुद शैतान के रह जोर नहीं चलता काला काला हाजा सिरा तो न लैया ये अखलास मुखलस बंदे जो हैं रास्ता इनका लैया मुझ पर मुस्त ये मुखलस बंदू वाला रास्ता सीधा है इन इबादे और शैतान सिरात अल मुस्तकीम का बयान है क्या सिरात मुस्तकीम यानी बेशक मेरे बंदे लगा का नहीं है तेरे लिए अलिये अलिये उन पर सुल्तान उन को जोर। कोई जोर शैतान जाओ दफ़ाओ तेरा इनके ऊपर कोई ज़ोर नहीं चलता मेरे बंदों पर इल्ला मन इत का गावीन मगर जो इतबा करें तेरी गावीन सरकशों से खराब लोग जो हैं जो तेरी तबाह करेंगे वो तो तेरे पीछे चलेंगे तेरा जोर उन पर चलेगा लेकिन मेरे बंदों पर नहीं चलेगा इसलिए हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के बंदे हैं अगर किसी को शाको जादू हो जाते हैं, तो ज़रा करके दिखाएं हम अल्लाह के बंदे हैं अगर तुम कहते हो नहीं हो जाता है हमारे ऊपर तो फिर अल्लाह के बंदे बनो शैतान के ना बनो अल्लाह अल्ला जो कह रहा है मेरे बंदों के ऊपर नहीं होता हमें तो यकीन है लाइन जहन्नमा बेशक जन्नम लामो दो अजमीन वादा दिया गया है उन सब को ला सब तो अब वन एक जन्ना है हालत जन्म की बयान हो रही सात दरवाजे हैं जहन्नम के ले कुल्लबा बिन हर दरवाजे के ले मिनोम उनमें से जुजोम मकसूम उम हिस्से हैं तकसीम शुदा इन नलमुत के इना ये कुरान का तरीका है जहाँ जन्नम के तजकरे करेगा जनती के ज़रूर करेगा क्योंकि मुबाद का दिल घबरा जाता है इन नलमुत इन बेशक परहेजगार लोग फी जन्नत बागातु में होंगे वय चश्मों में होंगे उद्लूआ यू का लोम या मौजूफ़ है कहा जाएगा ये क्रा में मोमिन दाखिल हो जाओ तुम जन्नत के अंदर बे सलाम सलामती के साथ आमिन अमन वाले फ़िलहाल भी सलामती होगी आंदा के लिए भी अमन रहेगा व नजाना माफी सदूर हिम कबल अजदखल मोायद थे आपस में थोड़े लड़े हुए थे आपस में कुछ काजरवी थी दिल में थोड़ी तंगी एक दूसरे के बारे थी जन्नत में दाखिल होने से पहले पहले अल्लाह निकाल लेगा वो निकाल लेंगे जन्नत में एक जैसे हो जाएंगे व नजाना मालूम हुआ कि मुवैदों के माबैन भी रंजिश हो सकती है मुवैदों के माबैन भी रंजिश हो सकती है और हो भी जाते हैं लेकिन एक दूसरे का मुवैद बुरा नहीं मनाता व नजाना हम छीन लेंगे खींच लेंगे निकाल लेंगे माफी सुधूर जो उनके सीनों में होंगे मिन खफकी से अखबानन फिर भई बन जाएंगे उल्फत मुब्बा से अला तख्तों पर बैठे होंगे मोतका आमने सामने बैठा करेंगे और गप्पे और मजाक शुगर लगाया करेंगे हाँ जी सुनाओ जी कभी वो वक़्त था ओ चार चार घंटे बैठे रहते थे पाँच पाँच घंटे बैठे रहते थे क्या मज़ा था ला मसूम फ़िया नहीं पहुँचेंगे उनको फ़िया जन्नत में ना सब उन कोई तकलीफ़ माहूम और ना वो ना उसे बेमुखरज निकाले जाएंगे नब्बे ¡Chabad de Merape Ambartú! इबादी मेरे बंदों को बता दे अन्नी अनग़फ़ूर रहीम जितनियाँ भी गलतियाँ कर चुके हो आज भी मैं गफ़ूर हूँ माफ़ी तुम मांग लो माफ़ मैं कर दूँगा अन्नी बेशक मैं अनल ग़फ़ूर रहीम बेशक बख्शने वाला हूँ रहीम बड़ा मेहरबान हूँ वह अन्ना अज़ा भी बेशक अज़ा मेरा हो वलाबलिम वहीजाब दर्द नाक है माँ नब्बे होम और मेरा पैम्बर इनको ख़बर भी सुना दे अनफ़ इब्राहिम बाब इब्राहीम के मेहमानों की इनको बाब इब्राहिम के मेहमानों की भी ख़बर सुना दे ये तब माफ़ करूँगा जब पहले मानेंगे कि आलमुल ग़ैब सिरफ अल्लाह मुख्तियार कोल अल्लाह हर जगह हाजिर नाजरल्ला एज दाखलू जब दाखिलु अब्राहिम पर फ़कालू के लगे सलामा काला इब्राहिम सलाम थी ओ तुझ पार काला इब्राहिम सलाम इनकुम मिनकुम ना बेशक मैं तो तुमसे डर गया बेशक मैं तो तुमसे डर गया कालू कहने लगे ला ज़ल ये देखो इब्राहिम ने पहले बताया था बाद में उन्होंने कहा ला तब डार नहीं इन कालू कहने लगे लाताओ जल ना डर तो इन नशे रोका बेशक हम खुशखबरी देने आया तुझे बे गुलाम इन एक लड़के की अलीम जो बड़ा ही तहमुल वाला होगा यानी नबी बनेगा काला का इब्राहिम ने अब शर तुम है तुम मुझे खुशखबरी देने आयो सच्ची बुढ़ापे में बेटा देगा ला जी अला इस पर क्या मस अं, मसा यल के बारो है मुझे बुढ़ापा फापे माँ तो ना कैसे तुम खुशखबरियाँ देते हो यार है वो तो समझा है ना कि बेटे तो मिलते हैं जवानियों में अब तो बुढ़ापा पहुंच चुका है कालो कहने लगे बशरना का बेला के हम तुझे खबरी खुशखबरी देते मिला के वाकई सच्ची बात की फला मिनल कुमन कानती ना हो तू ना उम्मीदों में से इब्राहिम वो मुझे कह रहे हो ना उम्मीदों में से मैं अल्लाह के ना मैं अल्लाह के साथ ओ ना उम्मीद ही तो करने वाले ालिम होते हैं तुम कैसी बात कर रहे हो मैंने तो वैसे कहा है मैं नउमीदी के थोड़े कार है मोवाद जहां थोड़ा सा भी शुभ आने लगे मुवैद को चोप नहीं आती वहां बोल पड़ता है कहते ना 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 मैं नउमीदी नहीं करता काला इब्राहिम ने कहा मैं यकन तो मे रहत रब ही कौन ना उम्मीद हो सकता है अपने रब की रामत से इजा लोन सिवाय गुमराहों के काला का फमा खतब अल्मून अच्छा बताओ अब कहाँ जाना है वापस जाना या आगे

मगर जो बीवी होगी लो तमाम की कदर ना हा हम अंदाज़ा कर चुके हैं उसका वही के साथ हमें मालूम हो चुका है कि वो गुमराह ज़रूर होगी इन आलमिन बेशक है वो पीछे रहने वालों में से देखो पैगम्बर है बीवी काफरा है हैं उसकी वो सेज है लेकिन पैगम्बर अपनी बीवी को भी नहीं बचा सका ओ तुम तो कहते होली अल्लाह मुख्तियारे कोला यहाँ तो नबी मुख्तियारे कोल भी नहीं है फलम्मा जा फलोत जब आ गया ललूत के पास मुरसलून भेजे हुए वो रसूल काला का इन नौन कर बेशक तुम लोग अजनबी देखे हैं तुम तो लोग अजनबी आज तक देखे तो नहीं है ऐसे कालो कहने लगे बल जे ना का हम आदमी नहीं हैं बल्कि तेरे पास हैं बीमार वो चीज लेकर यानी अजाब लेकर कानू फम तरून जिसके बारे में लोग वो शक करते रहते हैं आते है ना कबीला के आए तेरे पास आके लेकर भाई ना बेशक हम सच्ची खबरें देने वाले हैं। फासरी बे आ ले का ले चल तो अपनी आल को बे कित में ले रात के किसी हिस्से के अंदर वत बे तो इनके पीछे चलना वाला यल तफी ना मुड़ कर देखे तुम में से आद उनको एक वा मजू चले जाओ तो मरूं तो मरूं। जा किया किया है तो मरु तो मरू जहाँ तुम्हें हुक्म किया गया है चले जाओ चले जाओ जहाँ तुम्हें हुक्म किया गया शाम के इलाके में आई काजाइना और फैसला किया अमन सित उसकी तरफ जालमरा इस मामले का बेशक बे इन लोगों की जड़ जड़ उम मुस्बिन सुबह के वक़्त काट दी जाएगी काटे हुए होंगे सुबह करने सुबह के वक़्त अजादी ये इतनी बात हुई थी ठरके खड़े थे वह उन्होंने देखा था आ गए मदीने वाले व जा मक्का ते कौम बेवकूफ़ी कौम की आ गए शार वाले यस तब ना बगले मारते हुए जब खुशी ज्यादी हो ना तो फिर क्या कहते हैं बगले मारते बड़े खुश होते होते हम उसको कहते हैं कच्छा मरेंदे मरेंदे दौड़ दे दौड़ दे खुशियाँ मारते हुए क्यों शेरो ना खुशियाँ मार रहे थे ना अड़ंग पड़ंग इधर उधर घूम रहे थे और लड़कों की जो खबरें सुनी हो तो लड़के भी असीर काला का लूत लूतम ने हा उला जैफ़ी बेशक ये लोग मेरे मेहमान हैं फला तफजूनी पस मत तुम रुस्वा करो मुझे बत डरो तुम अल्लाह से वला तखजूनी मत तुम रुस्वा करो मुझे तफजून और तुखजून ये मुतरदिफ़ हैं दोनों लफ्ज़ इनका माना क़रीब करीब है तो पहला तफजूना तमाम लोगों के सामने मुझे रसवा ना करो और तुखून ये खास है मेहमानों के सामने मुझे मेहमानों के सामने रसवा ना करो पहले हट के समझाया होगा ना लूत ने कालो आगे से कहने लगे वाह इसकी बात सुनो काब के हम ओतरे खड़े से ना वास्ते तो ये आज के आधे रसुवा ना करो अवालम नीन आया नहीं हमने मना किया था तुझे जहान वालों से यानी हमने तुझे मना नहीं किया था जो भी मेहमान आएगा तू ठेकेदार नहीं बनेगा तू हमें मेहमान देगा हम आप इसको चाय पानी इनको अच्छी तरह पिलाते रहेंगे तू हमें मेहमान देगा हमने तुझे मना नहीं किया था तू अपने पास मेहमान ना ठहराए काला काम ने कहा ये बनाती मेरी बेटियाँ रूहानिया इनकुम अगर तुम हो करने वाले तो उनसे करो अपनी हाजतें पूरी करो कल समझा चुका हूँ ये सारी बात ला अमरो का ये दिखा ले ले शाला जिंद जीवी हो मेरा सोना ला अमरो का। शाला जिंदगी दा धागा लंबा हो शाला जिंदड़ी जीवी ला अमरो का शाला तत्ती हवा ते नल गे ला अमरो का शाला जिंद जीवी मेकू तेरी उम्र दी कसम मेरा प्य मेकू तेरी जिंदड़ी दी कसम ला अमर का ओ तेरी उम्र की कसम मेरा प्यमर इन्ना गुम बेशक वो लोग लफी शकर नशे में पड़े हुए हैं या महू हैरान सरगर्दान मधूस हैं फाखजतो तो बस पकड़ा उनको चीन ला का तेरी उम्र की कसम तमाम मखलूक़ात में से सबसे ज्यादा महबूब है तो अल्लाह का रसूल नबी वसल्लम जिसकी जिंदगी की अल्लाह का सम खा रहा है ला अमर का मैं को तेरी जिंदड़ी दी कसम है। शाला जींदा रहा है हमारी तरफ ना प्यार का जो लफज है ना बोला जाता है उसमें से एक प्यार का लफ दो ओ मेरा दो दा जींदा रहा है तुम तो। ये प्यार देते हैं ना उसको ये लफज बोलते हैं फाखजत होया तो पकड़ा उनको चीख दे जिब्राइल ने नारा लगाया था मुशरकन सूरज निकलते वक्त फजाल न आ लिया कर दिया हमने उसके ऊपर वाले से को सा नीचे वाम तर ना लेम बरसाया हमने इनके ऊपर हिजारतम पत्थर मिन सिजील खंगर इन फीजा लिखा बेशक इस वाक़े में लोगो लायत निशानियाँ लमुतवसम अलमतफ़रीन गौर वफिक्र करने वालों के लिए अगर देखो ना तो इसमें निशानियाँ हैं जो अल्लाह की वदानियत के ऊपर दलालत करती हैं व इन्ना लब सबी मुकीम बेशक वो वस्ती सीधी राह पर है ले मुम्न, इन न फ़िज़ाल कलायता बेशक इसमें निशान लुलमोन इन मोमिनों के लिए वन का ना साबु लाएक बेशक बन वाले लोग ला में करने वाले थे ये हदर शुएब की कौम थी फन तक कम मेनोम पसम ने इन तक काम लिया उनसे भी वहीं न गुमा बेशक ये दोनों बस्तियाँ एक का और कौम बस्ती लूत बे इमाम मुबीन सामने रास्ते के ऊपर हैं इमाम आगे होता है ना तो ये सामने रास्ते के ऊपर दोनों बस्तियां आती थी जहाँ मक्के वाले गुजार गुजर के जाते थे वाला का हिजरे तीसरा नमूना नमूनाजाब का जुठलायाब हिजर ने मोर भेजे हुओं को सहेब हिजर वो थे जिनमें कॉम सम जो है व आते दी हमने उनको आ जाते ना आते हैं फकान अना बस्ते उससे मोर सी करने वाले फ़कानो ये तू नफ्तर थे वो तराशते यफ्तरूनों को झूठ करते रहते थे अल कानून वो त्राशते थे मिनल जिबाल पहाड़ों से बुतन कर आ मनी न फाखजतो हतो पकड़ा उनको चीख ने मुस्बही सुबह के वक़्त सुबह करने वाले फमा अगना पस नहीं काम है उनसे माँ कानू यक से बुन जो वो कसब करते व माँ खलकन समावाते वालारजा नहीं पैदा किया हमने असमान को बालारजा और ज़मीन को बहन हो माँ जो कुछ इन दोनों के माँ बने बिल्ला के हक़ हाँ को जहर करने के लिए वह इन साहब ऐसे क्या मतला तने वाली है फसफ फसफ ही सफ़ल जमील पसदर गुजर कर मेरा प्य पसदर गुजर कर अच्छी तरह काम नाकार इन्ना रब्बा का बेशक रबते रहो बल खल्लाकलीम वो पैदा करने वाला जानने वाला है भाला कदात मसानिया तक एक दिन हमने आपको को सात एत मसानिया बार बार पढ़ी जाने वाली वालीम यानी कुरान, यानि कुरान इस वाओ को वह तफसरिया बना दो सात एत दी बार बार पढ़ यानी क़ुरान अजीम दिया क्योंकि सूरात फातिया को क़ुरान भी कहा जाता है और इसको पूरे कुरान की माँ भी कहा जाता है या सूरत फातिहा बार बार पढ़ी जाने वाली सात रहते है हैं उसके कुरान अज़ीम यानी कुरान अज़ीम दिया ला तमन आए ना फिरे आँखें तेरी अला उस तरह महामता आना भी जो नफ़ा दिया हमने साथ उसकी अजवा जमिनोम जोड़े जोड़े उनसे वला तोजन अल एम ना तो गम कर उन पर वाफिस जना का झुका दे अपने दोनों कंधे लमनी न मोमिनु के लिए मेरा पैमान वकुल कह दे इन्नी अन मुबीन बेशक मैं तो साफ डराने वाला हूँ कबा अनना जैसा उतारा हमने होता से मीना बांटने वालों पर जो बनाते हैं कुरान को टुकड़े टुकड़े लोग क्या करते थे आपस में कसमें उठाते थे और टुकड़े टुकड़े क्या कहते थे सूरत मैदा तू ले लेगा दस्तर खान वाली सूरत अच्छा ठीक है बस बकरा गाय मैं ले लूँगा अनकबूत फिर तू ले लेना मकड़ी के मेल का तू है तू ले लेना बस ठीक है जी सूरत निशा ठीक है जी औरतें तू ले लेना कुरान की आयत के इस तरह मजाक करते थे और तकसीम करते थे सूरत आपस के माबे अल्लाह ने कहा मेरा प्यमर ग ये जो बाँटने वाले हैं ना अल्लाजी नजालनाजीन वो लोग जो बनाते हैं कुरान को टुकड़े टुकड़े फावा रबे का बस मुझे तेरे रब की कसम अपनी ज़ात की कसम खाई अल्लाह ने लोम अजमैन ज़रूर बा ज़रूर पूछूंगा मैं इन सब से पूछूंगा इन सब से क्या पूछेगा अल्लाह तू पूछेगा तो क्या पूछेगा अल्लाह ने यह नहीं बताया यानी हर बात इनसे पूछूंगा रसूल के बारे में बात की तब पूछूंगा, क़ुरान के बारे में बात की तब पूछूंगा, और इन्होंने मसल तुहद के बारे में बात की तब इनसे पूछूंगा, जिस किस्म की इन्हें बात की मैं इनसे पूछूं ज़रूर पूछूंगा कि कैसे तुम कुरान के बारे में टुकड़े टुकड़े करते हो और मेरे पैगंबर को कैसे मजनून सैर दीवाना कहते थे मैं इनसे पूछूँगा ज़रूर अब देखो अल्लाह वो लोग जो बनाते कुरान को जीना टुकड़े टुकड़े कुरान को बनाते हैं तो आप जो तवीदी भी ये सूरत फ़लाँ के लिए ये फ़लाँ चीज़ के लिए ये फ़लाँ चीज़ के लिए लिख लिख के टुकड़े बना रहे हैं ये भी उन्हीं वाले हर बात अजरक़ात कर रहा है इससे भी अल्लाह ज़रूर पूछेगा अम्मा कानू या अमलों उस चीज़ के बारे में जो वो अमल करते रहे फसद बिमा तो खोल खोल के बयान कर मसला तुमरा पेमल फसद खोल के बयान कर बिमा तो मर जो तो कुम किया गया है, मसले तो ईद को वारशरक़े और एराज कर तो मुशरक़ों से उनका गम न कर इन्ना कफिन कल मुस्ताजीन बेशक हम काफ़ी हैं तुझे मजाक करने वालों में से ये पाँच आदमी थे जो अल्लाह के रसूल से आकर मज़ाक करते थे ऊपर ठट्ठे करते थे लोगों को रोकते थे और चौबीस घंटे आप के पीछे मजाक ही किया करते थे बस हम काफ़ी हैं उनको मजाक करने वालों में हम काफ़ी हैं मज़ाक करने वाले जो हैं उनको ज़रूर हम हिसाब लेंगे उनसे अल्लाजीना या जालू न मोल यही है मेरे वर्क थोड़े ठीक नहीं है अल्लाजीन वो लोग या माल्ला है जो मनाते हैं साथ अल्लाह के ला आखर दूसरा इलाम अल्लाह के साथ और बनाते हैं आज का मुशरक क्या कहते हैं मुशरक़ी ने मक्का मुशरक था वो अल्लाह को लला मानता था और उनको अलीदा लला मानता था अल्लाह कहते हैं नहीं अल्लाह को लला मानता था उनको भी साथ लला मानता था लिहाजा हम नहीं हम तो अल्लाह को भी मानते हैं उनको भी साथ मानते हैं हालांकि ये बात झूठ है अल्लाह को भी मानता था मुशरे के मका साथ और को भी मुश्किल खुशा मानता था आखिर फसु फ़ैयामो अन करीब जान लेंगे वो वाला कदनालो तकीगा हम जानते हैं अन्ना का यजी को सदरों का बेशक तंग होता है तेरा सीना तभी तौर तो पर बीमार यकूल उन जो वो कहते रहते हैं शायर मजनून दीवाना मसूर जो जो बातें करते हैं आपका दिल तंग होता है मेरा पैमर आ तुझे इलाज बताऊँ मैं ऐ दिल तंगो तो इलाज बताते हैं आपको हाँ केरा इलाज अल्लाह बता इलाज फसब्बे बेहमदे रबे का पाक पाकि बयान किया कर तो अपने रब की तारीफ के साथ विन साज दीन हो जाया कर सजदे करने वालों में तीन इलाज पहले पाकि बयान किया कर अल्लाह की तरीफ़ किया कर तीसरे नंबर पर सजदे किया कर नमाज के अंदर लग गया कर अल्लाह के रसूल के ऊपर कोई ऐसी परेशानी आ जाती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज़ में चले जाते नमाज़ पढ़ते थे हमारे ऊपर परेशानी आ जाए तो मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं है खुदा का अजाब नहीं आएगा तो और क्या आएगा तैयार रहे ये कौम किसी वक़्त भी अजाब आ सकता है बस इलाज अल्लाह बता रहा है मेरी पाकि बयान कर तरीफ़ कर और नमाज़ें पढ़ फ सब्बे पाकि बयान कर तो बेहमदे रबे का तो अपने रब की तरीफ के साथ वक़ुम न साज दीन हो जा तो सजे करने वालों में से वाह इबादत करता रहे मेरा पैमार रबा का तो अपने रब की इबादत करता रहे हता यहाँ तक यकल यकीन आ जाए तेरे पास मौत यकीन बमाना मौत जा जा जा। मौत यहाँ तक तुझे मौत आ जाए मौत तक इबादत कर जब मौत आ गई इबादत वाला काम ख़त्म इबादत सिर्फ मौत तक। <coughs> बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अमर फला तस्ता हो। होम अजाब मांगते थे अजाब चलो आ गया अब अजाब तैयार रहो तैयार रहो अजाब आ चुका है अता आ गया अल्लाह का कॉम फला जिलू मत तुम जल्दी करो उसको सुबह ना कहो वुलंद अम्मा युषरे को उससे जिनको शरीक करते हैं यु नजिलमलाता बिर्रू उतरता है वो मलका को बिर्रू सात रू के रू ब मसला है तुद मसला तुद को रूह कहा गया जिसके लिए जिसम की हयात के लिए रू शर्त है इसलिए ईमान की हयात रू मसला तुद है अगर मसला तुद है तो ईमान है रू मसला तुद नहीं है तो ईमान मुर्दा है ईमान है भी नहीं बे रू मसला तुद के साथ में न उसके हुक्म से अला अपने हुक्म से अला में यशा उस पर जिस पर चाहता है मैंने ही अपने बंदों में से आना नजरू के है वो अन्ना बेशक ला एला नहीं है कोई ला अला मगर मायूं मुझसे डरते रहो को शिरफर छोड़ दो खला का समा वात वाला पैदा किया को ज़मीन बिल हक के हक को जहर करने के लिए ले जा लेला बुला दो बमा युशरे कौन उन अस्थियों से जिनको वो शरीक करते हैं खलाक इंसान पैदा किया अल्लाह ने इंसान को बिन लुफ़ा तेने एक कतरे से फायदा हो वसीम व मुबीन अचानक वो झगड़ा लू बढ़ जाता है बड़ा शरीर फिर लड़ने लग जाता है अल्लाह की तौहीद में वाला नाम और चुपए खलक पैदा किया उनको लकुम तुम्हारे लिए फ़िहा उन चुपायों में दिफम व मुनाफुम गर्मी के भी असबाब हैं नफ़े और भी ज़्यादा व मेना और उनमें से ताकुल तुम गोश्त भी खाते हो वाला कोमर तुम्हारे लिए फिया उसमें जमाल उन खूबसूरतियाँ भी हैं न तुरी हूँ न वही न तो तस हूँ जिस वक़्त तुम चरा कर वापस लेते हो न जिस वक़्त चराने ले जाते हो जरा देखो हक बनता था ना कि बात इस तरह होती जब आप चलाने ले जाते हैं फिर वापस ले आते हैं। पहले चराने लाया जाता है ना फिर जानवर वापस आता है लेकिन अल्लाह ने कहा तुरी जब तुम चरा कर वापस लेके आते उनको चराने ले जाते हो तो ये ही ना होता ना की जगह तुरी होता तसरा ना की जगह लेकिन अल्लाह ने चरा कर ले आने का तस्करा पहले किया चरा कर चराने ले जाने का तस्करा बाद में किया क्यों जब जानवर खड़े होते हैं ना गाय भैंसे बकरियाँ सुबह जब उठते हैं तो कुल उनके ऊपर अपनी गोबर लगी होती है साफ सुथरे नहीं होते उस वक़्त बाड़े लग रहे होते हैं पेट उनके खाली होते हैं हड्डियाँ निकली हुई होती हैं फिर जब शामी वापस आते हैं तो पेट उनके इतने फुल होते हैं और जिसम भी साफ चमक रहा होता है उस वक्त जब इतने खूबसूरत जाते टाइम नजर नहीं आते जितने खूबसूरत आते टाइम नजर आते हैं मिसाल के तौर तो आप देखो माँ रमज़ान है आप अपने पेट को देखेंगे तो बेचारा कुर कुर कर रहा होगा है खाली होगा कुछ अब इतनी इतनी, इतनी खूबसूरती नहीं है जब माशाल्लाह इफ्तारी करेगा ना गैलन पानी का डालेगा इस पर मेवे जात ही डालेगा फिर इसकी खूबसूरती मजीद तरताज़ ताजगी होगी है तो अब भी कोड़ा नहीं है खूबसूरत है लेकिन उस वक्त खूबसूरती ज़्यादा होगी तो उस वक़्त माल के अंदर खूबसूरती ज़्यादा है मकाम है मदा का इसकी अल्लाह ने खूबसूरती वाली जगह पहले बयान कर दी जिसमें खूबसूरती ज़्यादा थी और यह भी अमून चक्कर हर को एक कोई हर चीज़ के साथ प्यार तो ज़रूर होता है लेकिन जो माल वाला चरावा होता है इसको माल के अंदर बड़ा प्यार होता है अगर माल इसका बुखा रह जाए तो ये रात को नींद नहीं आती बेचारे को जब इसका माल भूखा होगा ये टाइम से नहीं आएगा जानवर को अंधेरा हो जाएगा फिर लेके आएगा जब तक किसी की फसल में भी छोड़ना पड़ेगा छोड़ देगा जब तक रजेंगे नहीं वो पेट भरेंगे नहीं उस वक़्त तक ये घर नहीं आता जब इसके जानवर राज जाएंगे फिर उस वक़्त अंधेरे में आ जाएगा अगर इसके जानवर टाइम से पेट भर ले तो ये अभी तक मगरब से पहले पहले आ जाता है घर के अंदर उस टाइम तो कौन चरावा भी बड़ा मस्ती में होता है पता नहीं आपने कभी बकरियां चराइया जमा वकुम फिया जमा अभी ले लो तुम्हारे लिए उसमें हैं ही न तुरी ना जिस वक़्त तुम चरा कर वापस ले आते हो वही न तस्रा जिस कर चराने ले जाते हो वता मिलवास का उठाते हैं बोझ तुम्हारे ला बल दे शहरों की तरफ लम तकून उ नहीं हो तुम शहरों तक पहुंचने वाले अपने सामान को ले जाने वाले इला बे शिकिल अनफो से मगर जान की तकलीफ शिक है चेंग चेंग के हम कहते हैं चेंग चेंग के हर गया और मैं मर गया बड़ी मुशक्क़त नाल पहुंचता, लेकिन जानवर है ऊपर बार भी लाद लेता है घोड़े घोड़े ऊँट गद्दे के ऊपर आप भी चढ़ बैठता है टह एक तरफ पाऊँ कार लेता है फिर एक हाथ कान के ऊपर थे फिर पता नहीं खुदा जानते क्या क्या, क्या कह जा रहा था है ये जाट इंसान बहुत चीजें इसलिए तुम तो पहुंचने वाले नहीं थे मगर मुशक्कत के इन इसल के रसूल फरमाया कि सवारियों को मिंबर ना बनाओ बाद लोग गद्दे के ऊपर चढ़े रहते हैं और रोक लिया दूसरे के साथ बातें करते रहे बैठा गद्दे के रिया इसी तरह घोड़े के ऊपर बैठा रहा एक आदमी नीचे ये बातें कर घंटा घंटा घोड़ा खड़ा ये ऊपर चढ़ा बैठा इस तरह ना करो मेम्बर ना बनाओ बात करनी है अगर देर है तुमको तो ऊपर नीचे उतर जाओ इसको बांधो बिल्कुल सारे दिन बातें करते रहो लेकिन मम्बर ना बनाओ इनको इन न रब्बा कोम तुम्हारा शकर रऊफ और रहीम शफकत करने वाला है रहीम बड़ा मेहरबान है मैं मोटरसाइकिल का नहीं कहा मोटरसाइकिल में तो रूह नहीं है ना उसको तकलीफ नहीं होती कल से ऐसे नहीं दो मिनट रुकना पड़े मोटरसाइकिल आप घोड़ी लगा दें भाई ठीक है यार इसको में नहीं रही बना वैसे इत्याती पहलू अपना लें गर्मी के अंदर अलहेदा बात है वरना ये बात नहीं है लम्बर रही क्योंकि हर बात मुझे एक शक पड़ जाता है पता नहीं यह बात किसी कोई कमज़ोर भी होते हैं ना कोई इस तरफ ना चला जाए इन रब्बा को बेशकर अब तुम्हारा लरूफुर रहीम एक किसी काने को किसी किसी बंदे ने कहा था कि जो बंदा काना हो ना उसको एक की दो चीज़ें नज़र आती हैं काना साथ था जो आँख से एक काना था उसने कहा यार ये चीज़ें तो दो हैं मुझे चार क्यों नहीं नज़र आ रहे <laughs> उसने कहा कि एक की काने को दो नज़र आती है उसने कहा यार चीज़ें तो ये दो हैं काना खड़ा था साथ चीज़ें तो ये दे है, दो है, लेकिन मुझे चार नज़र क्यों नहीं आ रही चीज़ तो एक थी ना दो नज़र आ रही थी हाँ इस, इसलिए वल खेला घोड़े वल और खच्चर वल हमीर और गद्दे ले तर तुम के तुम तो उसको हो वह जीनाता और जीनत है अल्लाह कहता है ये तुम्हारी जीनते हैं आज कौन मुल्ला है जो इसके गद्दे के ऊपर चढ़े आए है, हैं जीनते इसमें कोई शर्मसारी वाली बात नहीं भाई यख पैदा करता रहेगा अल्ला मालाता जो तुम नहीं जानते चाहे किसी जरिए से भी आज देखो पैदा करने लुए को भी उड़वा दिया वाल अल्लाह की उमर सबील सीधा रहा है हमें अमीना उसमें से जाए उन टेढ़े भी हैं वाला उशा अगर चाहता ललहदा तुम को मजमा साहब तुम्हें तुम सबको ही दे दे देते ओ वल है जला मीन समाज जिसने उतारा आसमान से मान पानी लकुम तुम्हारे मीनू शराब उन उससे पीना भी है अमीन उससे शजर उन फी है दराखते है उसमें तो सीमोना जो तुम उनको पिलाते हो जो तुम चराते हो जानवर को युबे तो लकम उगाते हो तुम्हारे लिए ज़मीन से उसके साथ ज़रा खेतियाँ व जैतून और जैतून व नख़ील और खजूर अंगूर वाल आ नाब और अंगूर मिन कुल समरात नर के जम के पाल इन नफीजा ले का बेशक इसमें ला यतल ले कौम या तफक कर उन गौर फिक्र करने वाले कौम के निशान बस सखर को मिला वो सखर कर दिया तुम्हारे लिए रात को व नारा दिन को व शाम सवाल कामरा सूर चांद को वजूमा और सितारों को मुसखर आ तुम बे अमर ही सारे उसके हुक्म के तहत चल रहे हैं इन नफीजा ले कला आ जाते बेशक इसमें भी तुम्हारे लिए तो ही ईद की कौम जो पैदा किया तुम्हारे लिए फ़मी उनकी विकर करने वाली कौम के लिए होल्लात शखर अलबारा जिसने मुसखर किया दरिया को ले तुम खाओ तुमसे लहमन तरिया गोश्त ताज़ा व तस्तख रिजू मिन तुम निकालते हो सहेलिया तनसे व तलबसूना तुम पहनते हो व तरल तलब हाँ तुम पहनते हो उसको मर्द औरतें मर्द जेवर पहनते पें, हैं हाँ कुछ हैं जो मर्द भी पहन लेते हैं वातर अलफुल का तो देखते हैं कश्ती को मवा देखते हैं है कशब आया ये मुंद्री के चलती है ना बास अंगूठी की बाँ तो वो कहता है अगर पहननी है तो फिर अंगूठी का जो नगीना है ना ये मर्द अंदर दे बैर जहर ना करें इसमें ज़्यादा एहतियात है तो देखता है कैश को मवा के फाड़ कर चलने वाले होते हैं दरिया में वाले तब तक हो फजल है ताकि तलाश करो तुम उसके फ़जल से रोज़ियों से ये मर्दों की बात है औरतों की नहीं अंगूठियों का नकीन अंदर देना लाल लक तश तक तुम शुक्र अदा करो वाल का है डाल दिया ज़मीन में रवासिया पहाड़ान तमीदा बेकुम कि लाल न बैठे तुमको बनहार और रास्ते लाल उन तक तुम मकसूद तक पहुँच जाओ और भी बहुत बड़ी बड़ी अलामत हैं और सितारों के साथ भी हम वो रस्ते को पा लेते हैं अफाम अख्लोक कमल्ला यख्लोक आया एक वो ज़ात है जिसने पैदा किया इनको एक वो चीज़ है एक वो शहर कमल्ला यखलोक जो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकता क्या दोनों बराबर हो सकते हैं कभी बराबर नहीं हो सकते अफलाजक्कर होना है तुम नसीहत हासिल क्यों नहीं करते व इन ने मत अल्लाए अगर तुम शुमार करना चाहो अल्लाह के नम तो को ला तो तुम उनको शुमार नहीं कर सकते इन अल्लाह बेश लफ़ोर बख्शने वाला रही बड़ा मेहरबान है वल्ला को या लमो अल्लाह जानता है माँ तो कोई तुम जहर करते हो माँ तुर रो न जो कोई तुम छुपाते हो माँ तो कोई तुम जहर करते हो वल्लिन यदो निंद वो जिनको वो पुकारते हैं अल्लाह के अलावा ला युको न शैया नहीं पैदा कर सकते वो कोई चीज़ हो शैया है मादा तमाम है ता, ता नफ़ी दाखिल है वो कई शई पैदा नहीं कर सकते जैसे दरवाज़ा बंद कर दो सुबह सूरज निकल रहा हो शुआ आते हैं उससे ज़र उतर निकल रहे होते जहर नज़र तो उस ज़रा भी वो पैदा नहीं कर सकते ला यखलकून अशै नहीं पैदा कर सकते वह ज़रा भी वहम युखला कून और वह खुद पैदा किए गए अमवातन मुर्दाएँ गैर वो, वो जिंदा नहीं है देखो अल्लाह को पता था अल्लाह जब मुर्दा कह दिया जिंदा ना कहने का क्या मतलब अल्लाह को पता था बाद में आएंगे ऐसे लोग भी जो मुर्दे को कहेंगे जिंदा इसलिए मैं पहले कह दे तो जिंदा नहीं है अमवातन मुर्द वो गैर जिंदा नहीं है वो हम और नहीं शोर रखते वो अयाना युबास कब उठाए जाएंगे वो उनको तो अपने उठाए जाने का भी पता नहीं है फिर तुम्हारे इलाके से हम इलाम लोगों मसला सिर्फ एक है इला तुम्हारा इला फ जीना पस वो लोग ईमान नहीं रखते आखर पारूबे करने वाले हैं। वो मगरूरी में आकर ला जरा माँ पक्की बात है अनह का बेशक अल्लाम जानता है माँ यू सिर जो कुछ वो छुपाते हैं वह माँ यूँ जो कुछ वो जहर करते हैं इन नो ला नहीं पसंद करता जाए उनके लिए माजा अनजाला रब क्या चीज उतारी तुम्हारे राम कालो कहते हैं साथी रवली वो तो किसे कहानियां पहले लोगों के ले मिलो अवजार ताकि उठाएँ वो अपने बोझों को काम ल तन मकम्मल यूमलियामत क्यामत के दिन मिन अवजारज़ीना और कुछ बोझ उन लोगों के भी युजिल्लु जिनको उन्होंने गुमराह किया था बगैर इलमिन बगैर दलील के अला ख़बरदार सा ये ऐसी जगह जहाँ इलम आ जना बग़ैर दलील वहाँ से दलील बमाना अकली होती है नकली तो अपनी जगह अक्ल भी तस्लीम नहीं करता अल्लाह खबरदार है या जो साझ उठाएंगे वो ये गुमराह करने का जो बोझ है वो उठाएंगे वरना अपना अपना बोझ हर कोई उठाएगा कदम अकर कहते हैं ना कि अगर एक की नेकी दूसरे को पहुंचते तो एक का गुनाह भी दूसरे को पहुंचे तो पहुंचता है कुरान की नी है एक की नेकी दूसरे को पहुंचती है तो एक दूसरे को गुनाह भी पहुंचे कुरान किन्ना से कथी है गुनाह पहुंचता है कैसे एक बंदा गुबराह करता है एक शख्स को गलत रास्ता दिखाता है तो ये जो गलत रास्ता इसने दिखाया है गलत रास्ते दिखाने वाले कोई गलत रास्ता दिखाया है जो है ये गलत रास्ता दिखाने वाला जो है इसको सजा मिलेगी बोझ हारे के मिसाल के तौर पर एक बंदा है उसका अपना बोझ है मेरा अपना बोझ है अब अल्लाह ना करे मैं उसको गलत रास्ता दिखाऊं तो मैंने जो गलत रास्ता दिखाया इसका बोझ मुझे उठाना पड़ेगा मैं उसका सबब बनाऊं गुबराई का हाँ मैं अब एक बंदा है मैं बयान कर रहा हूँ कुरान बता रहा हूँ उसने उस आयतों को सुना और मसला अपना नज़रिया ठीक कर लिया अब जो ये मैं सबब बनाऊँ इसकी अल्लाह मुझे नेकी भी जरूर देगा ये है जिस तरह नेकी नेकी पहुंचती है तो ऐसी गुमराही गुमराही भी अब उसका बन जाते है अजाब बोझ उठाता है कौन कहता है दूसरे का बोझ नहीं उठाता लेकिन उसके ये सबब बनने का बोझ अला ताकि उठाएँ बोझ उनका कामिल क्या दिन कुछ बोझ उनसे जो गुमराह किया उन्होंने उनको बग़ैर में बग़ैर दलील के अला खबरदार सा आबरा माँ या से रोन जो बोझ उठाएँगे कद मकर में कबल तखवीफ दुनिया भी तक एक मकर क्या उन लोगों ने जो इनसे पहले थे फातल बुन याद पस आया अल्लाह उनकी इमारतों को ये समराए जो उन्होंने गलत तदबीरें की थी उनका नतीजा क्या निकला आया अल्ला उनकी इमारतों को मैन क़ायदे बुनियादों से फर्रा अलहमसफो गिर पड़ी उनके ऊपर छत्ते मेन फो केम ओ पर से व आता व आता हो मोलाजाब हो आया उनको अजाब में है सो इस जगह से ला या शोर जहाँ वो शूर भी नहीं रखते थे यहाँ खर्रा है ना खर्रालाफ हो छतें गिर पड़ी अब एक नवा असलाह निकली है जी जहाँ खर्रा या खर्र हो ना तो वहाँ बंदा जिंदा होता है जैसे मूं खर्रा मूसा और जब अल्लाह ने कोई तूर पर तजली डाली थी मूसा गिर पड़ा खर्रा मूसा देखो जी मूसा गिरा तो उसमें हयात थी मलूम हो गिर जाए सलेमान गिरा तो उसमें भी हयात थी तो लिहाजा जहाँ खर्रा या खरों का बाप आ जाए वहाँ हयात होती है तो यहाँ क्या कहोगे छतें गिरी पड़ी थी ऊपर दीवारें पे तो इनके अंदर हयात थी पूरा जूठा कानून रत्ती भर भी, भी नहीं है कई कानून भी नहीं है कि खरा य बाब आए तो उसमें हयात होती है सब बकवास है अपनी तरफ से गड़ा जुड़ा हुआ है यहाँ जो आ रहा है फिर अल्लाह कह रहा है खर्रा लक्फो गिरी पड़ी थी उनके ऊपर छतें मिन फो के उनके ऊपर से पहले छत गिरी थी ऊपर दीवारें गिरी पड़ी थी क्या फिर छत जिंदा थी दीवारें जिंदा थी सिर्फ अपनी तरफ से कानून बना के अवाम को गुमराह करना है सोमा या उमल किया फिर दिन के आमत हम युकम करेगा अल्लाह उनको भाई यकूलो और रसोई का तरीका क्या होगा कहेगा न शुरह जीना है शरीक मेरे अल्ला जीन वो कौन तुम तो शाकू न फीम जिनके बारे में तुम मुखालफत करते रहते हो मेरी तशाकू न मुखालफत करते रहते फीम उनके बारे में तुम तो मुखालफत करते थे

बेशक रसवई है आज के दिन पूरी पूरी आज पूरी जिलत है आज के दिन वसूल और बुरा अजाब काफरों पर पर बुरा है अल्लाजी ये अल्लाजीना जो ततावल मलाय का तो जब रू निकालेंगे मलाय शेर को कुफर वाले जब मरेंगे ना शिरकुफ करने वालों की जब मलैका रूह निकालेंगे वो लोग रूह निकालेंगे उनके मलय जालियानफसेम जो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे मुशर काफरों की जब मलयका रूह निकालने आएंगे आगे से मुशरे क्या कहेंगे फालका व वो माँ डालेंगे व्यवकुना उस वक़्त मलये आए ना शुर अल्लाह के शरीक कहाँ हैं आज बुलाओ उनको हम तुम्हारी रूह निकाल रहे हैं ज़रा वो रूह कोल्टाएं वो कहेंगे बादशाह हैं थाप मरे से नहीं। यदरे बूना वजूआ ओम लुदे पठे उन तक बीतना करें दरा नौ नकमल करदामी बुरे तब मैं कीते कोई नहीं देखो देखो फाल का वो फालका डालेंगे से सुल्ला का पैगाम क्या कहेंगे माँ को ना मलो मिनसून हम तो बुरे अमल करते फिर मारेंगे चमाट तू कल कुल खानी नहीं की थी अगू झूठ बोल दें तो मैं कीते कोई अमल कोई नहीं मैं बुरे कोई नहीं कीते यजरे मार से विषे थे आगे वो झूठ बोलेंगे हमने गुनाहला काम किया ही नहीं था शेर को जानते ही नहीं है ला हाँ हा, हमें पता है वहां से क्या करते हैं उसके चमाटा मार मार के मुंह सुजा के रख देते हैं उसकी पुष्ट तो सूझ जाती है हाँ, हाँ आगे से कहते मैंने बुरा माल नहीं किया था क्यों ने बुरा माल किया था तो उन्हें आप देखो अलमलाए का जमा है ये जो कहते हैं कि रूह निकालने रूह निकालने वाला एक अरज़ाइल है तो वो पूरी दुनिया का रूह निकाल सकता है एक वक्त में रसूल की तो शान भी ज़्यादा है हर जगह नहीं हाजिर नाजिर हो सकता मलैका हो सकता है और एक नहीं मलैका कई है जो रूह निकालने वाले हैं सबसे बड़ा जो हैड है सरदार है वो अर्जील है बाकी सारे महता है उसके मलाका टालेगा सुल्ला का पेगाम सुल्ला कर लेते हैं जी आराम ना निकालो साढ़ी रूह आराम ना नजुन दिक्कत सूरा तू उड़ता क्या करता रहा है आराम आराम कोना माँ कोना नाम सोए एन हम बुरे अमल नहीं किया करते थे हम तो नेकी कर अब पता है हमें जो तू नेकी करता था देगा चट्टू भला क्यों नहीं इन बेषक अली जानने वाला है बिमा कौन तुम तामल जो कोई तुम अमल करते रहे फादु खोलू अब वहनम फादु खोलू रू निकालेंगे फौरन कहेंगे दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों में से फ़ौर रू निकली और जन्म क्या क्या काफिर मुशरे को में दाखिल कर दिया रू जिसम इधर पड़ा है लोग उठाए हुए हैं लेकिन रूह उसकी जन्नत में जन्नम में पहुंच चुके हैं <laughs> फादो खोलो अब वाह दाखिल हो जाओ तुम अब वाबा जन्नम जहनम के दरवाज़ों को खौल दीना फ़िया हमेशा रहने वाले होंगे इसमें फल अब समस वलम तकबेन पसबुरा ठिकाना तकबर करने वालों का वकील लजीना अब मवैदों की बारी आ गया, गया। कीला जाएगा लजीना उन लोगों के लिए इत्ता का जो बचते रहे शिरक से माजा अंजल रब्बो कौम क्या <णत्ति> <णति> नाजिर किया तुम्हारे रब ने कहने लगे खैरन बड़ी बरकत की चीज लिल्ली नासन फी हाजिर दुनिया बेशक अच्छाई होगी बेशक बेश उन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छाई की इस दुनिया की जिंदगी में हादसा न त उनके लिए अच्छाई होगी वाला आखिरत और आखरत का घर खैर उन बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा वाला ने मार्तकीन वाह वाह घर है मुत्तिन का जन्ना तो आदन हमेशा के भागोगे यद लो यदलू दाखिल होंगे वो उसमें तजरी चल रही होंगी मिनता नीचे उसके नरे लॉन्फिया उनके लिए जन्नत में भाईशा जो चाहेंगे वही कुछ मिलेगा कसाल का इसी तरह यजिल्ल गुलम्तिन अल्लाह बदला देता है मत्तकीन अल्लाजीन तवा गलमलायकतो यह अब उनका तस्करा है मवैदों की रूह का जो मोमिन है मलिका जब उनकी रूह निकालते हैं तो सलामतियाँ पेश करते हैं अस्सलाम अस्सलाम असल शाला जिंदे रहो आबाद रहो खुश शादाब रहो यकूलूना लो नाम मलाइका तो वो लोग ये बेद ले रही है ये एते इस बात की कती दलील है कि जब मौत का वक्त आता है रूह निकाली जाती है बदन के अंदर नहीं रहती क़ुरान की नस से कती हैं अल्ला दीन रू निकालते हैं उनकी मलाइका का जो पाक होते हैं शिरक से मुवैदों की जब रू निकालते हैं यकूलूना फ़रिश्ते कहते हैं उस वक़्त असलैकम सलामती हो तुम पर उद खल जन्नत आ दाखिल हो जाओ जन्नत में बिमा कौन तुम ता बस अब उसके जो तुम अमल करते रह हल यो नहीं इंतज़ार करेंगे वो नहीं इंतज़ार ये दोनों दुनयवी है नहीं इंतज़ार करते मुशरक मगर ये क्या अंत तामुलमलाय का तो आ जाए उनके सामने मौत के मलये का औ या तरबे का या आज हुकुम तेरे रब का क्यामत वाला क़ाल का इसी तरह फ़ाल लजीना किया उन लोगों ने क़ाल का फालना इसी तरह फेल क्या उन लोगों ने जो मिन कबले मिम से पहले था ममास नहीं म किया उनको अल्लाह ने वला किन कानू लेकिन थे अनफम अपनी जानों पर जजल मोन खुद ुलम करने वाले फा शाब सयात पहुँची उनको बुरिया माँ अमिलू जो वमल करते रहे वहा कबेम और उत्तर पड़े उनके साथ वबाल माँ कानू भी यस्ताज उन जिसके साथ वो मज़ाक करते थे काल का उन ये शिकवा का जिन्होंने शर जिन किया लाओ शाहौ अगर अल्लाह चाहता तो माँ आबदना नाम इबादत करते मिंदू नहीं अल्लाह के सिवा मिनशन किसी की भी ना नो ना हम वाला आबाओ ना नारे वाला हर्रम ना और ना आराम करार देते मिंदू नहीं उसके सिवा मिनशीन कोई चीज कजाल कफाल का, का इस तरह उन लोगों ने मिन कबल जोन से पहले थे अल अल रसूल रसूले नहीं है रसूलों पर ललबला गुली मगर साफ साफ पुजा देना <laughs> वाल कद बस न फी खुले उम्मत ताकि तकी बेजाम हर उम्मत में रसूल आने एक रसूल अने की इबादत करो तुम अल्लाह की वज तन बतागुत बचते रहो तागूतों की इबादत से फिम वम बस बाजे तो उनमें से वो थे मन अल्लाह जिनको हिदायत दी अल्लाह ने ममी नुम बाज़े उनमें से वो थे मन वक्का सला जिनके बस सबित हो गई गुमराई फसीरु फिलारे चलो ज़मीन में फनज रहो पर देखो कहीं फकाना के बतलमुका ज़बीन कैसे अनजाम हुआ जुठलाने वाले त हरीस अल्ला हदाय अगर मेरा पैगम्बर तू हरीस हो उनकी हिदायत पर तो फ़ैनल्ला पर शिकल्ला मई युजुल्ल जैसे गुमराह नफ़ीया नबीसम से मुख्तियार खोल की तू हरीस होता है सब मुसलमान हो जाए लेकिन मैं अल्लाह कहता तो हूँ मैं हिदायत नहीं देता उनको ये नफ़ी हो गए खोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तियार खोल नहीं है अगर तू हरीस होता है मेरा पैराम अलाुदायम इनकी हिदायत क्यों बार तो सुन ले फ़ैन ला बेश मेरा पैगम्बर ला यादी नहीं हिदय देता अल्लाह मैं युजिल्लो जिसे को मरा कर एम ममां से उनके मासरी मदद करने के लिए अब तू अगर हरीस हो उनकी हिदायत पर तो क्या इसकी जजा निकली ला तक दरो अला जाले का। तू ही दे देने पर कादिर नहीं है ये नफ़ी हो गई आप मुख्तियारख्तियारे कल नहीं बकसम ऊँ बिल्ला कसमें उठाते हैं अल्लाह की ज्यादा ऐमान मजबूत कसम कैसी कसम किस चीज़ के ऊपर कसमें उठाते थे कसमें ये उठाते थे कि ला या बाईत नहीं उठाएगा अल्लाह जो मर गए अल्लाह मुर्दे को दोबारा जिंदा नहीं करेगा भला क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं उठाएगा वादा लक्का वादा उस पर सच्चा है भला किन्ना अक्सर अन्ना से लेकिन अक्सर लोग ला या ला मुन वो जानते नहीं है ला युब भ नज़ि ज़रूर ज़हर हो जाएगा वैसे उनके जो इख्लाफ़ करते हैं फी जिसमें वालमलि काफ़र हो जान लेंगे वो लोग जो काफ़िर हैं अननाम कानू का ज़िबिन बेशक वो झूठ बोलने वाले थे इन न मकोलो न लशैन बेशक हमारी बात जब किसी चीज़ के लिए करते हैं तो इज़ा अरदना हो जब इरादा करते हैं हम किसी चीज़ के लिए अन नकूल हम कहते हैं उस चीज़ के लिए कौन हो जा कौन पस हो जाती है ये बता चुका था अल्लाह कहता है जिस चीज़ के बारे में कहते हैं हो जा हो जाती है तो बच्चा तो माँ के पेट में नौ माह साल तक रहता है फिर तो दो काम कुछ होते हैं तदरीजन ऐसे ऐसे कुछ होते हैं फिल फोर जो काम होता है फिल फोर वाला वो कौन से फौरन ही हो जाता है जो तदरीजन तदरीजन होता है वो लेट होता है ऐसा ऐसा वल्लीना हाजर हो वो लोग जिन्होंने हिजरत की फिल्लाए अल्लाह के बसबाब अल्लाह के यानी अल्लाह के राम है मेम बाद, बाद उसके माँ ओ जब किया गया जब उन पर म किया गया तो उस वक़्त उन्होंने हिजरात की लानु भव ओम ज़रूर बज़रू ठिकाना देंगे हम उनको फिर दुनिया दुनिया में भी हादसा नातान साफ़ सुथरा तय्य बलजर आखरत अजर आखरात का अखबार बहुत बड़ा है लवकन काश के वो जानते अल्लाजीन शबारु वो लोग जिन्होंने सबर कियाला रब अपने पर या तो उम्मीदें रखने वाले अल्लाह पा और नहीं भेजे हमने आपसे पहले कोई रसूल मेरा पैगामजा बगर सिरफ़ सारे मर्द थे नू ही इलेम हमने वही की थी उनकी तरफ फसल जिक्रे इनको तुम ला तम पूछ लो तुम आले अल पूछ लो आले जिक्र से अगर तुम नहीं जानते एल इलम पूछ ले उनसे ला एल इलम जो जानते नहीं है वो एल इलम से पूछ ले एक होता है ना एल इलम एक है ला इलम ला एल इलम एक है जानने वाला एक है न जान जो जानते नहीं हैं वो जानने वाले से पूछ के अमल करे फस आलो पूछ लो तुम अलेक्र जिक्र अल किताब से इन को तुम ला अगर तुम नहीं जानते ये तकलीद पर दलील है कि तकलीद भी इसी का नाम है कि गैर रसूल से इतबाह रसूल में गैर रसूल की इतबाह रसूल में बात मानकर उस पर अमल किया जाए इसी का नाम तकलीद है यानी जो बंदा एक बात से जहल है जानता नहीं है वो जानने वाले से पूछ ले पूछ के उस बात को बरामल अमल करे इसका नाम तो है तबाद और इसी का नाम है तकलीद तकलीद का इनकार कुरान के नसूस का इनकार है बिल्बय तवाज दलाल के साथ वो किताब आ कामिल तारीम ने तेरी तरफ़ कुरान ले तो बैनास ताकि बयान करे तो लोगों के लिए माँ अन्य जो कोई नजर किएगी उनकी तरफ मम्म शायद वो फ़िक्र करें अफ आमिन मकर सयात आया अमन में है वह लोग जो बुरे तदबीरें करते रहते हैं इस बात से अमन में है कि यकश अल्लाह

किसी डरा डराने के ऊपर घटाते घटाते किसी डर के ऊपर फ रब्बा का भी झगड़ा अब तेरा लाराउ फ़ोन उनसे करने वाला रही बड़ा मेरा मान अवामो अया देखते नहीं हैं इला उस तरह माख़लक अल्लाह जो पैदा अल्लाह ने मेन शर किसी से या तफ़ैया ओ जिला लो ढलते ऐसा है उनके अया देखता नहीं है आया है, देखते हैं नहीं हैं उस तरफ जो पैदा किया अल्लाह ने मीन शीन किसी चीज़ से जो चीज़ भी अल्लाह ने पैदा किया है या तफैयाओ ढलते हैं सायोस उसके अनिल यमीन व शमाइल अनिल जमीन व शमाइल दें जाने भी बें जाने भी जो चीज़ अल्लाह ने पैदा किया है उनके साए ढलते हैं तो आप देखो जो चीज़ पैदा किया है चाहे वो जी है या गैर जी है उसका साया है आप वसल्लम का साया ज़रूर था जो कहते हैं साया नहीं था वो गलत है अब शमाइल जमा जमा लाए जमीन वायद लाए इसकी क्या बात है जमा तो दोनों ला सकते थे इसलिए कि पीछे जो माँ गुजरी है लफज माँ मुफरत है मानन जमा है मुफरत का लिहाज रखते हुए जमीन लाया गया है और माने का लिहाज रखते हुए शमाय लाया गया सुद्ला सजदा करते हैं अल्लाह के लिए वमदा ख़िर उस अल्लाह के आगे आज़निया करने वाले आए वो सजदा आगे आगे वलिलास जो दो अल्लाह के लिए सजदा है, करते हैं माफ समावत जो कुछ आसमानों में माफ लर्ज जो कुछ ज़मीन में मंद जानवरों से वालमलायत और मलाय ममलायस तक बेरोन और वह तक नहीं करते अल्लाह की इत करते रहते हैं जानवर भी अल्लाह का सजदा करते हैं, हैं। लेकिन मा यिक वो अपनी हालत के मुताबिक करते हैं जो उनकी हालत है खड़े हो के किसी का सजदा है किसी का बैठ के किसी की पेशानी किसी की वैसे सजदा है हर एक अपनी हालत के मुताबिक करता है अल्लाह कहता है जानवर भी सजदा करता है तू इंसान हो के मेरा सजदा नहीं करता कितना दरिंदा है तू दरिंदा भी अल्लाह का सजदा करता है लेकिन तू इंसान खुदा का सजदा नहीं करता हराम खोर तुझे शर्म ही नहीं आती है नमक मुर्दारी खैर अमान का गीत गैरों का गाय या खाफू न रब्बाऊ डरते रहते हैं वो अपने रब से मिनफाओ खेम अपने ओपारू ना करते हैं वो मा मरून जो उनको हुक्म किया जाए अकाल तस््ला ने कहा मत तुम बनाना दो अला इनमा हो वहिला वा एक फ़ैया या फ़राब हो पास खास कर मुझे से डरते रहो वउल के लिए माफी समावत जो कुछ आसमानों में दलील अखलिया बला अर्जो ज़मीन में वहुद्दीन हो उसी के लिए इबादत है वासी बन हमेशा लाजमी अफैर अय आ फ़गैर अल्लाह के अलावा तत्ता कौन तुम डरते हो और अल्लाह के अलावा से तुम डरते रहते हो औरों को पुकारते हो माँ बेकुमिन नहमत नहीं है तुम्हारे पास कोई न माँ बेकोम जो कोई तुम्हारे पास है मिन न चाहे दीनी या, या दुनियावी फ़मिनल्ला सब अल्लाह की तरफ से सुम फिर इजा मस्सको मुर्रो जब पहुँचे तुम्हें कोई तकलीफ फैले तजार उसी की तरफ तुम गिड़गिड़ने लग जाते हो सुम ईज़ा कशफुर्र जब खोल देते तकलीफ़ कौन कम तुम से ईज़ा उस वक़्त फ़रीक़ को मैंने कौम एक फ़रीक़ तुम में से बेरब बेरबे मग साथ यू श्रे कौन और उनको शरीक करने लग जाते है। ले याकफरू तक इनकार करें वो भी माँ उस चीज़ का आते नम जो हमने उनको दी फते मत तस तुम नफ़ा उठा लो फो फ़तः लमोन आन करीब तुम मरते ही जान लोगे भैया जालू न और बनाते ले माँ उन माँ बोधों के लिए ला या उन नसीबा जो नहीं जानते वो किसी हिस्से को मिम्मा उससे जो रजा रजक ना हो हमने रिजक दिया उनको अल्लाह की कसम लतुसअल्ना ज़रूर तुम पूछे जाओगे अम्मा कहा कौन तुम ताफ्तरों जो कोई तुम अल्लाह के ऊपर घड़ते रहे अल्लाह तुमसे ज़रूर पूछेगा भैया जालू ना बनाते अल्लाह के लिए बयानात बेटियां बनाते हैं मुशरक कहते थे ना Okay, ये जो मलका ही अल्लाह की बेटियाँ सुबह न पाक है अल्लाह वालम वस्ते उनके माँ यश तो वो चाहें, भाई जब बुशरा दुम जब खुशखबरी दी जाए उनमें से किसी एक को बिल उनस की जल्ला वज हुयाह हो जाता है चेहरा उसका हो जाता है वज हो मुसवद्दा चेहरा स्याह जिसको खुशखबरी मिली जाए ना बेटी वो तो तेरी पैदा हुई है मुशरक़ बर्दाश्त नहीं करते थे उनका चेहरा स्याह हो जाता घर नहीं आते थे लोग कहेंगे तेरी बेटी पैदा हुई है यह होवा कजीम इस हाल में के गम से भरा होता या फिर गुस्से से भरा होता बेटी क्यों पैदा हुई है गाम से भरा होता बेटी क्यों पैदा हुई है या तो तू या तवार अल में छुपता रहता कौम से मिनसू इन आर से माबु रबी उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में उनको खबरी दी गई थी युम से कहूँ, या वो उसको रोक तो लेता था ला हून जिंदा पर मगर या फिर यदुसूफ तुराब दंसा देता उसको मट्टी में तुझे बेटी मिले तो तु चेहरे स्याह हो जाते हैं के लोगों से आर्थ समझाता था तू लोगों के सामने नहीं आता अपने आप को छुपा के रखता है या तो तू बेटी को रख लेता है रख लेता है जिंदा लेकिन बड़ी मुशक्कत के ऊपर या फिर तू जिंदा बेटी को क्या कर देता था धनसा देता था अपने लिए अपनी बेटी इतनी बुरी समझता है और मुझे कहता है अल्लाह फर, फरिश्ते जो अल्लाह की बेटियां हैं शर्म नहीं आती तुझे आज भी यही हालत है बेटी अल्लाह की तरफ से पैदा हो पहली बेटी पैदा हो जाए ओहो औरतें दो अल्लाह माफ अल्लाह अल्लाह की नाराज़ की है बेटी पैदा अगर ऐसी औरत आ जाए बद किरदार बिल्कुल उसको घर ना आने दिया कर निकाल दिया कर दफा हो जा तो खुदा की न शुक्री करने वाली जलील बेटी भी अल्लाह की रामत है बेटे के कोई कबाल दिखा तू बूढ़ा पड़ा हो चार पैके ऊपर उठ ना सकता हो तेरी कभी मंजली धोई हो उसने तेरे कभी खिदमत की हो उसने कभी तेरे कपड़े धोए हो तेरे साथ तो बोलना ही गवारा नहीं करता तुझे दवाई देना गवारा नहीं करता कि अब्बा तेरी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है बेटी है जो तेरे कपड़े भी धो रही है तेरे बिस्तरे को भी धो रही है तुझे भी साफ सुथरा कर रहा है और आज बेटी पैदा हो जाए तो तू ना से चढ़ा नाक चढ़ा लेते बेटी क्यों पैदा हुई है मेरी हैं औरतें भी आ जाती हैं गार घर दूसरी पेटी पैदा हो जाए तीसरी मातम घर शुरू हो जाते हैं है, है अल्लाह की नाराजगी शुरू हो गई बेटी क्यों पैदा हुई है? अगर इस किस्म की कोई औरत आए और अफसोस करने लग जाए बेटी पैदा हुई अल्लाह की नाराजगी इस जैसी औरत को घर में भी दाखिल ना होने दिया कर बेटियाँ अल्लाह की रापत अल्लाह की रामत ना होती तो नबीम की बेटियां ना होती हैं अल्लाह की रामत ना होती तो कई पैगंबर थे जिनकी सिर्फ़ बेटियाँ थीं तो इसलिए ये हिंदुआना रस्म है मुशऱाना रस्म है कि अल्लाह बेटियाँ दे और ये मातम करता फिरे रोता फिरे कि आए अल्लाह की नाराज़ की हो गई ये जेलाना किसम है ये तो मशरेक़ीन का मक्का था अल्लाह जो भी दे दे अल्लाह पर राज़ी शिक्र अदा किया का फर्माया अम यदुस्तरा है उसको मट्टी में जिंदा अला खबरदार सा बुरा माँ यह जो वो फैसला करते हैं लजीन उन लोगों के लिए ला बिल ल जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर मसल साल बुराई के दुनिया में भी उनको यही सज़ा मिलेगी वलिला के लिए मिसाल आलाबुलंद वो वही ज़बरदस्त है अलकम हकीम वाल वाला उदुल्लासा अगर पकड़ता लल्ला लोगों को बेजुल बसब उनके शर को कुफ़र की वजह से मा तारा का ना छोड़ता ज़मीन की सतह पर मंदन कोई जानवर वाला की युवा युवा लेकिन अल्लाह ने मौखर किया हुआ उनको इलाज आले मौसम में एक मुकर्रम मुद्दा तक सवाल है पहले भी इस किस्म की एक आयत गुजर चुकी है कि अल्लाह कहता है मैं जमीन पर कोई जानवर ना छोड़ता अगर इंसानों को खत्म कर देता तो जमीन की सत्ता से सब जानवर भी खत्म कर देता चलो इंसानों को तो अल्लाह कह रहा है मैं खत्म करता हूं उनके শিরक कुफ्र की वजह से ये तो सज़ा के مستحق थे खत्म हो कर देता लेकिन जानवरों का क्या कसूर था अल्लाह उनको भी साथ ख़त्म कर देता करे कोई भरे कोई याद रखो इन असल ज़मीन के ऊपर जो है वो इंसान है बाकी सारी चीज़ें इंसान की खिदमत के लिए परिंद चरिंद हर चीज़ अब इंसान जब नहीं रहेगा तो जब मकसूद नहीं रहेगा जानवरों के रहने का क्या फ़ायदा होगा जब मकसूद ही नहीं होगा इसलिए जब मकसूद नहीं रहता तो मैं इनको बाकी रहा के क्या करता था मकसूद तो असल इंसान था फैजा जाम जब आ गया उनके पास अजॉब लायस्िर जब आ जाएगा उनके पास अजाब नहीं मौखर होगा साथ एक घड़ी एक घड़ी पीछे नहीं हटेगा वलायस्तक दिमोन एक घड़ी आगे नहीं बढ़ेगा भैया जालू न लाए और बनाते हैं अल्लाह के लिए वो माँ यून जिनको अपने लिए अच्छा नहीं समझते हैं बतासफ़िर बता सिफ अलसिनत तो उमुल का जेबाँ बोलती हैं ज़बान उनकी झूठ अनल उमलस्ना लोग बेशक अल्लाह के लिए अच्छा लज्जारामा पक्की बात है अनल उमार बेशक उनके लिए आ गए अन मफ़रत मफ़रतूँ बेशक वो सब के सब सामने धकेल दिए जाए सब के सब धकेल दिए जाएंगे तल्लाए अल्लाह की कसम लकदरसल ना तक एक तकी बे जा कई उमतों की तरह मिन कबल का आपसे पहले मेरा पेगम रसूल फ़जै शैतान बस मुजैन किया उनके लिए शैतान ने आमअल उनके बुरे आमालों को बहुलीम और शैतान उनका आज के दिन दुनिया में भी दोस्त है वलो मजाबलीम उनके लिए अजाब है दर्दनाक मबा साम और नाराम ने आपके ऊपर किताब को अला तुबै नज़ी मगर सिर्फ इसलिए ताकि बयान करे उसको जी उन लोगों के लिए बयान करें उनके लिए वो मसला जिसमें वो इसलिए कौरान ना, कौरान तो आया छेड़ने हैं जो इख्तलाफ था यह कहते कुरान पढ़े तो पैदा होता है कुरान तो आया इसलिए ताकि शिरक को छेड़े छेड़ के जब छेड़ेगा फिर बताएगा सीधा रास्ता क्या है हैं पहले एक अल्लाह करे किसी की बाजू टूट जाए ना हो बाजु फिर लगाने वाले लगाएं तो वो सही लगती नहीं है। फिर क्या करते हैं उसको? सही करना हो तो क्या तरीका है सही करना हो तो पहले इसको उखेड़ दो उखेड़ो इसको फिर सही लगाओ और पहले वो उनका बाजू पहले से टूटा हुआ था तु से शिर के ऊपर जब कुरान आया तो इसने फिर उखेड़ के फिर तुद की तरफ रुकबा दी ये आ कि इसने जोड़ लगाया जब जोड़ इस तरह लगाया मजबूत लगाया फिर रोआ माओ बहनों में आपस में बन गए ऐसे जोड़ लगाए फरमाया लोगो नहीं मैं मेरा पैगंबर नहीं उतारा नहीं तुझ पर कुरान किताब मगर इसलिए ले तो बनआम ताकि बयान करें उनके उनके लिए जी वो चीज़ एखलाफूफी है जिसमें वो इख्तलाफ़ जिस करते थे दुनिया में हुद कुरान हिदायत भी है रामा तन अमल करने वों के लिए रामात है तमाम जानों के लिए जमा जान वालों के लिए इमन हिदाय हदा हिदायत है अमल वालों के लिए रामात है ले कओ मी मिनोंम लाने वाली कौम के लिए والله أنزل من السماء अल्लाह वो ज़ात है उतारा उसने उतारा उसने आसमान से मान पानी फाहिया बिल लारजा जिंदा करता है उसके साथ पानी जमीन को बाद बाम उसके बाद जरगे जाने के बाद इन्ना फेजा ले का बेशक इसमें ले कौमी यसमाउन बेशक इसमें भी तौहीद की निशानी हैं सुनने वाली कौम के लिए जी लगा कर सुनने वाली कौम के लिए इन्ना ला कौम बेशक तुम्हारे लिए फ़िलहाना हमें छुपायों में लाई बरा नहीं है जो दलालत

हल्के से गुजरने वाला होता है पीने वाले के लिए वह मीनू सामार आते हैं और फल भी न खेल खजूरों के वाला आना भूरू के तब खिजू न तुम पकड़ते हो से सकारा नशा व रेज और रेज़ का अच्छा जरा समझो इस आयत को अल्लाह इनाम गिनवा रहा है कहता है अरे इंसान तुझे मैंने वो पिलाया दूध पिलाया है जो गोबर को लेदा कर दिया खून को लेदा कर दिया खाले दूध लेके मेरे इनाम दे हैं है खालेस। फाल देख तू फाल खजूर खिलाए आनाब अंगूर खिलाए तुम उसे पकड़ते हो नशा क्या नशा भी इनाम है खजूर तक मीनू सकारा क्या तुम उसे नशा पकड़ते हो नशा भी इनाम है नशे से तो मन्ना है जुर्म है नशा तो गुनाह है फिर इनाम क्या है इसके दो जवाब दिए गए एक तो एक तो कहा ये आयत उस वक़्त की है जब अभी तक नशे के हराम होने की दलील नहीं आई थी अल्लाह ने मना नहीं किया था नशा करने से उस वक़्त अंगूरों से खजूरों से शराब बनाया जाता पीते नशा आ जाता उस वक़्त की ये आयत है अभी तक मन्ना का हुक्म नहीं आया था लेकिन बात नहीं दूसरे ने कहा जी असल बात अल्लाह के कहता है अल्लाह कहता है देख तुझे गाह खजूरें हैं तुझे अंगूर दिया है ये तेरे मास से फायदा है ओ इतने तेरे ऊपर इनाम किया है पागल तू उनसे नशे बनाने लग जाते हैं बुरी चीजें बनाते हैं मैंने तुझे आला दी तू बुरी बनाता है ये बात है असल ये है आ तत्ता तत्ता खिजोना वो मैंने तो तुझे खजूर दिए वाला आना दिए ताकि तू खा आला मेवे दिए हैं लेकिन तू इतना कम लाए तू नशे बनाने लग जाता है गंदे काम करता है तत्ता खिजू तुम पकड़ते हो मेनो से सा रिज रिज़कन हासाना उमदा रिजक इन फिजाल का बेशक इसमें कौन सा उमदा रिजक पकड़ा जाता है फिर उन्हीं मेवों को खुश्क किया जाता है तैयार की जाती है बाद में जिसको तू हल्व में डालता है और कहते हैं इन्ना फीजा ले का बेशक इसमें ला या तन निशानी अले रखने वाली कौम के लिए वाह हा वा रब्बे का वही की तेरे रब ने इला नहाले मक्खी की तरफ मक्खी वही यहाँ वही क्या है यहाँ दिल में बात डालना दिल में बात डालना कहते हैं ना कि पैगम्बर औरतें थी या मारदून का पीछे जवाहरला ने कहा जितने पैगम्बर भेजे थे मैंने मारदी भेजे थे औरतें नहीं आई थी फिर औरतें भी तो थी बीबी मरियम की तरफ वही का लफज है मूसलाम की माँ की तरफ है तो फिर मालूम हुआ कि औरतों को भी दबुअत मिली थी याद रखो वहाँ वही बमाना इलहम है दिल में बात डालना अगर वहाँ वही का माना होगा वही तो फिर यहाँ क्या कर मक्खी को भी नबी बनाया अल्लाह ने शहद वाली मक्खी को औ हा रबो का वही की तेरे रब ने इन नहले मक्खी शायद वाली मक्खी की तरफ यहाँ वही है, हैं जैसे तवफा, इन्नी का का ये कहना कि सिर्फ मौत ही माना है और कोई नहीं तो फिर वही का माना भी फिर वही हो गए तो नहीं बनेगा एक लफज अरबी का कई माने के लिए इस्तेमाल होगा लेकिन श्या को सबा को देखा जाएगा अपना माना आप नहीं निकालेगा ओहा वही की इमाम किया बात डाल दी दिल में रब्बो का तेरे रब ने डाली किसकी तरफ डाली इला नाले शहद वाली मक्खी की तरफ डाली कौन सी बात डाली अनिता खरी ये डाली के मना ले मिन अल पहाड़ों से बोतन घर ममिन शाजा रेना और दरख्तों से घर में मयारून और जो छतरिया पर डालते हैं छतरियों पर डालते हैं उनसे गार सुम्मा कुली फिर तेरे रब ने ये उसके दिल में बात डाली कुली खामिन कुल समारात हर किस्म के पाल चूसती रहे चूस हर किस्म के पाल से मरगोबात फिर तेरे रब ने बात डाली फसलों की सोबोला रब्बे के चलती रहे तो अपने रब के सीधे रास्ते पर जोला लान ताबे किओवे नरमी के साथ चाल यखरो जो मेबून आ कर निकालते हैं वो अपने पेड़ से शराब उन पीना मुख्तलफ उनवानो मुख्तलिफो तेरंग उनके फी है उसमें शहद में शिफा उन्ना शिफाए लोगों के लिए इन न फ़ीजा बेशक इसमें ला यातन निशानियाँ लोम या तफक्र और फ़िक्र करने वाली देख मक्खी खुद कितनी साख्त है तुझे डांग लगा दे तो तेरा मुंह देखने के काबिल नहीं होता जैसे ढोल बन जाता है हैं? लेकिन मुंह से कैसे निकालती है मिठास जिसको अल्लाह ने शिफा बना दिया है देख आ ये सब काम करने वाली कौन जात है और खुद म, ये जो मक्खी है इसमें नर्सें भी होती हैं डॉक्टर भी होते हैं और बड़े बड़े मैर इंजीनियर भी होते हैं और बड़े बड़े बैर्फ इनकी जो चेकिंग वाले पोस्ट हैं वो भी हैं और इनके पास अल्ट्रासाउंड भी होते हैं आप कभी तजर्बा करें जहाँ इनके छत्ता हो शायद का नीचे देखें मक्खियाँ कहीं मरी पड़ी होंगी कोई तड़प रही होंगी बाँस की गर्दने साथ नहीं होंगी लेकिन क्यों इसलिए कुछ वो होती हैं जो रस्से चूस के आती हैं कुछ डॉक्टर साहब छत्ते के ऊपर खड़ा होता है इसके रस चेक करता है कड़वी चीज की तो नहीं ले आया दो डबरी लेकर तो नहीं आ रहा कोई मिलावट तो करके नहीं आया अगर थोड़ी सी कमी हो गर्दन मरोड़ के फेंक देता है कहता है तू खयानत क्यों कर रही है? है पीने किसी को नहीं दिया ये सारे इंसान अवेख तो सही और ये तेरे लिए हमने शिफा बनाई है शिफा है तेरे लिए ये फी शिफा है तेरे लिए हैं है? ये शिफा है ना जब तवीज़ियत कुरान शिफा है तो शायद भी शिफा है फिर शायद पीते हो या शायद की बोतल गर्दन में डाल लेते हो कभी औरत को बधाओ ना शायद जरा कमर के साथ चंगे सात किलो वाली हो इसको कह उठा शाबाश क्योंकि शिफा है ना ये है देख ये शिफा पीने के साथ है तब शायद शिफा है ना के गर्दन में रस्सी डाल के धागा डाल के बोतल लटका दो को ये शिफा 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 ये शिफा है इसलिए कुरान शिफा है अमल अकीदा बना कुरान के मुताबिक कुरान के उम पर अमल कर वो इस तरह शिफा है शायद पीने के साथ शिफा चलो शिफा उन नास शिफा है लोगों के लिए हाँ ये भी देख अल्लाह ने आम लिन्नास रखा है ये नहीं कहा मुबाइल सिर्फ तेरे लिए शिफा है अल्लाह ने कहा मेरा बागी पिए तब भी शिफा है इसमें शिफा मैंने रख दिया है अपना है कुरान उसके लिए जिसने माना उसके लिए भी शिफा है जो नहीं मानता उसके लिए भी शिफा है लेकिन बदब्ती उसकी अपनी जो आप ना माने तो अलहदाबाद शिफ़ा इन्फी जल का बेशम यखर इसमें भी बड़ी निशानी है अल्लाह की कुदरत और वादानियत के कोई गौरव फिक्र करने वाला हो तो बड़ी बड़ी चीज़ें तलाश कर लेगा ये बड़ी बड़ी कुरान जहाँ भी जाएगा बार बार कहेगा य तो फखकर फिक्र करो गौरव फिक्र करो ये गौरव फ़िक्र करेगा तो बड़ी बड़ी चीज़ें तुझे मिलेंगी यानी ग़ौर फिक्र करना ज़रूरी है अल्लाह खाला का कौम अल्लाह वो ज़ात है जिसने पैदा किया तुम्हें सोमा या तो कौम फिर मौत देगा तुम्हें अमीन कौम बा तुम में से वो भी होते हैं मई यदोलाजिल जो लुटाए जाते हैं निकम्मी उमर की तरफ ले ताकि ना जाने बादशिन किसी चीज़ के जानने के बाद अर्जा ललुमर निकम्मी अल्लाह के रसूल माफ़ी मांगते थे अल्लाह इस इस उम्र से बचा जो बंदा इतना बूढ़ा हो जाए कि उसका दिमाग बच्चे वाला बन जाए जानने के बावजूद कहता है ये क्या चीज़ है क्या चीज़ है क्या चीज़ है एनल्ला बेश अल्लाह अरे हमें भी महफूज रखना सब मुसलमान इन अल्लाह बेशक अल्लाह आम जाने वाला है कदीर उन हर चीज़ पर का वा फजल बाज़ को मलाबादिन अल्लाह फजीला दे चुका है बाज़ को बाज़ पर फिर रेज़ के रेज में किसी को ज़्यादा रिज्क दिया किसी को काम दिया फमलना पस नहीं है वो लोग फज़ल फजीला दिए गए बेरा दज बेरोद रिज के मला माँ मालकत नई नहीं फजीला दिए गए जो दे दें अपने रिज को वाला माँ मलकत आए मानो हम जो दाएँ हाथ है माले कौन के अए बंदे तो बंदे के ऊपर फजीला दिए गए हैं लेकिन जो दाएँ हाथ वाले हैं ना ग़ुलाम आका उनको तो फजीलत नहीं देता मौला के सरदार को फजीला दी गई है उस कमज़ोर पर जो रिज अपने माल में अलामा मालकाता इमाम जो हाथ मालिक है उनके फोम फ़ी सवा उन वो उसमें बराबर है एक मालिक है एक गुलाम है मालिक को फजीलत है ग़ुलाम पर क्या ये गुलाम को अपना बराबर समझता है करता है बराबरी नहीं करता जब तू अपने आ ग़ुलाम को बराबर माल में नहीं करता शरीक तो ए, खुदा के बराबर मखलूक को क्यों करते हो तो मखलूक को कैसे शरीक चलाते हो अफ अब नमत हाँ अल्लाह ने फीला दी बास तुम्हारे को बास पर रिजु में है बस नहीं है वो लोग जो फ़जीला दिए गए लुटाने वाले रिज़्क रिज के म अपने रिज़ को अल्लाह उन पर मामलाक़ात जो मालिक ऐमान उमदायात उनके फोम फी ए सवा बस वह बराबर हो जाए उसमें नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं करते बे मतल अयसल्ला की नहमत का यजहद वो इनकार करते हैं वल्ल जाल अल्लाह वो जाता है जिसने बनाया तुम्हारे अनफोसुम अन्सम तुम्हारी जिनसुस तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से, से बनी ना बेटे हाफा दन पोते भी महाराजा का रुण रुण दिया। बात बफबिल के साथ तो तुम्हें मार रखते हो वे नमत लल्ला की नहमत का तुम होम यून

तो नहीं जानते जरा बल बयान ने मिसाल अबदान की गुलाम की लाख ला दर वाला शाह नहीं कादर किसी चीज बार ममन रोजकना हो जो रिजीदिया ने उसको मिलना हमने अपनी तरफ से रिजका व यूनफे को पद वो खर्च करता है मैंने उससे सिर रहूँ अजारन सरन छुप कर और जहरी हाल हालियस्तावियन हालियस्वून क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं एक बंदा वो है जो ग़ुलाम है जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है और एक शख्स वो है जिसको हमने रिजक दिया हमारी राह में खर्च भी करता रहता है छुप कर भी जहरा बता एक वो है जिसके पास माल नहीं है एक वो है जिसके पास माल है राह में रात दिन खुश और जैरन छुप कर भी खारज करता क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं कभी बराबर नहीं हो सकते और जब ये दोनों बराबर नहीं हो सकते तो खालक और मखलूक कितने बराबर हो सकते कहाँ बराबर हो सकते हैं अलहमदुल्ल श्रे मुश्र को इतना तो मान लिया अल्लाह के हाथ में सब ख़ज़ाने हैं मखलूक के हाथ में कुछ ख़जाने नहीं हैं बल अक्सर ओम के अक्सर ला याम वो नहीं जानते वज़र अब मसल रज ने बयान के अल्लाह ने मिसालें दो मर्दों की मुश्रक मवायद की आदमा उन दोनों में से एक आब कामो ला यकदर लाशन आब कामो बिल्कुल गंगा है ला यकला शैन नहीं है कादर के चीज पर वो कुल्ल अला मौला वो तो बो हो व कल्ल वो तो बोझ बना हुआ है अपने मौला पारा ना कहीं भी या वज्जह हो जिस तरह भी मुंह करता है लयाते भी खैर नहीं आता भले ही के साथ जरा ये मिसाल भी सुनो मोमिन मवाद की दो आदमी हैं एक का गुलाम है थे बिल्कुल बस गिया गुजरा नबीना गंगा लूला लंगड़ा वो कोई गुलाम रखा हुआ है लेकिन कादर किसी चीज पर भी नहीं है उल्टा अपने मोलिकों पर क हाँ तब बनता था गुलाम अपने आका की खिदमत करता लेकिन वो खिदमत क्या बनता उल्टा आका को गुलाम की खिदमत करनी पड़ती है बोझ बनना पड़ता है जहां भी उसको मालिक भेजता है ना जा फला काम करके ले आ उसको भेजा जा वो गिलास लेके आ शीशे वाला वो लेने जाता है वापस आते है, तो उसको तोड़ के लेके आता है उसको कहता है जा फला से ये चीज लेकर आ वो लेकर वो लेने जाता है लेकर आता है तो वो चीज़ खराब करके ले आता है निरा उसके लिए वबाल जान जान वबाल जान एक तो ये है और एक वो है जिसका गुलाम ठीक ठाक है उसको जहाँ भी भेजता है वो हर काम करके आता है मालिक की खिदमत भी करता है अपना जो काम वो कहे वो भी करके आता है अच्छाई का हुक्म भी करता है ज़रा बताओ ये दोनों गुलाम बराबर हो सकते नहीं हो सकते हाँ ये मुशरक़ जो हार अंधा बड़ा है जहाँ भी मुँह करता है वहाँ नुकसान करके आता है और जो वो जो सिर्फ़ एक है और है सही ये है मुब ये है मुहैद अच्छाई का हुक्म भी करता है काम भी सीधे करता है मुशरे के सारे काम उल्टे होते हैं हाल यस्तावी क्या बराबर है वो और मन वो शख्स या मोरू बेलादले जो हुक्म करता रहता है अच्छी बातों का सिरात मुस्तकीम और है भी सीधी राह पर यह मवाद की मिसाल है बल वा लैबाव वाला अल्लाह के लिए गैब आसमानों का छुपा हुआ आसमानों का और जमीन का जो कुछ भी छुपा है आमर सात और क्या नहीं है हुक्म क्या मत के का। कला में सर मगर आँख झपकने के बराबर ओह कर बो या इससे भी ज्यादा करे इन बेश अला

जाओ में खला में हवा में मायूम सुकुनों यानी कोई नहीं रोक सकता उनको इ्ल्ला मगर अल्लाह देखता नहीं पार मार रहा होता फिर ऐसे रुक जाता है परिंदा ये कौन है हवा फिजा के दर उड़ाने वाला परिंदे को और ये पर रोक ले तो इसको रोकने वाला कौन है अल्लाह इन फिजा का क्या मतलब अब वो है, है अगर पर उड़ती उड़ती जगह पर बात करे तो नीचे घिरने का खतरा है फिर गिरता मार जाता लेकिन अल्लाह ने रोका है इंसान आ तेरी तकलीफों के अंदर भी शिफा तुझे देगा और कौन देने वाला है? कौन तू मुसीबतें रोकने वाला है <laughs> इन का बेशक इसमें ला आ निशाने वाले कौम ही ईमान रखने वाले कौम के लिए वल्लातेम बनाए अल्लाह ने तुम्हारे तुम्हारे घरों से साका ना की जगह अल्लाह को मिन जुल आम है और बनाए अल्लाह ने सफ़र में तुम्हारे लिए चमड़ों जानवरों के चमड़ों से बयोतन घर खेम है तस्तखुना जिनको तुम हल्का महसूस करते हो योमा जान कम जिस दिन तुम कूच करने वाले होते हो वह योमाई काम जिस दिन तुम मुकीम होने वाले होते हो वा ममी नाफे और भेड़ों की ऊन से भी वाह और ऊँटों के बालों बबरियों से भी वाशा रहा बकरियों के बालों से भी असासा घरों का सामान तकिए बनाते हो जर्सियाँ बनाते हो मतान ललहिन ये नफ़ा है एक वक़्त तक लोगों वल्लाउ जाम अल्लाह वो ज़ात है जिसने बनाया तुम्हारे लिए में माओ से खाला का पैदा किए साए व जालम और बनाया तुम्हारे लिए मेरा जिबाल पहाड़ों से आकना छुपने की जगह अलकुम बनाया तुम्हारे शराबीला तकीकुम कमी से जो बचाती हैं तुम्हें हर्रा गर्मी से अ शराबीला और कमी तक... से तकी उम जो बचाते हैं तुम्हें बासकुम तुम्हारी लड़ाई से कज़ाले का इसी तरह युति मन मतओ मुकम्मल किया ने अपनी नमत को तुम बार ललकुम तुस्लिमून ताकि तुम उसके तुस्लिम फर्मा बरदार बन जाओ फ़िन तवल अगर तुम मोलो फ़िन नया बलामुबीन बेशक तेरे हो अगर वो मुंह मोड़ लें मेरा पैमान बेशक तेरे ऊपर साफ साफ पुछा देना है मसला तो यार फू पहचानते हैं वो लोग की नहमत सुन करोना फिर वो इनकार कर देते हैं अक्सर ओ मुल का फिर अक्सर उनमें से शुक्र नई उमबा सुमिन को ले जिस दिन उठाएंगे हम हम हर उम से शहीदन शहीद गवा सुन दीना का फरोह फिर नहीं माजरत कबूल की जाएगी उन लोगों की जो काफिर हैं बला उमय युस्ता होना ना उनकी में कबूल की जाएगी नहीं इजाजत दी जाएगी ला यूजर होना ना माजरत कबूल नहीं की जाएगी ये मफहूम है यानी इजाज़त नहीं दी जाएगी माजरत की उन लोगों को जो काफिर है वालाकुम और ना वो युस्तब ना उनकी तोबा कबूल की जाएगी वही ज़ार अल्लाजीना ालमू जब देखेंगे ालिम काफिर मुशरक लोगाज़ाब आज़ाब को फ़लायू खफ्फफ़ा नम नहीं हल्का किया जाएगा उनसे वलाकुम जुनजर हूँ ना वो मोला दिए जाएंगे वही ज़हराजी नरकू जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने शेर कर किया शुरुआम अपने शरीरों को का लू कालो कहेंगे रब्बाना हाउला शुरु ना ये हमारे शरीक खड़े अल्लाजी को न दो जिनको हम पुकारते थे ने सिवा फाल काओ ले लो। डालेंगे वो उसके तरफ कौलो उनके माबू इन तुम झूठ बोलते हो हमारी इबादत तुमने नहीं की फाल काओ ले और डालेंगे मुशरकू उनके तरव दिन उस दिन सलम सलम पैगाम सुल्ला का वजल्ला गुम हो जाएंगे उनसे मा कानू या फरून जो कुछ वो करते थे काफर वो लोग जिन्होंने कफर किया बस सभीः रोकते थे अल्लाह के रास्ते जिदनाजाबा ज्यादा करेंगे हम उनको अज़ाब फ़ो कल अज़ाब के ऊँ पर अज़ाब बिमा कान सिदुम बस उसके जो फसाद करते रहते थे व योम नबा सफ़ी मतिन जिस दिन हम ले कर आएँगे आरोन गवा मुन पर मेन अनफोसम उन्ही की जानों में से या तो नबी गवा ले कर आएँगे या उसके फेर अज़ाब को गवाह बना के ले आएँगे वजह इना बेका ए मेरा पैगम्बर मोहम्मद रसूल आपको भी गवा ले कर आएँगे अल्ला हाउला इन लोगों पर आपको भी गवाह बना कर ले आएंगे वह नज हाँ अल्लाह के रसूल को भी गवाह लेकर अल्लाह के रसूल ने कहा मैं कहूँगा अल्लाह मैं उसी तरह कहूँगा अल्लाह के नेक बंदे की तरह अकूल कमा काल अल अब दो साल जिस तरह अल्लाह का नेक बंदा कहेगा इस सलाम मैं भी कहूँगा इस सलाम से अल्लाह पूछेगा तो कह के आया था मेरी इबादत करना वो कहेगा अल्लाह मुझे पता नहीं है मैं तो कह के इबादत करना जब तूने मुझे उठा लिया था बाद में पता नहीं कौन किस की इबादत करता कहूँगा अल्लाह मुझे पता नहीं है कौन मुझे पुकारता रह कौन मेरी इबादत करता है मैं नहीं जानता <laughs> <laughs> नज्जल न लेकल किताब उतारी हमने तेरे ऊपर किताब को तिब यौन कुल्ले शान करने वाली है हर चीज़ को बयान करने वाली है हर चीज़ को यहाँ से आ गए मर का उनके कुरान हर चीज़ बयान करने वाला है तो लिहाजा कुरान ने इल्म गैब भी बयान कर दिया रसूल मकान और मकून का इलम हासिल हो गया याद रखो यहाँ तिबियान कुल, कुल हर वो चीज़ जो ज़रूरिया दीन में से थी जिसके ज़रूरियात दीन में से जो चीज़ें थी वो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दी बहुदन और हिदायत भी थी रामत भी बुश है बुशरा है खुशखबरी है मोमनों के लिए इन्नल्लाहु बेशक अल्लाह यह अमर बिलादल हुक्म करते हैं साहब का वल एहसान है और एहसान का ईताइज़िल कुर्बा अदा करो जिलकुरबा करीबी रिश्तेदारों के को पना निल्फाशा और मना करता है बेया इसे वलमुल मुनकर बुरे कामों से वलभ ये और सरकश या इस हुकुम अल्लाह तुम्हें वाद करता है यानी अल्लाह तुम्हें तकीदी हुकुम करता है लाअ करो तक तुम नसीहत अदा करो बाओ फू बे आदिल्ला पूरा करो अल्लाह के साथ वादा इज़ा आह तुम जब तुम वादा कर चुके कौन से ये वादा है ला अला वालाव ये पूरा करो अल्लाह तेरे सिवा किसी को शरीक नहीं करेंगे मुश्किल को शहाजत रवा गायबदान नफ़ नुकसान का मालिक इज्जत जिल्लत बेटा बेटे देने वाला तेरे सिवा किसी को नहीं समझेंगे ज़रा अल्लाह के साथ किए हुए वादे को निभाओ लोगो पूरा करो भला तन खुजुल आई मत तोड़ो तुम अपनी कसम को बाद की दिया। उसके पुख्ता किए पुख्ता कर लेने के बाद वक़ात जाल तुम अल्लाह वाले को तकीक बनाया तुमने अल्लाह को अपने ऊपर कफ़ीला जामिन कसम दे कर अल्लाह बेश ज़ालम जानता है माता फलू जो तुम कर जो कसमों का मसला मैं पहले बयान कर चुका हूँ वला तक कौन ना तुम हो जो कल्लाती मिसलूस औरत के ना कज़ात गज़ला जो टुकड़े टुकड़े कर देती है अपनी बट्टी हुई रस्सी को मे बाद को मेहनत के बाद अन का सासा रे जे रे जे एक औरत थी कमली मक्का में वो रोज़ाना सुबह उठती रोई की रस्सी बनाती रहती बनाती रहती बनाती रही ओ रस्सी तैयार हो जाती जब वो तैयार हो चे बाद में उसको टोटे टोटे कार दे का देती अल्लाह ने कहा उस औरत की तरह न बनो पहले कस्मे उठा लो फिर बाद में टोटे टोटे का दो पूरे कस्मे निभाओ मुकम्मल और उस औरत की तरह न करो जो वो पहले बनाती रहती फिर तोड़ देती तुम पहले मेरे साथ वादा कर चुके हो वादा करके अब तुम उसकी रस्सी की तरह टोटे टोटे ना करो पूरे वादे पुखताओ फरमाया तुना ऐमाना को पकड़ते हो तुम कस्मों को दलन ढाल

आपस के डाल बनाते हो ताकि वो एक उम्मत मदबोमाना या काफ़रा है या अरबाओ जो ज़्यादा कर उम्मत उमत उम्मत से माल में इन यबलो को बेशक बेशया तुमको अल्लाह ने साथ ही वाला जो यू भय बयान किया तुम्हारे लिए यूँ मान ज़रूर भरू बयान करेगा तुम्हारे लिए योमल क्यामल क्या दिन माँ कौन तुम फ़ीत अखिल जिसमें तुम इख्तलाफ़ करते रहते वाला उशा वगर अल्लाह चाहता लजाको मम्मा तुम वह बना देता तुमको एक जमात वाला क्यों यूजिलो मई यशाओ लेकिन गुमराह करता है जिससे चाहता है दे देता मैं यशा हो जिससे चाहता है जिसे चाहता है हिदह देता है और जिसे चाहता है गुमराह करता है वाला तुसल्ला को तुम दामन जरूर बजरू तुम पूछे जाओगे जो कोई तुम अमल करते रहे जो कुछ दुनिया पर अमल करते रहे तुमसे ज़रूर पूछोगे वाला खजु मत तुम पढ़ाओ मैं अपनी कसमों को दाखिल आना दाखिलाना ढाल आपस के मबान जरिय फसाद फतजल कदम उन बदोत्या फिसल जाएगा कदम उसके सबत जमने के बाद जू को सूआ चखोगे तुम बुराई अजाब को बिमा सदा तुम जो कोई तुम आम जो कुछ तुमने रोका अल्लाह के रास्ते से वाला कम तुम्हारे लिए बसब्ब उसके सजा तुम जो तुमने रोका उनको आन सबी अल्लाह के रास्ते से वाला के नजाब अजीम वाला वाला क़ुम तुम्हारे लिए अजाब नजीम अजाब है बहुत बड़ा भला आता मत तुम ख़रीदो अल्लाह के वादे के साथ सामनन कलीला थोड़े पैसे इन्ना बेशक अल्लाह के पास जो है वो खैर ख़ैर वो बेहतर है तुम्हारे लिए इन कौन तुम तमनगा तुम नहीं जानते बा इन दौम जो कोई तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा हम इंद जो अल्लाह के पास है बाकी बाकी रहने वाला वाला नजरीन साबर हो ज़रूर हम बदला देंगे उन लोगों को जो सबर करते दे रहे अजर अजर देंगे उनको ब्यासन बहुत अच्छा मकान जामलूँ जो वो अमल करते मन आ मेला साल जो कोई अमल करे नेक मिनजा कर चाहे वो मुजक्कर हो और सा या मोनस हो वो नाल में के व मोम फलाओ बस जिंदा करेंगे हम उनको ज़िंदगी देंगे हयातन तयबा पाकिज़ा ज़िंदगी साफ़ सुथरी ज़िंदगी वाला वाल नजदी जरूर हम बदला देंगे उनको अजर हम अजर उनका ब्यासन बदले अच्छा के माँ कानू जो कुछ ममल करते रहे अच्छाई के साथ अच्छी होगी फ़ैज़ा करातल कुरान जब पढ़िया कर तो कुरान मेरा प्यार फास्तुबिल्ला पना माँगी कर अल्लाह से मैंने शैतान रजीम शैतान मरदो से इ उल्ला बेशक वो जो शैतान है नहीं है उसके लिए सुल्तान कोई ज़ोर ना उन लोगों पर आमन जो ईमान लिया अला रब अपने रब पर या तो रखते हैं इन्नम सुल्तान बेशक शैतान का ज़ोर अ जी उन लोगों पर है या तव्लू जो उसको दोस्त बनाते हैं वल्ल ज़ीन ओम भी और वो लोग हम भी अल्लाह के साथ मुशरे को शरीक करने वाले हैं किसी हस्ती को किसी चीज़ में। उसके साथ मुशरक़ों ने शरीक करने वाले अब देखो ये आयत ना शिक्कती है कि अल्लाह कहता है शैतान का ज़ोर ईमानदारों पर नहीं चल सकता जो ईमानदार हैं और अल्लाह पर तवक्का रखते हैं उन पर शैतान का ज़ोर नहीं चलता और किन पर चलता है जो शैतान को दोस्त बनाते हैं अल्लाह के साथ शरीक करते हैं उन पर शैतान का ज़ोर चल जाता है ये कुरान की नस से कहती है कि मोमिन के ऊपर शैतान का ज़ोर नहीं चल सकता अब इससे ज़्यादा बयान आयत कौन सी हो हमारा तो ईमान है कि मुसलमान के ऊपर शैतान का ज़ोर नहीं क्योंकि कुरान का ये ऐलान है इसलिए तब से कुरान में इस मकाम के ऊपर ग़लाम रहमुल्ल भी लिखता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका कोई मकर फरेब असरअंदाज नहीं हो सकता क्योंकि मोमिन सदकिन जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं उन पर शैतान का बस नहीं चल सकता इसी मकाम पर तुम देख लेना तो इसलिए ये कुरान की न है शैतान का जोर मोमिन पर नहीं चल सकता चलेगा तो मुशर पर चलेगा और ये भी याद रखो शैतान का ज़ोर एक है वसफ़ा एक है गलबा शैतान का गलबा नहीं चल सकता मोमन पर वसफ़सा हो सकता है वसफ़ा यही है आप हकीम के पास जाते हैं डॉक्टर के पास वो आपको देख आपकी मर्द कहता है आपके हाथ पीले हैं आपका जिसम पीला हो रहा है आपकी आँखें पीली हैं ये पीला पीला मलूम होता है आपको जर्द बीमारी आपको यरकान है पीला ये आपके जहन में डाल देता है आपके वसफ़ा डाल अब और ना समझ आए तो अब यही देखो अल्लाह महफूज रखे हर मुसलमान को ये जो बीमारी है ये करोना हर एक को वसुसा पड़ा है अल्लाह बचाए कहीं आ ना जाए आ ना जाए आ ना जाए आ ना ये वसफसा है तसल्ल होता है किसी को ग़लबा डालना तसल्ल होता है किसी के ऊपर गलबा पा लेना शैतान वसफ से तो कर सकता है मशवरे तो दे सकता है आपको गलत ख्यालात तो आ सकते हैं लेकिन गलबा नहीं पा सकता जादू के ज़रिए होता है गलबा ये शैतानी फेल मुसलमान के ऊपर गलबा नहीं हो सकता वसफ़ से बात है गलबा अलीहदा है इसलिए सुल्तान पीछे सूरत इब्राहिम में भी गुजरा था शैतान है का सुल्तान यहाँ भी सुल्तान वसफ़ से हो सकते हैं वसफ़ सा तो बाब आदम को कह रहा था आदम तू और हवा दोनों दरख्त खा लो मैंने नहीं खाया था तो आज देखो मेरा क्या बना मैं भाई से निकाल दे गया तुम खा लो हमेशा के लिए बादशाह मन जाओगे तो इसलिए मशवरा दे सकता है शैतान गलबा नहीं हासिल कर सकता मशवरा दे शैतान कबूल करना करे आप या ना करें वो आपकी अलीहदा मर्जी है वरना जोर शैान का नहीं आ सकता इसलिए अकम मशवरा दे आप ये चीज़ इस्तेमाल करें आपकी मर्जी है करें या न करें अलीदा बात है लेकिन आपके ऊपर ज़ोर नहीं दे सकता इसलिए मवाद के ऊपर गलबा नहीं हो सकता अपने नज़रिए ठीक करो कुरान के मुताबिक भाई जहा भाब बदल ना या तो मकान जब बदल देते हम कोई निश जब बदल देते हम कोई आयत मकान आयतिन आयत की जगह वल्लम खूब जानता बीमारियों नो जो कुछ उसने नजा नाजिल किया जो अल्लाह खूब जानता है साथू चीज़ को जो उन जुन जिला जु नजिलो तारी गई कालो कहते ना मानता मुफ्ता निन बेश तो गढ़ने वाला है। बाल अक्सरों बल्कि अक्सर उनके ला मुन जानते हैं कुल नजल हो रोल को बेशक कुरान को तारा रोल दोस ने मैं रबे का तेरे रब की तरफ से बेला के ठीक ठीक ले सब्ब्य जीना मनो ताकि सबित रखे उन लोगों को जो ईमान ले आए वह हुत भी है वह बुश रहा खुश से लेकी करने वालों के लिए <coughs> वाला कदना लमो। तक एक जानते हैं हम अन्ना खोलो होना बेशक कहते हैं वो इन्ना मायम हो सिखाता है इसको एक बशर उन बशर एक बलम नामी आदमी था लुहार था ये बूढ़ा कभी कभी अल्लाह के रसूल के पास आकर बैठता था तो फिर मुशरक़ कहते थे ये इसको कुरान सिखाता है और ये आगे जाकर क्या करता है सुना देता है अल्लाह ने वही कहा है लेसान कहते हैं सिखा दिया है उसको बशर ने लेसान लजी ज़बान उसकी यूल हैदू नए जो टेढ़ा करते हैं उसकी तरफ उसी की ज़बान में सीख लेते हैं आ अजमीय अजमी बाज़ा लसान अरबी ये ज़बान अरबी देख जी अल्लाह ने कहा वो अजमी है कुरान अरबी है फिर यह कैसे सिखाता है मुबीन साफ इन अल्लाह जी बेशक वो लोग लाऊन बे आयात ला बेशक वो लोग जो नहीं मान रखते अल्लाह के याद के साथ ला यादि रहनुमाई करेगा उनके अल्लाह वालम वस उनके सबलीम दर्दना का ज़बाब है इनमा यफ़तबीना बेशक गढ़ लोग ने जो झूठ बोलते हैं अल्लाजीन वो जो लोग ला यो मिनतिल्ला के यादबार्ला कौमल काज यही लोग पक्के झूठे हैं मन कफ़रबिल्ल है जिसने कुफ़र किया मम बाई ईमान ईमान ले आने के बाद लाआ मन उकर मगर जो जबर किया जाए वलबो दिल उसका मुतमिन मुमतमिन बिल ईमान ईमान के साथ

लेकिन जो खोल दे साथ कुफर के सदरन सीने को फल गज़ब मिनल्ला है उस पर गज़ब है अल्लाह की तरफ से वो अजाब नजीम उनके लिए अजाब है बहुत बड़ा का ये इसलिए बेनोम तो दुनिया अजाब क्यों है गज़ब क्यों है इसलिए कि पसंद किया उन्होंने दुनिया की जिंदगी कोल आखिरत आखिरत बेश्ल या दिल को मलकाफ़रीन आखरात बेशक अल्ला दे नहीं दे त कौम को उलाकल्लाजीना यही वो लोग हैं तब अल्लाह वाला को लोबे मुँह लगा दे अल्लाह ने इनके दिलो बार बस इनके कानू पर बाब सारे मिन का खूब बउलाई का मुलगा फिल यही लो, जी लो।, जी लो ये लोग मुलगाफिलून बेखबर हैं ये सही चल रहा है ला जरमा पक्की बात है अन्नहुम फिल आखिरत बेशक आखिरत में हुम अल खासिरून नुकसान उठाने वाले होंगे ला जरमा पक्की बात सुमां इन्ना रबा कबे शक रब तेरा जिन उन लोगों के लिए हाजिर हो जजरत की जिन्होंने बाद उसके माफ़ माफो जब आजमाए गए सुम्मा जादू फिर उन्होंने याद किया बस साबर हो और सबर क्या इन्ना रबा कबे बेशक तेरा रब में बाद बाजू उसके लगाफूर उन बख्शने वाला रही बड़ा मेहरबान है यो मत आती कुल्लु नफ् जिस दिन आएगा अन्नफ तो जा दे लो नफ से अपने आप से झगड़ा कर रहा होगा अपने आप से सवाल जवाब कर रहे होगा आयो मैं मर गया हूँ मैं क्या करता रहा क्या हो गया तो वफा कुल्लु नफसे मामलत पूरा पूरा दिया जाएगा नफ्स को जो को जो उसने अमल किया वह उमला युजलम और वो जुल्म नहीं किया जाएगा मजारा बल्ला मसलन करिए